हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लिंकिंग लॉस प्लेटफॉर्म, जहां पे आज हम एक पर्सनल लॉ को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम हिंदू लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और काफी सारे ऐसे माइनर लॉस थे जिनका कंप्लीट सेगमेंट हम यहाँ पे डील कर चुके हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मुस्लिम लॉ को कंप्लीटली यहाँ डील करने वाले हैं। देखिए, मुस्लिम लॉ के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि बहुत सारा वक्त ले सकते हैं, जैसे स्पेशली आपका वक्फ एक्ट। तो वक्फ एक्ट को यहाँ पे आज डील ना करते हुए बाकी मुस्लिम लॉ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम हु इज अ मुस्लिम से लेकर आपके मुतावली तक, या फिर 2019 का जो मैरिज के ऊपर जो राइट्स आया है, जो न्यू एक्ट आया है, वहां तक डिस्कस करेंगे, विच विल ऑल्सो इंक्लूड योर शाह बानो का केस, शायरा बानो का केस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं वो सब। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर। सारिका जी, कौशिक जी, ठाकर हीर जी, फरहत जी, प्रियंका जी, निखिल जी, शुरू करें आज का सेशन मुस्लिम लॉ। देखिए, मुस्लिम लॉ सिर्फ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि एलएलबी के दौरान भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। अगर किसी को फटाफट से 2-2.5 घंटे में ये सेशन देखना है तो उसके लिए ये सेशन जो है काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। तो आज का जो मुस्लिम लॉ का सेशन रहेगा, उसके बाद इमीडिएटली 1 PM पे, कितनी बजे, 1 PM पे हमारा एक स्पेशल क्लास का सेशन रहेगा 1 PM पे, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है जितना कंसेप्ट हम समझते हैं उसके साथ ज़रूरी है कि हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी लेते रहें। ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्णा जी, विश्वास जी। चलिए, तो आपको शिवानी मैम के बारे में ऑलरेडी पता है, वेरीफाइड एडुकेटर है। और अभी तक अगर किसी ने अनअकैडमी का जो लिंकिंग लॉस का टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम चैनल की बात कर रही हूँ मैं, ग्रुप की बात नहीं कर रही। ठीक है, चैनल अगर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंकिंग लॉस करके टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे आपको सारे एडुकेटर्स के सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिल जाएगा। ठीक है, किसी ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको स्पेशल क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, MPCJ और गुजरात के स्टूडेंट्स, MPCJ एंड गुजरात के स्टूडेंट्स जो अपियर होने वाले हैं और जिनको कि लगता है कि एग्जाम में अपियर होने से पहले मुझे कोई भी दुख दुविधा दिक्कत दर्द शंका हो सकती है, तो फिर आप सभी के लिए ये कक्षा इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन सी कक्षा, ये जो हम कल शाम को, नहीं कल शाम को नहीं, आज शाम को 6 बजे ले रहे हैं, कितनी बजे, आज शाम को 6 PM वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लास, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है एग्जाम से पहले, नॉट फ्रॉम योर स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, और कोई भी जैसे ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए मैम एडमिट कार्ड में, और साथ साथ क्या क्या लेके जाऊँ, या फिर कौन सा पेन लेके जाऊँ, पेंसिल ले जाऊँ कि क्या ले जाऊँ, किसी को ऐसा कोई भी डाउट है, दिल की कोई भी बात है, यू कैन शेयर टुडे 6 PM। 6 PM कहाँ पे, अनअकैडमी ऐप में ये स्पेशल क्लास होने वाली है। कितनी बजे, 6 बजे आज ये स्पेशल क्लास रहने वाली है। शाम को आराम से सिर्फ आधे घंटे की क्लास लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। यस, हरियाणा मेंस का भी एग्जाम है ज्योति जी, बिल्कुल, हरियाणा मेंस वाले भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज़। अच्छा, और अभी तो हम 10 बजे का मुस्लिम लॉ का ये सेशन ले ही रहे हैं। 1 बजे इस सेशन की बात करूँ, 1 बजे हम स्पेशल क्लास डिस्कस करेंगे जहाँ पे मुस्लिम लॉ का सुपर फास्ट मैराथन होगा। और सुपर फास्ट मैराथन सिर्फ आज नहीं होने वाला, 8 मई को भी होगा, 8 मई को, दैट इज योर संडे। संडे को क्या होने वाला है, मुस्लिम लॉ के कम से कम 111 सवाल होंगे 10 बजे। पहली क्लास होगी 10 AM पे, दूसरी क्लास होगी 11 AM पे, 2 क्लासेस होगी बैक टू बैक और ये होने वाली कंप्लीटली फ्री क्लास है। स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ 8 तारीख को, मुस्लिम लॉ के जितने भी सवाल हो सकते हैं, तो लगभग मान के चलिएगा आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले 1 बजे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे 8 तारीख को 2 क्लासेस में, मान के चलिएगा लगभग 150 से ज़्यादा सवाल आपके पास ऑलरेडी आ चुके होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ओके, प्लीज़ एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम हायर जुडिशियल पर्सपेक्टिव टू, बिल्कुल नंदिता जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। क्रिश्चियन लॉ हमने प्लस कोर्स में डिस्कस किया था क्योंकि गुजरात में क्रिश्चियन लॉ भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलिए, 13 अप्रैल को ऑलरेडी लिंकिंग लॉस का एक बैच, रेगुलर बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि 2.0 है, और साथ ही साथ 20 तारीख को भी APO का बैच स्टार्ट हो चुका था। APO जिसमें वेरियस स्टेट जुडिशरीज का, वेरियस स्टेट्स के जितने भी APO के एग्जाम होते हैं उनको हम डील करने वाले हैं। साथ ही साथ DJS मेंस का बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है 4 मई को, परसों DJS मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स अपने आप को दिल्ली मेंस में देखते हैं वो इस सब्जेक्ट के लिए या इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। जब भी एनरोल कर रहे हैं आप कोड कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आइदर शिवानी 10 और लिंकिंग कोड को यूज़ करके आप क्या पा सकते हैं, 10% ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले ज़रा हम परिवर्तन कर लेते हैं, किसमें, बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड थोड़ा वाइट रहेगा तो सही रहेगा हमारे लिए भी चीज़ों को समझना। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको ये बता दूं, हाँ इतना सफिशिएंट है प्री के लिए चंचल जी, इतना सफिशिएंट है, जो आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं वो सफिशिएंट रहेगा। मैं आपको पहले बता दूं लगभग 2-2.5-3 घंटे की क्लास चल सकती है, तो साथ बनाए रखना, अच्छे से सेशन को आराम से डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो आप क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। हिंदू लॉ की PDF टेलीग्राम पर अपलोड करवा दीजिएगा, फरहत जी बोल रहे हैं। मैं ज़रा ढूंढती हूँ हिंदू लॉ को, देखो हमने जनवरी में डील किया था, लेट मी सर्च फॉर द PDF, मिलती है तो फिर मैं उसको शेयर करवाती हूँ। ठीक है, क्लियर। चलिए आज हिंदू लॉ में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे मुस्लिम लॉ का, नॉट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन लेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि हमारे मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या हैं, हमारे मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या हैं। फिर चलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे इनके स्कूल्स की, क्या क्या हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं, आपकी स्पेशली रहती है सुन्नी स्कूल और शिया स्कूल, उसका आज अच्छे से डिफरेंस समझने वाले हैं। साथ ही साथ समझेंगे सबसे बड़ी चीज़, दैट इज मैरिज, मैरिज कैसे होती है, दैट इज टू से इसके इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं डावर, क्योंकि मैरिज के दौरान ही डावर दिया जाता है। फिर पढ़ने वाले हैं हम तलाक, सिर्फ हम यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे, इसका जो कोडिफाइड लॉ है वो भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपके सिर्फ और सिर्फ विमेन को राइट दे रखा है डाइवोर्स लेने का। ठीक है, क्लियर है चीज। एज ऑफ प्यूबर्टी पढ़ने वाले हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे हिबा पढ़ने वाले हैं, गार्डियनशिप पढ़ने वाले हैं, वसीयत पढ़ेंगे, हिजानत पढ़ेंगे, वक्फ के बारे में पढ़ेंगे, मुतावली के बारे में पढ़ेंगे, और आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, या फिर आपका मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन मैरिज है, या फिर राइट्स ऑन डाइवोर्स है, ये दोनों एक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ हिंदी में भी बताते रहूंगी। ठीक है रंजना जी, कोशिश पूरी रहेगी। अच्छा, ये जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा एंड में ज़रूर मुझे याद दिला दीजिएगा PDF के बारे में, ताकि मैं इस PDF को अच्छे से सेव कर लूँ और आप सभी स्टूडेंट्स के बीच सर्कुलेट कर लूँ। शुरू करें आज का सेशन मुस्लिम लॉ। जब भी हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो सबसे पहले ये तो समझें कि एक मुस्लिम होता कौन है। जैसे हमने हिंदू लॉ के वक्त पढ़ा था कि एक हिंदू कौन होता है, वैसे हमें ये पता होना चाहिए कि एक मुस्लिम कौन होता है, एक मुस्लिम कौन होता है। साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक मुस्लिम वही होता है हु हैव फेथ और हु प्रोफेसेस इस्लामिक रिलीजन, जो व्यक्ति इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करता है, उसमें बिलीव करता है, उसमें अपना फेथ रखता है, विश्वास रखता है, आराधना रखता है, उसको कह सकते हैं हम कि वो व्यक्ति कौन होता है, वो व्यक्ति मुस्लिम होता है। तो हर कोई व्यक्ति मुस्लिम होता है क्या जो ऐसे रिलीजन को फॉलो करता है? आंसर इज कि यहाँ पे जो व्यक्ति बाय बर्थ मुस्लिम बॉर्न हुआ हो तो उसको हम मुस्लिम की कैटेगरी में डालेंगे, जो जन्म से ही मुस्लिम हो। अब जन्म से ही मुस्लिम व्यक्ति कब होता है? जब उसके पेरेंट्स मुस्लिम हो या दोनों में से कोई एक पेरेंट मुस्लिम हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जब वो कन्वर्ट हो, व्हेन ही कन्वर्ट्स। मान लीजिए हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम बन गया, तो जब वो हिंदू से मुस्लिम बना तो वो कन्वर्ट हुआ। तो कोई भी व्यक्ति यदि कन्वर्ट भी होता है वो आपका किसकी कैटेगरी में फॉल करेगा, वो आपके मुस्लिम रिलीजन में माना जाएगा या मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी मैं ही पढ़ाती हूँ चंचल जी, और आज ही मैंने इसको रेगुलर बैच में स्टार्ट कर दिया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को आज ही हमने स्टार्ट कर दिया है रेगुलर बैच में। क्लियर है ये चीज़। चलिए एक चीज और है कि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग गॉड दैट इज अल्लाह इज एवरीथिंग। उनके हिसाब से अल्लाह ही सब कुछ है, जो है अल्लाह है। अकॉर्डिंग टू देम सबमिशन टू अल्लाह, मतलब खुद को आप भगवान के लिए डिवोट कर दीजिए, अल्लाह के लिए डिवोट कर दीजिए, ये इनका सुप्रीम फेथ जो है वो कह सकते हैं इस्लाम का रहता है। साथ ही साथ इनका ये मानना है कि पीस हो गया, प्योरिटी हो गया है, ये सारी चीज़ें एक इस्लामिक पर्सन के लिए ज़रूरी है। पीस है, प्योरिटी है, सैल्वेशन है, डिवोशन टू गॉड इज व्हाट इज मेंट बाय इस्लामिक रिलीजन। इनका बेसिक जो फेथ है दैट इज डिवोशन टू गॉड, अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इनके अकॉर्डिंग अल्लाह इज सुप्रीम एंड नो वन इज सुप्रीम। क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये बात हम सब जानते हैं कि चाहे अल्लाह है, भगवान है ना, आपका जो है कोई भी है, भगवान एक ही होता है। ये हमारे अलग अलग फॉर्म्स हैं मानने के, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फेथ दैट ऑल द पीपल हैव। ठीक है, सो भगवान में जहां आप मानो बस आस्था होनी चाहिए, चाहे आप किसी में भी मानो, किसी भी तरीके से मानो, क्योंकि वो आस्था एक वो ऐसी चीज है जो कि आपको जीवन में विश्वास बनाए रखती है ना। आस्था बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी में भी रखो। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिक आपका मुस्लिम्स कौन होते हैं या मुस्लिम्स का बेसिक फेथ किस में होता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आगे चलेंगे जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे मुस्लिम्स का सोर्सेस क्या है। जैसे हमने जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, है ना, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदू लॉ के वक्त कि हिंदू में सोर्सेज क्या होते हैं, वैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुस्लिम में सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो मुस्लिम में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मॉडर्न सोर्सेज, एशियन सोर्सेज, मॉडर्न सोर्सेज एंड कस्टमरी सोर्सेज। ठीक है, क्लियर है? सबको ऑडियो वीडियो सब एकदम बराबर है आई गेस? चलिए, दो प्रकार के सोर्सेज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास रहने वाला है एशियंट सोर्सेज, ठीक है, प्राचीन काल में जो आपके सोर्सेज है, प्राचीन स्रोत, वो हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा आपके पास मॉडर्न सोर्सेज, दैट इज आधुनिक स्रोत। मॉडर्न सोर्सेज को अगर आप देखोगे तो आपके हिंदू लॉ से मिलते जुलते आपको मिलने वाले हैं। किससे मिलते जुलते मिलेंगे? आपको आपके हिंदू लॉ से मिलते जुलते मिलने वाले हैं। अब एशियन सोर्सेज में अगर आपको प्रिलिमिनरी में सवाल पूछ लिया जाए द मोस्ट एंशिएंट सोर्स और द फर्स्ट सोर्स, तो उसमें हमेशा आएगा आपका कुरान। क्या आने वाला है? कुरान आने वाला है। तो यहाँ पे पहले नाम लिख लेते हैं सबके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन की उनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुरान है, फिर हमारे पास सुन्ना है जिसको हम हदीस भी कहते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे कियास है, एंड एंड में हमारे पास इजमा है। ओके, जब मॉडर्न सोर्सेज की बात करेंगे तो मॉडर्न सोर्सेज में हमारे पास आएगा इस्तिहसन, फिर आएगा इस्तिसला, इज्तेदार, तकलीद एंड फतवा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? इस्तिहसन, इस्तिसला, फिर आपके पास आएगा इज्तेदार, तकलीद एंड फतवा। अब ये सारी चीजें क्या है, इसको अगर आप सबसे पहले अगर हम कुरान को देखें, तो वी नो व्हाट इज कुरान। कुरान हमें पता है ये मुस्लिम्स की एक होली बुक है। अगर इसको शॉर्ट में हम देखें तो कुरान में बेसिकली वर्ड्स ऑफ गॉड दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ड्स ऑफ गॉड। जो आपके भगवान ने बोला, दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय गॉड, वर्ड्स ऑफ गॉड, वो सब आएगा हमारे कुरान में। देखो, ऐसा नहीं है कि एक बार भगवान ने कुछ बोल दिया या एक बार आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ बोल दिया और उसके बाद वो चलता आता गया। क्योंकि आज हम जो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं या जो भी आप देखो ट्रेडिशंस, परंपराएं, वो हमें जनरेशन बाय जनरेशन सीखने को और समझने को मिलती गई। अब हमने भी थोड़ी ना हमारे साधु संत पंथ को देखा है, नहीं देखा है ना, वी हैव बीन हियरिंग इट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो जैसे जैसे हमको एंसेस्टर्स बताते गए वैसे वैसे हम इसको फॉलो करते गए। ठीक है, कोई बात नहीं शायरा जी, मैं आपको इसको बता दूंगी आपको कैसे याद करना है। ठीक है, अच्छे खासे नंबर के आते हैं माई जी, लेकिन क्योंकि इस बार गुजरात में पहली बार इतने सारे एक्ट एक साथ आ रहे हैं तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा एक्ट कितने नंबर का आएगा, लेकिन मान के चलेगा मिनिमम 5-5 नंबर तो आने ही आने वाले हैं मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ से, मिनिमम। ओके, क्लियर है ये चीज़? तो व्हाट इज कुरान? कुरान इज द होली बुक, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान ने जो कहा, जो हमारे अल्लाह ने कहा, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, वो है कुरान। दिस इज द प्राइमरी एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ योर मुस्लिम लॉ। फिर आता है सुन्ना, वर्ड इटसेल्फ से सुन्ना, तो व्हाट हैज बीन हर्ड। जैसे हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं ना, उसमें क्या पढ़ते हैं हम? स्मृतिस पढ़ते हैं, है ना, स्मृतिस पढ़ते हैं, जो हमने याद रखा। वैसे कि वैसे यहाँ पे जो हमने सुना या जो हमने देखा, दैट इज टू से द एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद के एक्शंस थे, दैट इज द मैसेंजर, उसके जो भी एक्शंस थे, जो भी उन्होंने किया, जो भी हमने देखा, जो भी ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो किया, वो हो जाता है सुन्नत। या फिर मैं यहां पे वर्ड लिख सकती हूं ट्रेडिशन। क्लियर। नाउ व्हेन वी कम टू कियास, इसका मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन। अब आपको पता है जब आपने कभी क्लैट की तैयारी की होगी या कोई भी एग्जाम की तैयारी की होगी, वहां पे एक सब्जेक्ट आता है एनालॉजिकल रीजनिंग, है ना। एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है एनालॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग। तो वैसे ही यहां पे है एनालॉजिकल डिडक्शन। देखो जब प्रॉफेट मोहम्मद नहीं रहे तो उनके बाद भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर लॉ बनना ज़रूरी था या जिनको समझना ज़रूरी था, लेकिन अब क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद नहीं है तो अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे जो आपके मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने अपना एनालिटिकल रीजनिंग दिया, ये समझा, ये सोचा, एनालाइज किया, लॉजिक लगाया कि जो लॉ ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब हम ऑलरेडी प्रिवेलिंग लॉ को कंपेयर करें कुछ चीज़ों के साथ तो जो हम आज किसी चीज़ पे लॉ चाहते हैं वो कितना सही है कितना गलत है। तो यहाँ पे एनालॉजिकल डिडक्शन प्लस मैं कह सकती हूँ कंपेयरिंग। क्या होती है कंपेयरिंग? होती है यू आर कंपेयरिंग द करंट सिनेरियो विद द ऑलरेडी लॉ दैट इज प्रिवेलिंग। तो उस वक्त जब आप प्रिवेलिंग लॉ से कंपेयर करते हो, चीजों को लॉजिक लगाते हो, एनालाइज करते हो कितना सही है कितना गलत है। अगर प्रॉफेट मोहम्मद होते तो इस सिचुएशन में क्या करते? दैट इज योर एनालॉजिकल डिडक्शन, वो होता है कियास। ठीक है, क्लियर है? जहां पे आप लॉजिक बेस करते हो, रीजनिंग देते हो। अंडरस्टूड? व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट इज बैक्ड बाय द रीजन। अब देखो जजेस जब भी कोई डिसीजन देते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, ऐसे नहीं डिसीजन दे दिया। एक रेशियो डिसेंडाई होता है, एक रीजन वो देते हैं व्हाई दे फील दैट दिस पर्सन इज गिल्टी, दिस पर्सन इज हेल्ड टू बी गिल्टी, या इस पर्सन को ऑफेंडर की कैटेगरी में डालेंगे या इसको हम कन्विक्ट करेंगे, रीजन देते हैं। ओके फिर आता है इजमा। अगर मैं इसको बोलूं तो इट इज योर ज्यूरिस्ट ओपिनियन, ज्यूरिस्ट का ओपिनियन है, ज्यूरिस्ट का ओपिनियन है। मतलब क्या हुआ? अब मतलब मान लीजिए मैं कोई ओपिनियन होल्ड करती हूँ किसी चीज़ पे, या मैंने किसी में महारत हासिल की, कोई एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मेरा ओपिनियन क्या रहेगा उस चीज़ में? या मैं कहूँ जजेस अपना कोई ओपिनियन क्या देंगे अगर कोई सिचुएशन उनके सामने आती है, दैट बिकम्स योर इजमा। और यहाँ पे जनरली मुस्लिम ज्यूरिस्ट का ओपिनियन मैटर करता है। किसका ओपिनियन मैटर करता है? मुस्लिम ज्यूरिस्ट का। अगर मैं कहूँ वर्ड मुस्लिम लॉ या फिर मैं कहूँ शरीयत लॉ, इट मीन्स वन एंड सेम थिंग, इट मीन्स वन एंड सेम थिंग। ओके क्लियर है ये चीज? शरीयत लॉ को ही मुस्लिम लॉ कहा गया है। अब आ जाएंगे हम अपने मॉडर्न सोर्सेस पे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इस्ती हसन। इस्ती हसन मतलब क्या होता है? अब वर्ड इस्ती, दोनों में इस्ती हसन और इस्ती सलाह है। इसका मतलब है कि ज्यूरिस्ट प्रेफरेंसेस, जो भी मुस्लिम लॉ में मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने बोला उसको प्रेफरेंस पहले देना, वो होता है इस्ती हसन। क्यों हम उनको पहले प्रेफरेंस देंगे? क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं ना, उसी कम्युनिटी से, उनको ज़्यादा नॉलेज है, उनको मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, दे आर द वंस हु कैन इंटरप्रेट द मुस्लिम लॉ मोर बेटर। तो जो भी आपके मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने कहा उनको प्रेफरेंस देना आपके इस्ती हसन की कैटेगरी में आता है। इस्ती सलाह मतलब पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक का इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में ज़्यादा है, पब्लिक का इंटरेस्ट कौन सी चीज में ज्यादा है, या पब्लिक किस चीज को ज्यादा मानती है, पब्लिक का फेथ किस चीज में है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई चीज को मान्य किया गया है वो आपका मुस्लिम लॉ का सोर्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू लॉ में कोई कम्युनिटी है जिनके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फेथ को या एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए तो उस केस में पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाएगा। अब हिंदू लॉ में वी नो कि जब भी हम सती की बात करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में दैट इज़ नॉट गुड। पब्लिक ने खुद ही सती को अबॉलिश किया, दे डू नॉट फॉलो सती सिस्टम एट ऑल। वैसे के वैसे मुस्लिम लॉ में अगर मुस्लिम कम्युनिटी अपना खुद का इंटरेस्ट देखते हुए ऐसा कोई लॉ बनाती है वो किस में आ जाता है? आपके इस्ती सलाह में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास तीन और बचते हैं, दैट इज इज्तेदार, तकलीद एज वेल एज योर फतवा। अब फतवा हमने कहीं ना कहीं ज़रूर समझा होगा। इज्तेदार क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपना खुद का रीज़न लगाता है टू डिड्यूस द लॉ, व्हेन अ पर्सन हिमसेल्फ गिव्स अ रीज़न टू डिड्यूस और टू इंटरप्रेट लॉ, विधि को समझने के लिए मैं खुद अपना रीज़न लगा रही हूँ कि अगर मैं होती तो यहाँ पे क्या करती, मेरे अकॉर्डिंगली क्या चीज़ राइट है। तो जैसे जैसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से लॉ को समझना शुरू किया, लॉ को इंटरप्रेट करना शुरू किया, अपने अपने घर में रूल्स रेगुलेशंस बनाने शुरू किए, वो हो गया आपका इज्तेदार। ठीक है, फिर आएंगे तकलीद पे, दैट इज प्रीसीडेंस। अब आपको पता है हम लोग लॉ के सेगमेंट में मॉडर्न सोर्सेज में प्रीसीडेंट्स की बात करते हैं। लीगल फेटर्निटी प्रेसिडेंट्स को मानती है ना कि आपके कोई भी कंसर्न हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने पहले कुछ भी बोला है तो वो हमारे लिए प्रेसिडेंट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट मतलब पहले कोई भी केस है उसमें कोई भी जजमेंट हेल्ड किया गया है तो दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, प्रोवाइडेड कि वो आपके हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। तो ठीक है, क्लियर है। अब इस पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है नहीं है, कब है कब नहीं है। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन थ्रू आउट इंडिया बाइंडिंग रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट उसको दैट बिकम्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ। जैसे कि हमारे जुडिशरी में कोई भी प्रेसिडेंट रहा वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ रहता है, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी प्रेसिडेंट रहा, कोई भी पहले घटना घटी उस पर रिलेटेड कोई कैसे जजमेंट लिया गया, उस सिचुएशन को कैसे डील किया गया, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ लॉ। कमिंग टू फतवा, फतवा मीन्स जजेस ओपिनियन। जज ने कोई ओपिनियन दिया, मुस्लिम जज ने कोई ओपिनियन दिया या मुस्लिम जज ने कोई डिसीजन दिया तो वो हो जाता है फतवा। जैसे कहते हैं ना, फतवा जारी कर देंगे तुम्हारे नाम का। फतवा जारी करना मतलब आपने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया, और डिसीजन भी देखो किसके द्वारा होगा, डिसीजन भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी द्वारा होना जरूरी है। क्लियर है ये चीज़। हाँ जी, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में किसी को भी डाउट, कोई भी सोर्स समझने में, 1 2 3 4 वी हैव इन टोटल 9 सोर्सेज ऑफ लॉ अंडर 2 कैटेगरीज, दैट इज एशियंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। ठीक है, प्रिलिमिनरी में सीधा सीधा आपसे सबसे ज्यादा कुरान से सवाल पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि आपके एशियंट सोर्सेज में क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर सभी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स। स्कूल्स को बहुत ज़्यादा इनडेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इनडेप्थ में जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी बोरियत महसूस हो। प्री में ये सवाल आता है कि कौन सी स्कूल जो है वो सुन्नी स्कूल में आएगी और कौन सी स्कूल शिया स्कूल में आएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नाउ द वेरियस स्कूल्स अंडर योर मुस्लिम लॉ। देखो, मॉडर्न स्कूल में अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है सुन्नी स्कूल और शिया स्कूल। सुन्नी स्कूल के अंडर आपके पास 4 तरह की स्कूल्स रहती हैं, 4 तरह की स्कूल्स रहती हैं। ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है, ठीक है। हाँ, सोर्सेज में से क्वेश्चन आते हैं चंचल जी, बिल्कुल सोर्सेज में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके संदीप जी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल एंड रद या तो मैं किसी दिन अलग से लेने वाली हूँ, जिस दिन सक्सेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सक्सेशन के रूल्स मैं जरूर समझाऊंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल एंड रद को या तो अलग से ही अगले सेशन में एक दिन ले लेंगे, बीच में किसी भी एक दिन पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल एंड रद को अच्छे से समझेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा रैपिड तरीके से हम चलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो, मॉडर्न सोर्सेज में 2 सोर्सेज रहेंगे, सुन्नी एंड शिया। सुन्नी और शिया क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, जब भी बात करते हैं हम सुन्नी स्कूल की या सुन्नी कह सकते हैं सुन्नी स्कूल की, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दे बिलीव्ड इन अल्लाह। किस में बिलीव करते थे? अल्लाह में बिलीव करते थे। क्लियर है ये चीज़। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस अल्लाह में बिलीव करती थी और उनके अकॉर्डिंग अल्लाह इज एवरीथिंग। ओके, क्लियर है ये चीज़। साथ ही साथ उनका ये मानना है कि प्रॉफेट मोहम्मद ही हमारे लिए सब कुछ है। जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, जो उन्होंने किया, जो हमने वहाँ से सुना, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। मनोज कुमार जी, आई हैव कंप्लीटेड LLM मनोज जी। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे इनके हिसाब से आपके प्रॉफेट मोहम्मद ने कुछ भी कहा, कुछ भी सुना, डन है। लेकिन एक पर्टिकुलर आपकी कम्युनिटी ऐसी थी जो कि प्रॉफेट मोहम्मद में नहीं मानती थी। उनके अकॉर्डिंग अली वॉज एवरीथिंग। इनफैक्ट उनके अकॉर्डिंग अली जो है वो सक्सेसर होना चाहिए प्रॉफेट मोहम्मद का। अली कौन है? अली यहाँ पे है सन इन लॉ। दैट इज द शिया मुस्लिम बिलीव दैट प्रॉफेट मोहम्मद्स कजन एंड सन इन लॉ अली वॉज द राइटफुल सक्सेसर उनके अकॉर्डिंग अली, जो कि क्या था, प्रॉफेट मोहम्मद का सन इन लॉ था, ही इज द राइटफुल सक्सेसर। वो प्रॉफेट मोहम्मद में नहीं मानते थे, वो अली में मानते थे। तो जो कम्युनिटी अली में मानती थी वो हो जाती है शिया, और जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद को अपना सब कुछ मानती है, उनके एक्शंस, उनका कहीं भी कोई भी बात, तो वो हो जाती है सुन्नी। अब सुन्नीस को आप देखोगे तो लगभग आपको 40 कंट्रीज में सुन्नीस दिखने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड में देखोगे तो सुन्नीस की ज़्यादा मिलेगी, शिया की हार्डली 15 टू 20% मिलेंगे, जो आपको अजरबैजान, फिर आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, यहाँ सब जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर सुन्नीस की बात करें, आपको टर्की में, सीरिया में, काफ़ी जगह, साउथ अफ्रीका में काफ़ी जगह आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम स्कूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों में, सुन्नी लॉ में हमारे पास 4 तरह की स्कूल है और शिया स्कूल में हमारे पास 3 तरह की स्कूल है। ठीक है, क्लियर है? ओके अबीर जी, इट्स फाइन 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 फाइन, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर। एपीओ के बारे में बताओ और एमपीसीजी के बारे में। एमपीसीजी का एग्जाम अभी होने वाला है, एपीओ के लिए बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है मील जी। ठीक है, मील सिंह राव जी, एपीओ का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 20 अप्रैल को। ठीक है, नो, देर इज नो सच डिफरेंस रत्ना जी, देर इज नो सच डिफरेंस। देखो ऐसा है, मानते तो सब अल्लाह में ही है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी ये स्कूल जो है अल्लाह में नहीं मानती है, मानते सब अल्लाह में है। लेकिन आप देखो इनके जो फाउंडर्स है ना, बस वो अलग हैं, इनके फाउंडर्स अलग है, इनका फेथ आप सबको अल्लाह में दिखेगा, लेकिन इन सबका मोड ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हो, या इनका आप इमाम कहें या फाउंडर कहें, बस वो अलग है। बाकी सब क्या मानते हैं, सब आपके अल्लाह में मानते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ओके, हाँ जी, प्लीज़ ले सकते हैं धवल जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो सुन्नी लॉ में वी हैव 4 स्कूल्स, हनफी स्कूल, मलिकी स्कूल, शफी स्कूल एंड हनबली स्कूल। हनफी, मलिकी, शफी एंड हनबली स्कूल। शिया में हमारे पास आते हैं इतना अशारिया, इस्लामिया और जैदियाज। सुन्नी और शिया का डिफरेंस अच्छे से समझना और ये 7 स्कूल अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि ये सीधा सीधा प्री में सवाल आता है कि ये आपके सुन्नी लॉ में कौन कौन सी स्कूल है, शिया में कौन कौन सी स्कूल है। क्योंकि आगे जाके जब हम मेंटेनेंस की बात करेंगे, डावर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैरिज, मूता मैरिज और वो सब डिस्कस करेंगे, तब हमको समझ आएगा कि इन दोनों में से मूता मैरिज को कौन जो है अलाउ करता है और कहाँ पर मूता मैरिज अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? वेरी गुड दशरथ जी, जिन्होंने बोला ना सुन्नी लॉ और शिया, सुन्नी स्कूल और शिया, ये प्रॉफेट मोहम्मद के बाद में सेपरेट हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉफेट मोहम्मद के बाद में सेपरेट हुए हैं। मुझे अच्छे से सुनिएगा, सुन्नी जो थे वो प्रॉफेट मोहम्मद में मानते थे। हु वॉज प्रॉफेट मोहम्मद? ही वॉज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हु वॉज प्रॉफेट मोहम्मद? किसी को पता है प्रॉफेट मोहम्मद कौन थे? जाके एक बार कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद कौन थे। प्रॉफेट मोहम्मद को मैसेंजर माना गया है अल्लाह का, कि वो हमारे अल्लाह के मैसेंजर है और जो जो उन्होंने बोला, जो जो उन्होंने कहा, जो जो उन्होंने किया, वो हम सब करने वाले हैं। तो ऑल द मुस्लिम्स बिलीव इन योर प्रॉफेट मोहम्मद। यहाँ पे जो कम्युनिटी प्रॉफेट मोहम्मद में मानती थी कि जो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा किया हम उसको मानते हैं, वो हैं आपके सुन्नीस। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद के बाद भी, ठीक है मीनल सिंह जी बताइए क्या प्रॉब्लम, कुछ इशू? जो आपके सुन्नीज हैं उनके अकॉर्डिंग प्रॉफेट मोहम्मद ही उनका सब कुछ है, उन्हीं में वो बिलीव करते हैं। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जो प्रॉफेट मोहम्मद में मानने से मना कर दिया और वो कहते कि हमारे लिए जो उनका सन इन लॉ है अली वो सब कुछ है। तो वो कम्युनिटी अलग हो गई, वो होती है शिया। दे डू नॉट बिलीव इन प्रॉफेट मोहम्मद, रादर दे फील कि उनके जो सन इन लॉ है अली, ही इज द राइटफुल सक्सेसर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। क्लियर है ये चीज? प्रॉफेट मोहम्मद कौन होते हैं सबको पता है। हाँ जी दीपिका जी, थैंक यू, क्लियर है ये चीज। आगे चले चले, अब जब हम बात करेंगे हनफी स्कूल, मलिकी स्कूल, शफी स्कूल, हनबल स्कूल, इनके रूल्स और प्रिंसिपल्स को ना समझते हुए हमको सिर्फ इतना समझना है कि कौन स्कूल का फाउंडर है या किसके नाम के पीछे ये स्कूल का नाम हुआ है। तो हनफी स्कूल में आपके जो इमाम थे अबू हनीफ, उनके नाम के पीछे हनफी स्कूल का नाम पड़ा। ठीक है, उनके नाम के पीछे यहाँ पे नाम पड़ा। ठीक है, राइट भूमिका जी, नहीं मानते थे वो। ओके, क्लियर है। मलिकी स्कूल की बात करें तो मलिक बिन अनास के नाम के ऊपर ये मलिकी स्कूल का नाम पड़ा। सीधी सी बात है, जिन पर्सन्स को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूं, मार्क कर रही हूं, उन लोगों ने ही इसको फाउंड किया है। क्लियर है? ओके। शफी स्कूल की बात करें तो मोहम्मद इबिन इर्दिस अस शफी ने इस स्कूल को फाउंड किया है और इनके नेम के पीछे ये स्कूल का नाम पड़ा। हनबल स्कूल की अगर हम बात करें तो आपके अबू अब्दुल अहमद इब्न हनबल, ये जो कि डिसाइपल थे आपके शफी इमाम के, शफी के जो इमाम थे इनके जो फॉलोवर थे, कौन इनका फॉलोवर था? इनका फॉलोवर था अबू अब्दुल अहमद इब्न हनबल, इनके नाम के पीछे हनबली स्कूल का नाम पड़ा था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो आपसे पूछा जा सकता है किनके नाम के पीछे ये स्कूल्स आई हैं। इतना अशारिया स्कूल, इस्लामिया स्कूल एंड जैदिया स्कूल के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे इतना अशारिया स्कूल के बारे में आपको ये दे रखा है दैट यहाँ पे जितने भी लोग इतना अशारिया में मानते थे उनके अकॉर्डिंगली द लास्ट ऑफ द इमाम डिसअपियर्ड वाइल रिटर्निंग एज मसीहा। जो आखिरी इमाम था इनका, कौन? आपके मुस्लिम्स का जो आखिरी इमाम था वो जो है डिसअपियर हो चुके थे जब वो मदीना से वापस लौट रहे थे, मक्का मदीना से जब वो वापस लौट रहे थे तो वो डिसअपियर हो गए। ऐसा बिलीफ आपके इतना अशारिया की स्कूल रखती है, इनके अकॉर्डिंगली इमाम डिसअपियर हो चुके हैं, अब इमाम है ही नहीं। इस्लामिया स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखें, खोजाज एंड बोहराज। अब खोजाज और बोहराज के डिफरेंस में ना जाके आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब भी हम इस्लामिया स्कूल की बात करते हैं तो वो आगा खां के क्या थे? फॉलोअर्स थे। किसके फॉलोअर्स थे? द प्रेजेंट आगा खां के फॉलोअर्स। क्लियर है ये चीज? सिर्फ स्कूल का नाम याद रखिए चंचल जी, स्कूल्स के नाम याद रखिए और ये ध्यान रखिए कि वो कौन फॉलोअर्स हैं, मतलब बेसिकली उनका नाम किनके, स्कूल जो है वो किनके नाम के पीछे रखे गए या हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट स्कूल। ओके, क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलेंगे जैदिया स्कूल पे। अब जैदिया स्कूल ज्यादातर आपको कहाँ मिलने वाली है? ज्यादातर ये आपको साउथ अरेबिया में मिलेगी। आपको इंडिया में ये स्कूल बहुत ही कम देखने को मिलेगी या बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। यहाँ पे जैदिया स्कूल में बेसिकली ये है दैट दे आर नोन फॉर देयर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं आपके जैदिया स्कूल के लोग। अब ये स्कूल मैम क्या होता है? जैसे हम हिंदू लॉ में पढ़ के ना मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल, बस वैसे ही देखो जैसे जैसे स्कूल डेवलप होती जाती है, ऐसा थोड़ी ना है कि जो आपके मिताक्षरा के लोग हैं या दया भागा में हैं उनमें हिंदूज अलग अलग प्रकार के, नहीं, सेम हिंदूज हैं लेकिन अलग अलग उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कि दया भागा में हम देख के आए हैं कि दया भागा ने हमेशा से डॉटर्स को क्या किया है? कोपार्सनरी माना है, लेकिन मिताक्षरा में कोपार्सनरी नहीं माना गया था अंटिल योर 2005 का अमेंडमेंट। वैसे के वैसे यहाँ पे वेरियस स्कूल्स हैं। हिंदू लॉ में सिर्फ और सिर्फ दो तरह की स्कूल्स हैं, ठीक है? ओके, यस, एब्सोल्युटली अबीर जी, है ना? हाँ बिल्कुल, सुन्नी ने आपके अबू बकर को राइटफुल सक्सेसर माना, बट उसका ये मतलब थोड़ी ना है अबीर जी कि वो लोग प्रॉफेट मोहम्मद में नहीं मानते, वो अभी भी प्रॉफेट मोहम्मद में है ना। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को कभी भी ये डिसोन नहीं किया, वो अभी भी मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू शियाज आपका अली क्या होना चाहिए? राइटफुल सक्सेसर होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रॉफेट मोहम्मद को कम मानते थे, इसीलिए अली जो उनका सक्सेसर था उसको वो सक्सेसर मानना चाहते थे, जबकि सुन्नीज हमेशा से प्रॉफेट मोहम्मद में भी मानते थे और उनके अकॉर्डिंग अबू बकर उनका नेक्स्ट राइटफुल सक्सेसर है। अंडरस्टूड अबीर जी? करेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफेट मोहम्मद में नहीं मानते थे, है ना? क्लियर है? अंडरस्टूड। देखो ये डेफिनेटली होता है, मान लीजिए आज को हमारे घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो गए, अब तो घर में ये मतभेद होगा कि नहीं हम तो इनको सक्सेसर मानेंगे, तो घर के कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो इनको सक्सेसर मानेंगे। तो वैसे ही शियाज और सुन्नीज में हुआ। शियाज और सुन्नीज में क्या हुआ? शिया और सुन्नीज में ये हुआ कि आपके शियाज ने बोला कि हम तो अली को अपना राइट नेक्स्ट सक्सेसर मानेंगे, उनको अपना सब कुछ मानने वाले हैं। सुन्नीज ने बोला कि हम अपना अबू बकर को मानने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़? इनको भी तो सक्सेसर चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनको सक्सेसर नहीं चाहिए, ये अबू बकर को अपना सक्सेसर मानते थे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके अभी जी, शायद मैंने अबू बकर का नाम आपको या मेंशन नहीं किया होगा, दैट इज द रीजन आप थोड़ा हो सकते कंफ्यूज हो गए होंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, तो ये प्रॉफेट मोहम्मद में ज्यादा मानते हैं। क्लियर? चलें आगे। हाँ जी, कहाँ थे हम? ओके, तो हमने इतना अशारिया स्कूल पढ़ा, इस्लामिया पढ़ा और जैदिया स्कूल के बारे में पढ़ा। ये जनरली पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव थे। ओके ओके अभी हमें मनोज जी पूछ रहे हैं कि हु इज़ प्रॉफिट मोहम्मद। अबीर जी बताएं ज़रा हु इज़ प्रॉफिट मोहम्मद। अभी हम डिस्कस करके आए थे कि उनको आपके अल्लाह का मैसेंजर माना गया है। क्लियर, चलिए अभी ये हिजानत के ऊपर हम बाद में आएंगे, आगे चलेंगे जहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके मुस्लिम्स में मैरिज का क्या कंसेप्ट है। शिशिर जी वेलकम टू द क्लास। मैरिज का क्या कंसेप्ट है, कैसे मैरिज होती है, किनके बीच यहाँ पे मैरिज हो सकती है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दैट मुस्लिम मैरिज इज एन कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, एक आपका सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम लॉ। हरियाणा में सवाल आया था क्या मुस्लिम लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुस्लिम लॉ सैक्रेमेंट है या मुस्लिम लॉ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जितने भी हम मुस्लिम लॉ के जितने भी कंसेप्ट्स को अभी हम देखेंगे, वी विल रियलाइज कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स मेंशन कर रखे हैं। इसमें एसेंशियल कंडीशंस क्या है समझेंगे। सबसे पहले आपको कंडीशन यहाँ दे रखा है कि यहाँ पे एक ऑफर होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। ऑफर को यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑफर को यहाँ पे इजब बोला गया है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस को क्या बोला गया है, एक्सेप्टेंस को यहाँ पे कबूल बोला गया है। एक पार्टी ने ऑफर करना चाहिए मैरिज के लिए और दूसरी पार्टी ने क्या करना चाहिए, दूसरी पार्टी ने उसी का एक्सेप्टेंस करना चाहिए। जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आए हैं कि एक प्रपोजल होने के लिए जरूरी है कि सामने वाले पर्सन ने ऑफर रखना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉमिसर, देयर शुड बी अ प्रॉमिसी। सामने वाले पर्सन ने प्रपोजल रखना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस हुआ तो फिर बनेगा एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब हमारी लीगल एनफोर्सेबिलिटी आएगी, लाइक कंसिडरेशन आएगा, फ्री कंसेंट आएगी, तो वो हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ये चीज। अनदेखी जी, चंचल जी, भूमिका जी वेलकम टू द क्लास, सौरभ जी गुड मॉर्निंग, अमन जी, ठीक है क्लियर, ठीक है। लेकिन यहां पे जब ऑफर और जब एक्सेप्टेंस हुआ है, दिस शुड बी डन इन सेम मीटिंग। किसमें होना चाहिए, सेम मीटिंग। आपके वली ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ओके आई विल मैरी आफ्टर 2 months। आपने देखा है शादी के वक्त ही ये बोला जाता है क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो उस वक्त ही उस निकाह में बोल दिया जाता है हाँ जी हमें ये निकाह कबूल है। अंडरस्टूड। यहां पे दूसरा पॉइंट है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ विटनेस। प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ विटनेस। ध्यान रहे सुन्नी स्कूल के अकॉर्डिंगली विटनेसेस की आवश्यकता है, सुन्नीज में विटनेसेस की आवश्यकता है। शिया में मैरिज के वक्त विटनेसेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिया में डाइवोर्स के वक्त मैरिजेस की आवश्यकता है। गुड मॉर्निंग प्राची जी। बोला गया है सुन्नीज में कि आपको 2 मेल की आवश्यकता है, विटनेसेस में 2 मेल की आवश्यकता है, लेकिन अगर 1 मेल विटनेस है तो फिर वहां पे 2 फीमेल विटनेसेस भी लगेंगे। जनरल रूल 2 मेल विटनेसेस लाइए, अगर 2 मेल विटनेस नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मेल विटनेस है, देन इन दैट केस हमें 2 फीमेल विटनेसेस भी चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नेसेसरी इन केस ऑफ द मैरिज अंडर योर मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। क्या आता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पक्षकारों की क्या होनी चाहिए, पक्षकार यहाँ पे सक्षम होने चाहिए। सक्षम में जरूरी है कि पार्टी आपकी कैसी हो, मेजर हो और साउंड माइंड हो। अब जब मैं बात कर रही हूं मेजर की, मतलब मुस्लिम लॉ में एक पार्टी को मेजर कब माना जाता है, मुस्लिम लॉ में पार्टी को मेजर माना जाता है जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी पे आए। खैर उल बलग, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या मानी जाती है, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एज ऑफ प्यूबर्टी होती है 15 इयर्स, मेच्योरिटी की एज पे एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है भूमिका जी, सक्सेशन लॉ पर्सनल लॉ का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी मैक्सिम भी बाकी है। अच्छा जीजेएस के लिए ठीक है, क्या बताना है मील सिंह जी, दोबारा बताइए ज़रा। क्लियर, देखो भैया गुजरात में इस बार बहुत सिलेबस आ रहा है, उसके बाद आप ज़रा दिल्ली जुडिशरी मेंस का सिलेबस उठा के देखिएगा, आपको महसूस होगा कि वहाँ पे और भी ज़्यादा सिलेबस आ रहा है। ठीक है 15 इयर्स को माना गया है एज ऑफ प्यूबर्टी। कोई पक्षकार अगर 15 साल की उम्र पे आ गया तो उसकी शादी हो सकती है। तो क्या ये कहना चाह रहा है कि माइनर्स की शादी नहीं हो सकती है, माइनर्स की शादी हो सकती है प्रोवाइडेड वहाँ पे गार्डियन की संरक्षण की क्या करें, हम सहमति लेके आए। अब यहाँ पर भी ऐसा के ऐसा प्रोविजन है कि जब आपका पक्षकार क्या हो, मेजर हो, तब वो इस मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकते हैं, तब वो मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकते हैं। लेकिन एक माइनर की हुई शादी को कभी भी उसके गार्डियन रेप्यूडिएट नहीं करेंगे, हमेशा वो पक्षकार खुद ही क्या करने वाला है, इसको रेप्यूडिएट करने वाला है। ठीक है, सब वर्ड्स ऊपर से जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लॉ आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है शायरा जी, ऐसा रहता है, मुस्लिम लॉ इतनी इजीली समझ आता नहीं है, है ना। आई होप आपने स्कूल कॉलेजेस के दौरान मुस्लिम लॉ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी सीरियसली अगर आपने उस वक्त ध्यान से मुस्लिम लॉ को पढ़ा है तो ऊपर से नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड अमन जी, इट इज़ वॉइडेबल। ठीक है, इट इज़ वॉइडेबल, पार्टी चाहे तो मेजर होने के बाद इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर रेप्यूडिएट भी कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे पार्टीज़ को क्या चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के बारे में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आए थे, अगर आप सभी को पता हो। सेक्शन नंबर 13 जो कि डिफाइन करता है आपके कंसेंट को, 14 बताता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है, दैट इज टू से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए एंड मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वैसे के वैसे यहाँ पे फ्री कंसेंट होना चाहिए पक्षकारों के बारे में। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, यहाँ पे आपके पास रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रोहिबिशन लगा रखे हैं, कुछ प्रोहिबिशन लगा रखे हैं। अब इसमें किस किस प्रकार की प्रोहिबिशन लगा रखी है आप पे, तो सबसे पहले बोला है प्रोहिबिटेड डिक्री में शादी नहीं होगी। प्रोहिबिटेड डिक्री में कौन कौन आने वाला है? प्रोहिबिटेड डिक्री में वो हर व्यक्ति जिससे आपका रिलेशन है कॉन्सैंग्विनिटी द्वारा, जिससे आपका रिलेशन है एफिनिटी द्वारा, जिससे आपका रिलेशन है फॉस्टरेज द्वारा। प्रोहिबिटेड डिक्री पे मैं आने वाली हूं, साथ ही साथ ये सारे वर्ड्स एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। उसके बाद है कि कोई भी यहां पे पॉलिएंड्री कमिट नहीं करेगा। पॉलिएंड्री का मतलब क्या होता है? वाइफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, वाइफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। निशा जी लगभग 1 बजे तक चलेगी ये क्लास, ओके, क्लियर है ये चीज। तो अब यहां पे पॉलिएंड्री जो है वो, उसका मतलब है एक वाइफ का एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। एंड फाइनली यहां पे कुछ और आपके पास प्रोविजंस लगा रखे हैं, जैसे कि अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी नहीं होगी, अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी नहीं होगी। नए शीट पे ही चलते हैं हम लोग। कुछ और प्रोहिबिशन में क्या लगा रखा है? कुछ और प्रोहिबिशन में पहला बोला पॉलिएंड्री नहीं करना है, वाइफ ने पॉलिएंड्री नहीं करना। दूसरा बोला कि आप प्रोहिबिटेड डिक्री में शादी नहीं करोगे जहां पे आपका किसी के साथ रिलेशन कॉन्सैंग्विनिटी द्वारा है, एफिनिटी द्वारा है या फॉस्टरेज द्वारा है। देखो कॉन्सैंग्विनिटी का मतलब क्या होता है, वो सारे रिश्ते जो कि ब्लड से उत्पन्न हुए हैं, कॉन्सैंग्विनाइन सिस्टर, ब्रदर, ये क्या होते हैं? आपस में ब्लड से जिनका रिश्ता हुआ है, एक ही माँ से या एक ही फादर से जो पैदा हुए हैं, खून का रिश्ता जिनसे है। एफिनिटी क्या हो गया? एफिनिटी मतलब जिनका रिश्ता मैरिज की वजह से हुआ है। मान लीजिए ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो इस हस्बैंड का रिश्ता इस वाइफ के फैमिली वालों से मैरिज की वजह से ही तो है, तो ये हस्बैंड अपनी मदर इन लॉ से शादी नहीं करेगा, ये अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिश्ता किस वजह से हुआ है? मैरिज से। ये फादर अपनी डॉटर से शादी नहीं करेगा क्योंकि वहाँ ब्लड से भी रिलेशन है और मैरिज से भी रिलेशन है। तो जो भी रिश्ता यहाँ पे आपका एक शादी होने के वजह से हो रहा है, उनके बीच में यहाँ पे कोई शादी नहीं होने वाली है। थर्ड रिलेशन बोला है फॉस्टरेज, ये रिश्ता होता है आपका मिल्क की वजह से। एक कोई लेडी थी, उसने एक बच्चे को दूध पिला दिया जिसकी वो माँ है नहीं, लेकिन जिसको दूध पिलाया है उसके लिए वो लेडी क्या होने वाली है? फॉस्टर मदर होने वाली है। क्या होने वाली है? फॉस्टर मदर। देखो दूध पिलाने से भी मुस्लिम लॉ में रिश्ता बनता है, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। दूध पिला रहे हो मतलब माँ का फ़र्ज़ निभा रहे हो आप, तो जिस महिला ने माँ का फ़र्ज़ निभाया है उस महिला से आपका फॉस्टर रिलेशन हो जाता है, उस महिला से फिर शादी नहीं हो सकती है। तो ये 3 रिलेशन है जो कि प्रोहिबिटेड डिक्री में डाल रखे हैं। किसमें? मुस्लिम लॉ में डाल रखे हैं। फिर मैंने बोला कि कुछ और यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, कुछ और आपको यहाँ पे रिलेटिव्स दे रखे हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती है। वो कौन से रिलेटिव हैं? पहला बोला कि अनलॉफुल कंजंक्शन में शादी नहीं होगी। अनलॉफुल कंजंक्शंस क्या होते हैं? अनलॉफुल कंजंक्शंस मतलब ये एक मुस्लिम हस्बैंड है, इसकी एक मुस्लिम वाइफ है, तो जब वो दूसरी वाइफ से शादी करना चाहता है ना, जब वो दूसरी वाइफ से शादी करना चाहता है तो इन दो वाइफ के बीच का रिश्ता किसी भी कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी या फॉस्टरेज की वजह से नहीं होना चाहिए। मतलब जब दूसरी बीवी से शादी कर रहा है तो पहली बीवी की बहन नहीं होनी चाहिए, ना तो कॉन्सैंग्विनाइन, ना फिर एफिनिटी से, ना ही फॉस्टरेज से। अंडरस्टूड? तो दूसरी बीवी से जब वो शादी कर रहा है तो ये मेक श्योर करें कि पहली बीवी की वो किसी भी प्रकार में रिलेटिव नहीं है। फिर बोला कि अगर फिफ्थ वाइफ से शादी नहीं कर सकते बिकॉज मुस्लिम लॉ अलाउज ओनली एंड ओनली 4 वाइफ, 4 शादी ही कर सकता है एक पुरुष, और एक महिला एक ही शादी कर सकती है। फिर बोला विदाउट विटनेस शादी नहीं होगी, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शादी नहीं होगी। इद्दत पीरियड से रिलेटेड हम केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं, इद्दत पीरियड से रिलेटेड केस लॉज डिस्कस करने वाले, और साथ ही साथ कोई डिफरेंट रिलीजन में शादी नहीं होगी, कोई भी डिफरेंट रिलीजन में शादी नहीं होगी। अंडरस्टूड? किसी को भी दिक्कत ये प्रोहिबिशन समझने में, और पॉलीएंड्री नहीं करेगी वाइफ। मतलब मुस्लिम लॉ में वाइफ सिर्फ और सिर्फ एक बार ही शादी कर सकती है। ठीक है, एमपीसीजे के सिलेबस में नहीं है मुस्लिम लॉ। ठीक है, हाँ जी चंचल जी, क्या पूछना चाहते हो? 4 मैरिजेस, अमन जी 4 मैरिजेस आर अलाउड। ओके, मुस्लिम लॉ में 4 मैरिजेस आर अलाउड। यस, देन ही कैन नेत्रा जी, देन ही कैन। ओके, देन ही कैन, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस वाइफ के रहते रहते नहीं। क्लियर? यस यस दीपू जी, हस्बैंड 4 बार शादी कर सकता है, वाइफ सिर्फ और सिर्फ 1 बार शादी कर सकती है। लेकिन अगर मैरिज डिसॉल्व हो गई उस वाइफ की डेथ की वजह से या डाइवोर्स की वजह से, देन शी कैन गेट मैरिड, और उसको क्या कहते हैं हम? हलाला कहते हैं। ठीक है, ओके, कोई रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो हिंदू लॉ में जैसे 1 ही शादी का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, वैसे मुस्लिम लॉ में भी 4 का लगा दिया है। ठीक है, संदीप जी क्या बोल रहे हैं? 7 मैरिज कर सकते हैं बट एक टाइम में 4 मैरिज ही कर सकते हैं। हाँ, एक टाइम में बोल रहे हो संदीप जी, मतलब एक साथ में आपकी 4 वाइफ ही हो सकती है। फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई उसके बाद और शादी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? डिफरेंट रिलीजन में शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है प्राइम वर्ल्ड जी। डिफरेंट रिलीजन में एक मुस्लिम पर्सन शादी कर सकता है, मुस्लिम शादी कर सकता है, प्रोवाइडेड फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सिद्धि जी, अगर रिलीजन डिफरेंट है गो फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, ओके, आते हैं चंचल जी इसी चीज पे आएंगे कि मैरिज जो है आपकी वॉइड कब होगी, वॉइडेबल कब होगी। मतलब कहने का ये मतलब है वॉइडेबल मतलब अगर इरेगुलर की बात करें या फिर हम वॉइड की बात करें, दैट इज टू से बटल मैरिज और फसद मैरिज कब होती है, अगली चीज इसी पे आने वाले हैं हम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। अब हम जहां पे ये प्रोहिबिशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ वी विल कम ऑन टू दी योर वैलिड मैरिज, सही मैरिज जिसको हम कहते हैं। फिर आएंगे फासिद मैरिज जिसको हम इरेगुलर मैरिज करते हैं, और उसके बाद आएंगे हम वॉइड मैरिज, दैट इज योर बटल मैरिज। ओके, हाँ जी स्वर जी, 4 मैरिज अलाउड है मुस्लिम लॉ में, 4 मैरिज अलाउड है। फर्स्ट वाइफ की डेथ होती फिर वो और शादी कर सकता है, लेकिन एक टाइम में 4 वाइफ अलाउड है। क्लियर है? चलिए वॉइड वॉइडेबल, स्वर जी चाहे वॉइड वॉइडेबल की मैं कोई भी पर्सनल लॉ में बात करूं, चाहे वो आपका हिंदू लॉ हो गया या मुस्लिम लॉ हो गया या फिर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करूं, दोनों में ही बात सेम है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ वॉइडेबल का मतलब ये है कि एक पक्षकार या तो उसको सही कर सकता है, मतलब या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। जो आपका एग्रीव्ड पर्सन है ये उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है या रिजेक्ट करना चाहता है। ठीक है सुवर जी, मेरे और आपके बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मान लीजिए जिसमें मैंने आपके साथ कोई फ्रॉड कमिट किया, ठीक है, फ्रॉड कमिट किया, तो वो क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर फ्रॉड किया आपने, कोर्जन किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? सेक्शन 19 एंड 19A, 19A किसकी बात करता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। 19 किसकी बात करता है? कोर्जन किया, फ्रॉड किया। तो ये किसकी बात करते हैं? आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो उस वक्त सर जी पहले ये सुन लीजिए, है ना। तो जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, मतलब सामने वाला पक्षकार, दैट इज जो आपका पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन, वो इसको या तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो उस केस में मान लीजिए स्वर जी आप बोलो, अच्छा ठीक है मैम आपने फ्रॉड किया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ना ये एग्रीमेंट आपके साथ एक्सेप्ट करती हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, वी विल वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट इज ऑन यू। वॉइड मतलब स्टार्टिंग से ही खत्म है वो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही उसको लीगल इफेक्ट दे ही नहीं सकते हो आप, चाह के भी फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कानून की नजरों में वो डे वन से जीरो है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये डिफरेंस है आपका वॉइड और वॉइडेबल में, राइट नेत्रा जी, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। ओके मैम, औरत को ये डेट का क्या मतलब है रंजना जी, जरा मुझे बताइए। औरत का डेट हो जाता है और पति कर सकता है, अगर पति का डेट हो जाता है तो कर सकती है शादी। मुझे ये आपका डाउट समझ नहीं आया, जरा रंजना जी आराम से मेरे को और अच्छे से बताइएगा, और कोई स्टूडेंट अगर भाव समझ पा रहा है तो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। दैट इज योर टाइप्स ऑफ मैरिज पे। मुस्लिम लॉ में मैरिज के टाइप्स 3 हैं। पहला है हमारे पास वैलिड मैरिज, जिसको हम क्या कहते हैं, सही मैरिज। क्लियर। दूसरा है हमारे पास फसद मैरिज, जिसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर मैरिज। तीसरा हम क्या कहते हैं, तीसरा जो हमारे पास है दैट इज बटल मैरिज, मुद्दा मैरिज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वॉइड मैरिज। आपको इरेगुलर मैरिज का और वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स अच्छे से पता होने चाहिए, दैट इज इट, जो कि आपके प्रीवियस सवाल आ सकते हैं। अच्छा, वो डेथ की बात कर रहे हैं, ओके। तो वो मेरे को डेट लग रहा था, थ लगाओ ना फिर, डेथ। चलो बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। क्लियर, डाउट ऊपर चला गया, मैं वापस से उस डाउट को पकड़ूंगी। वैलिड मैरिज का मतलब है, सिंपल सी चीज है कि सारी कंडीशन को आपने सेटिस्फाई किया है, सारी कंडीशंस को आपने कंप्लाई किया है, उसको आपने फॉलो किया है। मतलब विटनेसेस थे वहाँ पे, एक्सेप्टेंस और ऑफर सेम मीटिंग में हुआ है, फ्री कंसेंट वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे। तो ये हो गया आपका वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज का कोई ग्राउंड ही नहीं है कि वैलिड कब होगी, अरे सारे कंडीशंस फॉलो कर दी ना आपने, वैलिड मैरिज। ओके, क्लियर है गौतम जी। अब आएंगे हम फसद और बटल मैरिज के ग्राउंड्स पे। फसद मतलब इर्रेगुलर है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैरिज खत्म हो चुकी है। अगर ये सारे ग्राउंड्स पे आपकी मैरिज हुई तो वो इर्रेगुलर तो होगी, लेकिन ये सारे ग्राउंड्स होने के बावजूद भी अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई वो वैलिड हो जाएगी। जब तक मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है वो इर्रेगुलर रहेगी, लेकिन एक बार मैरिज कंज्यूमेट हो चुकी है तो मैरिज क्या हो जाएगी, वहां पे आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो जाएगी, मतलब वैलिड हो जाएगी। तो जानेंगे हम कि हमारे वॉइड मैरिजेस के ग्राउंड क्या है। अगर आपकी मैरिज, सॉरी दैट इज इर्रेगुलर मैरिज, अगर ये आपकी फ्री कंसेंट से नहीं हुई, फ्री कंसेंट वहां पे मौजूद नहीं थी, तो उस केस में कहेंगे कि ये मैरिज कैसी है, आपकी इर्रेगुलर है। नेक्स्ट है, अगर प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड है, प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड्स है, एक से ज्यादा हस्बैंड अगर रहे यहाँ पे, वेट अ मिनट, दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ योर बटल मैरिज। बटल मैरिज में मैं ये ग्राउंड्स लिखूंगी। अगर फ्री कंसेंट नहीं हुई, या फिर पॉलीएंड्री हुआ, या फिर शादी हुई, कौन से रिलेशंस में, कॉन्सैंग्विनिटी में, एफिनिटी में, या फिर आपके फॉस्टरेज के रिलेशन में अगर शादी हुई, इन पांचों केसेस में अगर शादी हुई, सीधी सीधी शादी क्या हो जाएगी, बटल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। आपको याद है जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा और वहां पे सेक्शन नंबर 5 पढ़ा, तो सेक्शन नंबर 5 में हमने क्लॉज पढ़ा जो कि कहता है कंसेंट के बारे में। एक्चुअली नॉट कंसेंट लेकिन साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में कहता है, जहां पे आपकी पार्टी केपेबल होनी चाहिए समझने के लिए कि वो क्या एक्ट कर रहे हैं, एक तरह से कंसेंट वहां पे मौजूद होनी चाहिए। वैसे के वैसे अगर यहाँ पे कंसेंट नहीं हुई तो मैरिज कैसी हो जाएगी? अगर यहाँ पे आपके 5K2 में अगर कंसेंट प्रॉपरली नहीं हुई या साउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है तो आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, वॉइड है कि वैलिड है। वैसे के वैसे अगर मुस्लिम लॉ में कंसेंट फ्री नहीं है, स्वतंत्र सहमति नहीं है, पत्नी ने एक से ज्यादा शादियां कर ली है या कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी या फॉस्टरेज में किसी की भी शादी हुई है, मैरिज सीधा के सीधा वॉइड होगी। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है शादी का, कोई मेंटेनेंस नहीं मांग सकते, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, फरज जी, मील जी, माहीनंदन जी, गुड मॉर्निंग। प्रोहिबिटेड, आते गौतम जी उस पर आते हैं। सीधी सी बात है, 18 से बिलो हुई है, आपका मुस्लिम लॉ कहता है कि 15 ईयर्स पे शादी हो सकती है, दैट इज एज ऑफ प्यूबर्टी पे शादी हो सकती है। लेकिन एज ऑफ प्यूबर्टी पे अगर शादी हुई तो इससे पहले कि आपका यहाँ पे पर्सन मेजर हो वो मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकता है। वैसे के वैसे हम डिसोल्यूशन एक्ट में बात करेंगे, जो फीमेल है वो 18 वर्ष की होने से पहले पहले मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। जैसे हम कहाँ पढ़ के आए थे, आपके हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये ग्राउंड पढ़ के आए थे। ठीक है, इरेगुलर मैरिज, जब आपने विदाउट विटनेस मैरिज कर ली, विटनेसेस की आवश्यकता कहाँ पे? स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारे पास सुन्नी लॉ और शिया लॉ दोनों में विटनेसेस की आवश्यकता होती है। दोनों में क्या होती है? विटनेसेस की आवश्यकता होती है। क्या ये सही है जो मैंने अभी कथन बोला कि सुन्नी लॉ और शिया लॉ दोनों में विटनेसेस की आवश्यकता होती है? इज इट? नो, वेरी गुड दीपू जी, अमन जी, आपके सिर्फ और सिर्फ सुन्नी लॉ में विटनेसेस की आवश्यकता होती है, आपके कभी भी शिया लॉ में विटनेसेस की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली एंड ओनली सुन्नी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए, विदाउट आपने विटनेस मैरिज की है या फिर फिफ्थ वाइफ से मैरिज कर ली है, हमने बोला 4 मैरिजेस अलाउड है, आपने फिफ्थ विमेन से शादी कर ली, इद्दत पीरियड के दौरान शादी की, कब शादी की? इद्दत पीरियड के दौरान शादी की, या फिर फायर वर्शिपर के साथ शादी की है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, जाके देखिएगा फायर वर्शिपर कौन होता है, आपको पता चल जाएगा कि एक फायर वर्शिपर कौन होता है। या फिर आपने अनलॉफुल कंजंक्शंस में शादी की। अनलॉफुल कंजंक्शन कौन? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हस्बैंड है वो एक वाइफ से शादी करता है और दूसरी वाइफ से जब शादी करना चाहता है, ही हैज टू मेक श्योर कि फर्स्ट वाइफ जो है वो दूसरी वाइफ की रिलेटिव नहीं है, कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी या फॉस्टरेज के थ्रू। ठीक है, क्लियर है ये चीज? वेरी गुड अमन जी। 2 मेल और 1 मेल एंड 2 फीमेल, राइट चंचल जी, पूजा जी, क्लियर? अच्छा, ओके मिनी नंदन जी, ग्रेट, क्लियर। ये ग्राउंड सबको याद रह जाएंगे, 5 ग्राउंड यहाँ पे भी ये 5 ग्राउंड ही है, मैरिज अंडर कॉन्सैंग्विनिटी, मैरिज अंडर एफिनिटी एंड मैरिज अंडर फॉस्टरेज। तो 5 ग्राउंड यहाँ पे वॉइड मैरिज के, 5 ग्राउंड आपको यहाँ दे रखे इरेगुलर मैरिज के। किसी को भी डाउट टाइप्स ऑफ मैरिजेस में? यस, डन डन स्मिथ जी, डन, है ना? टाइप्स ऑफ मैरिजेस में अगर किसी को डाउट नहीं है तो आगे हम चलेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे मूता मैरिज। ठीक है, मूटा मैरिज क्या होता है? मूटा मैरिज कहां रिकॉग्नाइज होती है? मूटा मैरिज किधर रिकॉग्नाइज होती है? सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज होती है या शिया लॉ में रिकॉग्नाइज होती है? सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज होती है या शिया लॉ में रिकॉग्नाइज होती है? अकॉर्डिंग टू मी ये शिया स्कूल में शिया लॉ में रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सारिका जी, वेरी गुड। फरज जी, ओनली एंड ओनली इन शिया। सुन्नीज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि सुन्नीज के अकॉर्डिंग ये बैड है। शियाज ही मूटा मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये आपकी टेम्पररी मैरिज होती है, टेम्पररी मैरिज होती है। इट इज ओनली टू सेटिस्फाई सर्टेन डिजायर्स। ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेक्सुअल डिजायर्स को ही सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है, एंड दैट टू ओनली फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वेरी गुड, इतना आशार्य किसने बोला है? गीतांजलि जी। इतना आशार्य स्कूल में किस में होती है? इतना आशार्य स्कूल में ये जनरली रिकॉग्नाइज की जाती है एंड नो वेयर एल्स। ठीक है, यहां से आपको सीधा सीधा सवाल आता है, मेजर बेसिक सवाल कि मूटा मैरिज टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होती है, सुन्नी लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, सुन्नी स्कूल इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, आपका शिया स्कूल इसको रिकॉग्नाइज करता है। दैट इज इट, बस इतना ही आपको जानना है। टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सैटिस्फाई पर्टिकुलर सेक्सुअल डिजायर्स, दैट्स इट। ओके, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे चलेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि मूटा मैरिज से जो चाइल्ड पैदा होते हैं वो इलेजिटिमेट होते हैं, नहीं, दे आर लेजिटिमेट चाइल्ड। क्या माना जाता है, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मदर की इनहेरिट करते हैं, फादर की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, मदर की प्रॉपर्टी, और फादर की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिट नहीं करते हैं। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब देखो, शादी की हमने बात कर ली, तो अब आपको लगेगा मैम डाइवोर्स पे आ जाते हैं। डाइवोर्स पे पहले नहीं आएंगे, पहले हम पढ़ने वाले हैं डावर। क्या पढ़ेंगे, पहले डावर पढ़ेंगे, क्योंकि शादी के दौरान ही दिया जाता है डावर, तो पहले डावर पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे तलाक पे। डावर और तलाक हमारा थोड़ा सा वक्त लेगा, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, उसके बाद तो हमारे चीज़ें जो है फटाफट फटाफट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, नहीं है पूजा जी, है अनबॉर्न पर्सन के जो है ना वो जनरल प्रोविजन से मिलेंगे आपको, आखिरी दो क्लास में देखिएगा पूजा जी। ठीक है, आखिरी दो क्लास में डिस्कस किया है हमने। वेरी गुड चंचल जी, मूटा मैरिज में आपको विटनेसेस की भी आवश्यकता नहीं है, विटनेसेस की भी आवश्यकता नहीं है। देखो शिया लॉ में ये कंसेप्ट आपने नोटिस किया कि शिया लॉ में हमको मैरिज के वक्त विटनेसेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको डाइवोर्स के वक्त जो विटनेसेस की है वो आवश्यकता है। रीजन बीइंग कि शियास के अकॉर्डिंग डाइवोर्स एक बैड चीज है, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। दे प्रोटेक्ट द मैरिज, शियास प्रोटेक्ट्स द मैरिज, दिस इज द रीजन वो कहते हैं विटनेसेस की आवश्यकता है, जबकि सुन्नी लॉ में डाइवोर्स के वक्त विटनेसेस की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूटा मैरिज में भी नो विटनेस रिक्वायर्ड। ठीक, चलिए अब आगे चलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे डावर। आपसे पूछा जा सकता है डावर का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डावर, दैट्स इट, या आपको मिनिमम मैक्सिमम डावर पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बता दूंगी। जब भी हम डावर की बात करते हैं, ये एक प्रकार का डावर कहूं मैं, या फिर मैं इसको मेहर कहूं। इट इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन। व्हाट इज इट, इट इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन फॉर द मैरिज। अब ऐसा नहीं है कि इतनी डावर तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। डावर बेसिकली दी क्यों जाती है, डावर इसलिए दी जाती है ताकि आप सामने वाली पार्टी को यह दिखा सको दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एज अ टोकन ऑफ लव हम ये डावर दे रहे हैं और शादी के लिए दे रहे हैं। अंडरस्टूड। ऑब्जेक्ट क्या है डावर का, ये समझ लो अच्छे से। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है एज अ रिस्पेक्ट फॉर, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। क्या है, रेड कलर से किसी को इश्यू तो नहीं है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है। दूसरा है टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ लव। तीसरा इन्होंने बोल रखा है इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड, ऑब्लिगेशन ऑन हस्बैंड to maintain wife। इन सारी चीजों के लिए हम यहां पे डावर देते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक और हो सकता है सबसिस्टेंस ऑफ वाइफ, सबसिस्टेंस ऑफ वाइफ, ताकि वाइफ क्या कर सके, खुद का अच्छे से भरण पोषण कर सके, इसके लिए। ओके, शिया मेल कैन कॉन्ट्रैक्ट मूटा मैरिज विद एनी मुस्लिम, विद एनी वन। निकिता जी अच्छा सवाल बताया आपने, लेट मी जस्ट एड दिस थिंग बैक। मूटा मैरिज किसी के भी साथ हो सकती है, क्रिश्चियन के साथ हो सकती है, ज्यूज के साथ हो सकती है, फायर वर्शिपर के साथ हो सकती है। ध्यान रखिएगा, मूटा मैरिज किसी के भी साथ हो सकती है। अंडरस्टूड, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है, लेकिन जनरली कहाँ पे होती है, क्रिश्चियन में हो सकती है, ज्यूज के साथ हो सकती है, या फिर फायर वर्शिपर के साथ हो सकती है। ओके, क्लियर है ये चीज, अंडरस्टूड। चलिए अब डावर में हमारे पास कितने प्रकार की डावर है, हमारे पास दो तरीके की डावर है, एक है स्पेसिफाइड और दूसरी है अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में हमारे पास दो आ जाती हैं, एक आ जाती है प्रॉम्प्ट, एक आ जाती है कौन सी, डेफर्ड। अब यहां पे मुस्लिम लॉ में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं आपके स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डावर के बारे में, जैसे कि हाँ जी चंचल जी जो आपके रिलीजन बताए हैं उन्हीं रिलीजन में, एंड नो अदर रिलीजन देन दिस, नो अदर रिलीजन देन दोज अंडर योर मोटा मैरिज। ठीक है, अच्छा मैम आपकी प्रॉपर्टी लॉ ने वन शॉट में सेमेस्टर में बचा है, कौन से सेमेस्टर में हो नमन जी जरा बताइएगा। नहीं संदीप जी वहाँ पे डाइवोर्स में भी नहीं चाहिए, मोटा मैरिज में, मोटा मैरिज में डाइवोर्स के वक्त भी विटनेसेस की वहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड को क्या बोला गया है, स्पेसिफाइड को बोला गया है मेहर ए मौसम्मा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और आपके अनस्पेसिफाइड को क्या बोला गया है, मेहर ए मिसल। फिर आपके प्रॉम्प्ट को बोला गया है मुअज्जल, मुअज्जल। और डेफर्ड को क्या बोला गया है, मुअवज्जल। अब इनका मीनिंग समझेंगे। देखो ये आपसे पूछा जा सकता है मीनिंग एग्जाम में, मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। आते हैं आशीष जी, एक एक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्पेसिफाइड का मतलब आपने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, शादी के वक्त स्पेसिफाई कर दिया है, ड्यूरिंग मैरिज या तो बिफोर मैरिज या ड्यूरिंग मैरिज यू हैव डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ डावर दैट यू आर गोइंग टू गिव। अनस्पेसिफाइड आपने डिसाइड नहीं कर रखा है कि कितना अमाउंट देना है, बट आप दे दोगे, ये आपकी मर्जी की, शादी के बाद आपको कितना देना है। नाउ व्हेन वी कम टू प्रॉम्प्ट एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट डेफर्ड, तो प्रॉम्प्ट मतलब इट इज गिवन इमीडिएटली एट मैरिज। इमीडिएटली, जैसे ही शादी हुई इमीडिएटली जो आपको अमाउंट देना पड़ेगा वो होता है प्रॉम्प्ट डावर। डेफर्ड मतलब ये आपको जनरली मिलता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पर। डिसोल्यूशन, जब शादी का विघटन हुआ ना, जिस वक्त शादी खत्म हुई उस वक्त देंगे। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, पहला हो सकता है आपका डाइवोर्स और दूसरा हो सकता है आपका डेथ, दैट्स इट। इन दोनों में से कोई भी तरीके से मैरिज अगर डिसॉल्व हुई है तो उस वक्त जो डावर दी जाएगी वो होगी डेफर्ड, और जो शादी होते ही तुरंत प्रभाव से जो दी जाती है शादी के वक्त वो होती है इमीडिएट बेसिस पे देने वाली, दैट इज योर प्रॉम्प्ट डावर। किसी को डाउट यहाँ पे, ठीक है, किसी को डाउट, ओके थैंक यू अबीर जी। देखो कुछ कुछ चीज़ें ना कई बार रैपिड रिवीजन में कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो स्किप आउट हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रिलिमिनरी में आने वाली वो तो यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीट कराई जाती है। बाकी प्लस कोर्स में देखो आराम से बैठ के लंबे तरीके से सेशन चलता है। अब अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करोगे रैपिड रिवीजन में 5-6 क्लासेज में आराम से हो जाता है, लेकिन प्लस कोर्स में यही तो बेनिफिट है अन अकेडमी के प्लस कोर्स का, प्लस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट 10 से 11 सेशंस में कंप्लीट हुआ है, 10 से 11। ठीक है, क्लियर है। वापस से बताऊँ समी जी, डावर आपके दो तरीके के, स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड मतलब अमाउंट डिसाइडेड, डिसाइडेड है अमाउंट शादी के वक्त। इसमें दो तरीके के होते हैं, अमाउंट डिसाइड कर लिया, प्रॉम्प्ट या डेफर्ड, जो आपको शादी होते ही इमीडिएटली पे करना है, कबूल है कबूल है कबूल है डन, चलो लेके आओ डावर, अब तो वो हो गई आपकी प्रॉम्प्ट डावर। डेफर्ड में क्या हुआ, आपको इमीडिएटली पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार जब शादी टूटती है, ये आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करके रखते हो कि तलाक देने के वक्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई अमाउंट दे देंगे। तो जब व्यक्ति की डिसॉल्व हुई मैरिज, महिला की, तो या तो डाइवोर्स से हुई या डेथ से हुई, तो उस वक्त मिलने वाला अमाउंट आपका आता है डेफर्ड अमाउंट में। और अनस्पेसिफाइड में क्या है, अनडिसाइडेड है, आपने अमाउंट ऑफ डावर डिसाइड नहीं किया गया, ये आप बाद में इन फ्यूचर डिसाइड कर लोगे। क्लियर है ये चीज। अब सुनिए, ये सुन्नी है और ये आपके शियाज हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं बात करूं यहां पे मिनिमम की, मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट है डावर का। डावर मिनिमम आपके सुन्नी में कितना मिलता है और शिया में कितना मिलता है और मैक्सिमम कितना मिलता है। देखो मिनिमम की अगर मैं बात करूंगी, मिनिमम में अगर मैं बात करूं तो आपको सुन्नी में कितना मिलता है, 10 दिरहम्स बोल रखा है, कितना, 10 दिरहम्स। अबीर जी बताएंगे। ठीक है, अगर मैं शिया में बात करूं तो उन्होंने कोई मिनिमम लिमिट बताई नहीं है, नो लिमिट, मिनिमम में कोई लिमिट नहीं बताई। अगर मैं सुन्नी की बात करूं तो मैक्सिमम में इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई है, मैक्सिमम में नो लिमिट। लेकिन अगर शिया में बात करूं तो इन्होंने 500 दिरहम्स बता रखा है। कितना बता रखा है? 500 दिरहम्स ऑलरेडी बता रखा है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुस्लिम्स में, शिया और सुन्नी में मिनिमम कहाँ डिफाइंड है, मैक्सिमम का। जनरली 10 दिरहम से आता है, जनरली 10 दिरहम से सवाल आता है, 10 दिरहम से सवाल आ चुका है ऑलरेडी। और एक आपके सवाल आया था, इद्दत पीरियड कितना कब ऑब्जर्व करना है। देखो, एक महिला को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब मैरिज डिसॉल्व हो रही है। तो उस केस में अगर मैरिज डिसॉल्व हो रही है तो जनरल उसको कितना पीरियड ऑब्जर्व करना है, इन केस इफ शी इज बिकमिंग विडो तो कितना इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना है, इन केस इफ शी इज प्रेग्नेंट तो कितना टाइम पीरियड उसको ऑब्जर्व करना है। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समी जी समझ आ गया? हाँ, चेरी जी कह सकते हो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि मेहर ना देने पे मैरिज नहीं होगी। अंकित जी ऐसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में जिस वक्त शादी हो रही है ना उसी वक्त डिसाइड कर लो मेहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं अंकित जी, मुस्लिम लॉज में प्रैक्टिस ये है कि मेहर दी जाती है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कह रहे ना, आउट ऑफ लव। अब जब भी आप देखो वहाँ पे मेहर डिसाइड होती है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि डिस्कस करने पड़ते हैं। लड़के का सोशल स्टेटस क्या है, उसकी इनकम कितनी है, लड़की की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, फैमिलीज का रेप्यूटेशन क्या है, कैसा स्टेटस है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो दैट ऑल थिंग इज गोइंग टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ द मेहर। वो सारी चीज़ें मेहर डिसाइड करेगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? हाँ जी, इद्दत पीरियड में आपको बताती हूँ। आते हैं अभी खुशबू जी, अगला जो हम है, जब हम तलाक की बात करेंगे इद्दत पीरियड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब शादी हो जाती है ना उसके बाद एक टाइम पीरियड तक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। कोई बता सकता है इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व क्यों करते हैं? बस इतना बता दीजिएगा कि इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व क्यों किया जाता है। वाई दैट विमेन इज आस्क्ड टू ऑब्जर्व इद्दत पीरियड फॉर 3 लूनर मंथ्स, किस लिए? हाँ, अच्छा सवाल किया आबिर जी। दैट मैनी गेट कंफ्यूज बिटवीन डावर एंड डावरी। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो हमने डावर बोला है ना, इट इज नेवर अ डावरी। सवाल है मेरे आज के ही स्पेशल क्लास में सवाल आएगा कि डावर को आप डावरी मानोगे क्या? डावर इज नॉट अ डावरी। अरे डावरी कौन देता है, एक बात ये समझो। डावरी का जनरल कंसेप्ट क्या है? लड़की वालों से पैसा लोगे, या तो लड़के वाले दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? लड़की को दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? गुड अनदेखी जी। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के लिए, ये देखने के लिए वेदर विमेन इज अ प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो आपका इद्दत पीरियड जनरली इस चीज़ से रिलेट करता है, टू मेक श्योर इवन इफ विमेन इज प्रेग्नेंट और टू क्लेरिफाई द थिंग एज टू द पेटर्निटी ऑफ दैट और यस द पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, क्लियर है? नहीं, सेक्शंस याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, ओके, सो दैट नो कन्फ्यूजन इज देयर एज टू द पेरेंटेज ऑफ द न्यू प्रेगनेंसी। बिल्कुल नेत्रा जी। इन ऑर्डर टू मैरी अनदर पर्सन, राइट चंचल जी। देखो, उस मैरिज की ऑब्लिगेशन एक महिला पर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व नहीं कर लेती। तो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा सो एज टू मेक श्योर दैट वेदर विमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट एंड टू डिसाइड द पैटर्निटी ऑफ दैट चाइल्ड। क्लियर है ये चीज़? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विमेन वापस शादी नहीं कर सकती उस पर्सन से जिससे उसका डाइवोर्स हो गया। वो कर सकती है, जिसको आपके हलाला के नाम से माना जाता है। क्लियर? चलिए, ओके अच्छा, एक चीज और इसमें सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, और वो चीज ये है कि इफ डावर का नॉन पेमेंट हुआ, क्या हुआ? नॉन पेमेंट हुआ, तो इस केस में राइट क्या होंगे विमेन के? राइट ऑफ विमेन क्या होगा अगर उसको अमाउंट पे नहीं किया गया है? 3 प्रकार के आपको यहाँ पे राइट्स दे रखे हैं। पहला, she can refuse to cohabit. She can refuse to cohabit. मना कर सकती है that I am not going to cohabit. ठीक है, क्लियर है ये चीज़? राइट अमन जी, बिल्कुल। दिस इज अ रीजन फॉर फाइंडिंग द पेरेंटेज ऑफ अ चाइल्ड इन द वूम। ओके, नेक्स्ट बोला गया है दैट she has right to demand dower as debt. Demand dower एज डेट नाम दे दिया इसको, डेट। वो डिमांड कर सकती है इस डेट की, बोल सकती है कि मैं आपसे उधार मांग रही हूँ, डेट है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पे बोल रखा है, ये बोला है दैट शी कैन हैव राइट टू लीन कह सकती हूँ या फिर राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकती है उस हस्बैंड की तब तक जब तक कि उसको वो अमाउंट पे नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन चीजों को ध्यान रखिएगा आप, राइट टू लीन और पोजेस द प्रॉपर्टी, डिमांड द डावर एज अ डेट और रिफ्यूज टू कोहैबिट। प्रिलिमिनरी में सवाल आ सकता है इन केस अगर यहां पे डावर को पे नहीं किया गया। दीज आर द राइट्स दैट अ वुमेन गेट्स। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे चलेंगे, जहां पे अगली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आएगी हमारे पास तलाक। तलाक का सेशन स्टार्ट करें, ठीक है, क्लियर। अब तलाक में हम टाइप्स ऑफ तलाक तो डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि सुन्नी लॉ और शिया लॉ में तलाक में क्या डिफरेंस है, क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्म है और किस तरीके से तलाक होना चाहिए, क्या ओरल में होना चाहिए कि रिटन में होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम तलाक। तलाक का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। एक मैरिज डिसॉल्व कैसे हो सकती है? दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है। पहला हो सकता है किस तरीके से, जैसे कि आपने तलाक दे दिया। दूसरा किस तरीके से हो सकता है? दूसरा हो सकता है डेथ ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड के डेथ होने पर भी यहाँ पे मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल चंचल जी, उतना ही सेल कर सकती है जितने अमाउंट के लिए वो लायबल है, मतलब कि जितना अमाउंट का आप वहां पे डावर की डिमांड करते हो उतना ही वो क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन ले सकती है। ठीक है, थैंक यू अर्पिता जी। ठीक है, अनस्पेसिफाइड किया ना चंचल जी, जो कि स्पेसिफाई नहीं कर रखा है आपको, जो कि आपको अमाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कितना अमाउंट पे करना है, तो वो बाद में शादी के बाद में आफ्टर मैरिज दैट कैन बी डिसाइडेड, और जितने हस्बैंड को इच्छा होगी और जितना वाइफ एक्सेप्ट करेगी उतना दिया जा सकता है। ओके, अब सुनिए आगे, तलाक के आपके पास टाइप्स हैं, लेकिन तलाक को बैड माना गया, अल्लाह ने कभी भी तलाक को सपोर्ट नहीं किया। उनके हिसाब से तलाक इज अ सिन। व्हाट इज तलाक? तलाक इज अ सिन एंड उनके हिसाब से मैरिज को आप खत्म मत कीजिए, रिवोक मत कीजिए, रेप्यूडिएट मत कीजिए। उनके हिसाब से मैरिज को अच्छे से परफॉर्म करने में ही सबकी भलाई है। तो फिर जब तलाक दिया जा रहा है तो हमने कुछ ऐसे तलाक बनाए जो कि कैसे हैं, अच्छे भी हैं खराब भी हैं। तलाक के कुछ कंडीशंस हैं जिसमें सबसे पहले कंडीशन समझो, उसके बाद टाइप्स पे आएंगे। कंडीशन पे ऐसा है, तलाक देता कौन है? हस्बैंड। हस्बैंड का फ्री कंसेंट होना जरूरी है। क्या है? हस्बैंड का वहां पे फ्री कंसेंट होना जरूरी है। फिर साथ में हस्बैंड ने वर्ड्स अगर बोल रहा है तो वो एक्सप्रेस होना चाहिए, वाइफ की प्रेजेंस में बोलिए, वाइफ की प्रेजेंस में बोलिए। साथ ही साथ कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, मतलब वो केपेबल होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। जब तक वो माइनर है वो मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अब ये जो वर्ड बोले ना मैंने, एक्सप्रेस और विमेन की प्रेजेंस में, ये ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है? रीजन बीइंग कि एक मुस्लिम विमेन की हमने बोला 4 शादियां हो सकती है। अब उसने बोल दिया मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ, तो भैया बताओ ना कौन सी वाली, आपकी बहुत सारी वाइफ है ना, तो यू हैव टू नेम द वाइफ, नेम द वाइफ यू इंटेंड टू डाइवोर्स और यू इंटेंड टू गिव तलाक टू। कौन सी वाइफ को आप तलाक देना चाहते हो उस वाइफ की प्रेजेंस में बोलिए, और उस वाइफ का आप कह सकते हो एक तरह से आपको ये शो करना है कि कौन सी वाली वाइफ को नाम लेके करिए या उसकी प्रेजेंस में आपको तलाक देना पड़ेगा। ठीक है, ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है अनदेखी जी, किसी को भी ऑडियो प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो? वीडियो तो आई कैन सी इट्स क्लियर। अगर वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सब बता सकते हैं मैम ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। क्लियर दिख रहा है सब कुछ? ऑल क्लियर ज्योति जी, ऑल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, ओके थैंक यू श्रद्धा जी, गीतांजलि जी, नेत्रा जी, चंचल जी, फरहत जी। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या बोला है कंडीशन में, ये ओरल भी हो सकता है या फिर आपका रिटन भी हो सकता है। कोई आपको प्रॉपर फॉर्म नहीं दे रखा है, कोई आपको प्रॉपर फॉर्म नहीं दे रखा है। इसमें सुन्नीज और शियाज में डिफरेंस करके ही समझते हैं। सुन्नी और शिया में आपके तलाक का डिफरेंस समझते हुए ही चलते हैं। सुन्नीज में बोला है मैम ये ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। शियाज में क्या बोला, इट ऑलवेज हैव टू बी इन ओरल फॉर्मेट, ओरली ही होना चाहिए एक्सेप्ट वेयर हस्बैंड इज अनेबल टू स्पीक, एक्सेप्ट वेन हस्बैंड इज अनेबल टू स्पीक। अगर हस्बैंड बोल नहीं पा रहा है तो उस केस में आप रिटन में ले लीजिए, अदरवाइज हमेशा यहाँ पे आपका तलाक कैसा होना चाहिए, ओरल फॉर्मेट में ही होने वाला है। सुन्नी में बोला नो विटनेस रिक्वायर्ड, कोई विटनेसेस की आवश्यकता नहीं है। शियाज में बोला विटनेसेस चाहिए, विटनेसेस रिक्वायर्ड है डाइवोर्स के वक्त, आई मीन टू से तलाक के वक्त। फिर यहाँ पे अगली पिछली स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कोई फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, नो फॉर्म इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्म है, मतलब इनको कुछ अरेबियन लैंग्वेज में कुछ अरेबियन वर्ड्स बोलने पड़ेंगे तब माना जाएगा कि यहाँ पे तलाक हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे तलाक नहीं माना जाएगा। ठीक है, सारिका जी, संदीप जी, चेरी जी, निकिता जी, धवल जी एंड अनुराधा जी, सब क्लियर है सबको? चलिए क्लियर। तो सुन्नी और शियाज में ये डिफरेंस है तलाक को लेके। अब चलिए फटाफट से तलाक के टाइप समझने में, चार्ट बनाऊंगी एज इट इज आपकी नोटबुक्स में, वो तलाक का टाइप्स का जो चार्ट है वो छपना चाहिए और वहीं पे शॉर्ट में नीचे लिख दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए म्यूचुअल कंसेंट से हिंदू मैरिज एक्ट में कौन से सेक्शन में डाइवोर्स होता है? सेक्शन बता सकते हैं स्टूडेंट्स? विशेष सेक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की बात करता है। राइट, प्रियंका जी, प्रियंका जी शायद आप थोड़ा सा सेशन पीछे चल रहे हो। राइट, भारत जी, शयर जी, शराया जी, फरत जी, चंचल जी, संदीप जी, अनदेखी जी, इट इज़ योर 13B। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स ने लिख दिया तब तक 13B। वेरी गुड, इट इज़ योर 13B। अब तलाक में आगे क्या होता है? देखो, तीन तरह के होते हैं, एक हस्बैंड के द्वारा हो सकता है, एक वाइफ के द्वारा हो सकता है, एक म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है। हस्बैंड में तीन तरीके के हैं, इला कर सकता है, जिहर कर सकता है, और साथ ही साथ तलाक में आगे दो और फॉर्मेट हैं, दैट इज तलाक ए सुन्नत एंड तलाक ए बिद्दत। तलाक ए सुन्नत में एक आता है आपके पास हसन और दूसरा आता है आपके पास अहसन। क्लियर? जब हम वाइफ के बारे में बात करते हैं तो वाइफ के पास में हमारे पास तीन तरीके के आते हैं। पहला आता है तलाक ए तफवीज, तलाक ए तफवीज, दूसरा आता है लियान एंड फाइनली हमारे पास एक कोडिफाइड एक्ट है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937। 1937 का ये एक्ट है, सॉरी 39 का ये एक्ट है। क्लियर? और म्यूचुअल कंसेंट से हमारे पास दो हैं, दैट इज खुला एंड मुबारक। यहीं पे मैं सबको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी। क्लियर है ये चीज़ सबको? चलिए, अब देखो, सबसे पहले अगर हम हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड के पास 3 तरीके हैं जो तलाक दे सकता है, इला, जहर, और इस तलाक में भी 2 तरीके के तलाक हैं। इला में बेसिकली क्या होता है, ही एब्स्टेन हिमसेल्फ फ्रॉम हैविंग एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ। इला में क्या करता है, इला में वो एब्स्टेन करता है खुद को फ्रॉम हैविंग एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ, मना कर देता है दैट ही विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ। एंड फॉर हाउ मच टाइम, 4 months, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना, यहां से प्री का सवाल आ चुका है। 4 महीने के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देता है दैट ही इज नॉट गोइंग टू हैव, यस ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे चंचल जी सारे। तो यहाँ पे वो खुद को एब्सटेन कर लेता है दैट फॉर 4 months ही इज नॉट गोइंग टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद योर हिज वाइफ। जिहर में बेसिकली क्या करता है, ही कंपेयर्स हिज वाइफ, क्या करता है, वाइफ को कंपेयर करता है प्रोहिबिटेड डिक्री के साथ जिसके साथ उसका रिश्ता है। जिन जिन रिलेशंस में उसका रिश्ता है उनके साथ वो इसको कंपेयर करता है। प्रोहिबिटेड डिक्री में फॉर एग्जांपल उसकी मदर आ गई, सिस्टर आ गई, दादी जी आ गई। प्रोहिबिटेड रिलेशन में याद है हम 3 तरीके के पढ़ के आए थे, कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज। किसी के साथ भी कंपेयर किया कि तुम तो मेरी माँ के जैसी हो या ऐसी वैसी, कुछ भी उसने उल्टा सीधा बोला, आपका वो जहर की कैटेगरी में आ जाता है। और जहर की कैटेगरी में अब अगर ऐसी चीज बोल दी है एंड इफ हस्बैंड वांट्स टू कंटिन्यू द मैरिज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ही हैज टू डू पेनेंस। क्या करना पड़ेगा, पेनेंस करना पड़ेगा। पेनेंस का मतलब क्या होता है, तपस्या करके आनी पड़ेगी उनको, अंडरस्टूड। देन यस, ये मेंस के लिए काम आएगी, बिल्कुल लक्ष्मी जी, हरियाणा मेंस के लिए भी काम आ सकती है, हायर जुडिशरी के लिए भी काम आ सकती है, जहां जहां मुस्लिम लॉ है सब जगह एपीओ के लिए भी काम आ सकती है, ठीक है, क्लियर है। आयुष जी मैं समझा रही हूँ, जहर का मतलब सुनिए वापस, एक मुस्लिम हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ को प्रोहिबिटेड डिक्री के साथ कंपेयर किया। अब प्रोहिबिटेड डिक्री वाले रिश्ते कौन से हुए उस हस्बैंड के लिए, उस हस्बैंड के लिए प्रोहिबिटेड डिक्री वाले वो सारे रिश्ते हुए जैसे उसकी मदर हो गई, उसकी सिस्टर हो गई, उस हस्बैंड की खुद की। उसके साथ उसने कंपेयर कर दिया अपनी वाइफ को कि तुम तो मेरी माँ जैसी हो या तुम तो मेरी बहन जैसी हो, या फिर कुछ अभद्र तरीके से इस तरीके से कंपेयर किया जो कि शोभनीय नहीं है, तो उस केस में उसको ज़हर माना जाएगा कि ये एक तरीके का तलाक हो चुका है, अब कोई रिश्ता बचा नहीं, आपने ऐसी चीज बोल दी है, वो होता है जहर। समझ आया आयुष जी। और जहर के मामले में आपके हस्बैंड ने अगर ऐसी कोई चीज बोली एंड इफ यू वांट्स टू कंटिन्यू द रिलेशन, इफ यू वांट्स टू कंटिन्यू दैट मैरिज, उसको पेनेंस करना पड़ेगा, मतलब उसको तपस्या करके आनी पड़ेगी। आयुष जी समझ आया, यस और नो। फिर आता है हमारे पास तलाक में 2 मेजर और दैट इज तलाक ए सुन्नत एंड तलाक ए बिद्दत। तलाक ए सुन्नत को सबसे गुड फॉर्म ऑफ तलाक माना गया है, तलाक उल बिद्दत को या तलाक ए बिद्दत को बैड फॉर्म ऑफ तलाक माना गया है, द मोस्ट बैड फॉर्म ऑफ तलाक। अब इसको गुड और बैड क्यों बोला गया है, ठीक है, गुड और बैड क्यों माना गया है, रीजन बीइंग कि जब भी हम तलाक ए बिद्दत की बात करते हैं जो कि आज के टाइम पे है ट्रिपल तलाक, क्या है, आज के टाइम पे है ट्रिपल तलाक। बेसिकली ये आपका इररिवोकेबल है, कैसा है, इररिवोकेबल इन नेचर है। यस आयुष जी बिल्कुल, जस्ट एन अटरेंस ऑफ द वर्ड वुड अमाउंट दैट थिंग, ओके। तलाक ए बिद्दत में या ट्रिपल तलाक में इट इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब समझ आता है ना हमको कि अब आप उस तलाक को रिवोक नहीं कर सकते, बोल दिया इट इज फुल एंड फाइनल। एक ही बार में जब वो 3 बार कंटिन्यूस बोलता है आई डाइवोर्स माई वाइफ, आई डाइवोर्स माई वाइफ एंड आई डाइवोर्स माई वाइफ, इमीडिएटली उसी वक्त से यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करो उसके बाद ये कंप्लीट होगा ना, इद्दत पीरियड वगैरह सब बाद में ऑब्जर्व करो, ये इमीडिएट इफेक्ट से आपका लग जाता है, क्लियर है ये चीज, ओके। अच्छा लकी जी काफी समय बाद, ओके नेक्स्ट। अब जब तलाक ए सुन्नत की बात करूं, ये गुड फॉर्म ऑफ तलाक माना गया है। अब इसमें देखोगे यहाँ पे भी 3 बार प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन इसको गुड क्यों माना गया है, क्योंकि इट इज रिवोकेबल, हस्बैंड चाहे तो इसको रिवोक कर सकता है, इट इज रिवोकेबल। अब अ हसन और हसन का डिफरेंस अच्छे से समझना। हसन में क्या होता है, वो बेसिकली एक बार प्रोनाउंस करता है, क्या करता है, देखो दोनों में ही प्रोनाउंसमेंट हो रहा है, चाहे आपका हसन हो गया है या आपका अहसन हो गया है, दोनों में ही प्रोनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन अहसन में एक प्रोनाउंसमेंट, हसन में तीन प्रोनाउंसमेंट। अहसन में कितना प्रोनाउंसमेंट हो रहा है? एक प्रोनाउंसमेंट हो रहा है, जबकि हसन में तीन सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। मेजर चीज यहां पे ध्यान देने की यह है कि यहां पे स्टेज ऑफ प्योरिटी की आवश्यकता है। स्टेज ऑफ प्योरिटी बोलूं या फिर तुहर, जिसको यहां पे मुस्लिम लैंग्वेज में बोला गया है। हस्बैंड हैज टू मेक श्योर दैट व्हाइल ही इज प्रोनाउंसिंग द तलाक, That is a हसन या हसन, women is at the stage of तुहर। तुहर के stage में है, मतलब stage of purity है। Purity का stage क्या होता है? Purity का stage का मतलब है that she is free from menses, there is no menstrual cycle। अब menstrual cycle को मैं बोलूँ तो आपकी आम भाषा में जिसको हम periods बोल सकते हैं या menses बोल सकते हैं, ऐसी situation में अगर महिला नहीं है, उस situation में अगर husband ने तीन सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट इन थ्री सक्सेसिव तुहर्स, तीन अलग अलग तुहर में, तीन अलग अलग ड्यूरेशन में, हर 3 महीने में एक बार उसने प्योरिटी की स्टेज में जब महिला थी उस वक्त जब प्रोनाउंस किया है, वो हो जाएगा आपके हसन की कैटेगरी में आ जाएगा। और दूसरा है हसन, अहसन। अहसन में क्या होता है? एक ही बार प्रोनाउंस करेगा, वो एक ही बार में प्रोनाउंस करेगा आई डाइवोर्स माई वाइफ, लेकिन ही हैज टू मेक श्योर दैट वाइफ कौन से स्टेज पे? तुहर के टाइम पीरियड पे, एज वेल एज ये रिवोकेबल है। इससे पहले दोनों के मैटर में, इससे पहले कि आपका इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने का टाइम पीरियड खत्म हो जाए, आप उससे पहले इसको रिवोक कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं। लेकिन तलाक ए बिद्दत, दैट इज ट्रिपल तलाक, विच इज नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते और बैड फॉर्म इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको आप रिवोक ही नहीं कर सकते। एक बार हो गया, इट्स डन। तो सोचो हस्बैंड कभी भी गुस्से में आया, एक बार में उसने बोल दिया आई डाइवोर्स आई डाइवोर्स आई डाइवोर्स, तो आप इसका इफेक्ट देख रहे हो, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। इमीडिएटली वहां पे शादी का जो इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तलाक ए बिद्दत एंड तलाक ए सुन्नत में किसी को भी प्रॉब्लम, तलाक ए बिद्दत कौन से केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया? इज इट शायरा बानो केस, इज इट और इज इट शाह बानो केस? स्टूडेंट्स को काफी डिफरेंस होता है, प्रॉब्लम होता है। शाह बानो कब आया, शायरा बानो कब आई? यस मैम, टीपीए डॉक्ट्रिन एंड देयर सेक्शन के चार्ट भेज सकते हैं क्या आप टेलीग्राम पे? अनिकेत जी, वैसे मैंने टीपीए के सारे डॉक्ट्रीन्स आपको करवाए थे यूट्यूब पे, एक बार जरा क्लास देखिएगा और वो चार्ट अपने आप से जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। शाह बानो कौन बोला? नेत्रा जी, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं कह सकती हूँ कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, शाह बानो में आया कि शायरा बानो में आया, दोनों ही बानो हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो याद कैसे रखोगे, सुनो सुनो, याद कैसे रखोगे इसको? हमारे पास दो हैं, शाह बानो और शायरा बानो। अंडरस्टूड? शायरा बानो किससे रिलेटेड? ट्रिपल तलाक से। ठीक है, हमको ये पता है कि ट्रिपल तलाक जस्ट अभी आया, 1-2 साल पहले आया, याद है? इतना तो याद रहेगा ना कि ट्रिपल तलाक अभी आया जब हम कॉलेज में ग्रेजुएशन में थे, इतना याद रहेगा। और शाह बानो किससे रिलेटेड है? आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड है। गलती से भी किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जब हम दोनों का नाम पढ़ते हैं, शाह बानो और शायरा बानो, रोल नंबर वाइज अगर लगाया तो पहले कौन आएगी? पहले शाह बानो आएगी, SHA और फिर H आ रहा है। फिर यहाँ क्या होता है? SHA और Y आ रहा है, तो H पहले आता है, Y बाद में आता है, तो ये रोल नंबर 1 होगा, इसका रोल नंबर 2 होगा। अंडरस्टूड? इसका रोल नंबर 1, इसका रोल नंबर 2, ठीक है? तो ऐसे याद रह सकता है। तो रोल नंबर 2 मतलब ये बाद में आई है, शायरा बानो, दैट इज ट्रिपल तलाक। ऐसे याद रह जाएगा किसी को। किसी को भी अगर गलती से भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे होती थी, ठीक है, क्लियर? तो कई बार ये देखो आपको पता होता है, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन दे दिया, फिर गए। अगर आपको मेंटेनेंस के बारे में पूछा और शायरा बानो है ही नहीं, बाकी 3 केस लॉज और एक ही है, आप धड़ाक से शाह बानो लिख के आओगे, है ना? धड़ाक से शाह बानो लिख के आओ। लेकिन मान लो दोनों हैं, कई बार नहीं याद आता है कि शाह बानो थी कि शायरा बानो थी, तो उस केस में आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे। ठीक है, शाह बानो ऊपर, नीचे शायरा बानो, वाई बाद में आता ना, रोल नंबर वाइज ये बाद में आती है, तो ये बाद में। तो सबसे पहले हमारे पास केस आया था मेंटेनेंस का, शाह बानो का। क्लियर है ये चीज? ओके, डन, भूलेगा नहीं कोई भी, और कोई भी इसको उत्तर को गलत नहीं करके आएगा। चलिए आगे चलेंगे। तो ये हमने तलाक ए बिद्दत डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे वाइफ के पास, जो वाइफ कहती है तलाक ए तफवीज, लियान एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया कि हस्बैंड कैसे कैसे डाइवोर्स दे सकता है। जब वाइफ की बात करूं मैं, दैट इज योर तलाक ए तफवीज। बेसिकली ये है आपका डेलीगेटेड तलाक। यहां पे मैरिज के वक्त ही हस्बैंड ने वाइफ को यह कह दिया है कि जब तुम्हारी इच्छा हो तुम डाइवोर्स ले सकती हो, या किसी थर्ड पर्सन को बोला कि जाके मेरी वाइफ को क्या करो, डाइवोर्स सुना के आ जाओ, मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा हूं, गो एंड टेल हर दैट आई एम डाइवोर्सिंग हर। अंडरस्टूड? क्लियर है ये चीज? तो यहां पे जब वाइफ खुद से डाइवोर्स ले ले, क्योंकि हस्बैंड ने पहले उसको ये पावर दे दी है, पावर डेलीगेट कर दी। तफवीज का मतलब क्या है? डेलीगेटिंग द पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम कंसेप्ट पढ़ के आते हैं ना कि आपका एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। वैसे के वैसे यहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ को ये पावर दे सकता है कि वो डाइवोर्स ले सकती है कभी भी शादी के बाद। तो वाइफ को ऑलरेडी पावर आपने डेलीगेट कर दी, या थर्ड पर्सन को बोला गो एंड टेल माई वाइफ कि मैं उसको डाइवोर्स दे रहा हूँ। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट है लियान। लियान में कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो मैं इसको अच्छे से मार्क करूंगी। ये इट मीन्स जब आपने वाइफ के ऊपर एडल्ट्री के चार्जेस लगाए कि दिस वाइफ इज कमिटिंग एडल्ट्री, लेकिन वो चार्जेस फॉल्स प्रूव हुए हैं। वो चार्जेस फॉल्स प्रूव हैं। हस्बैंड ने बोला दैट माय वाइफ इज कमिटिंग एडल्ट्री, लेकिन वो चार्जेस फॉल्स प्रूव हुए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नाउ वाइफ हैज अ वैलिड ग्राउंड कि क्योंकि आपने मुझ पे एडल्ट्री का चार्ज लगाया था और ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, आई विल गिव यू डाइवोर्स। दिस इज योर लियान। अंडरस्टूड? Then we have Dissolution of Muslim Marriage Act, जिसका कि सेक्शन 2 हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ को हमने 9 ग्राउंड दिए हैं जिसपे वो डाइवोर्स ले सकती है। उनका टाइम पीरियड का टेबल अभी हम बनाएंगे। टाइम पीरियड अगर आपने याद नहीं रखा तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस, बिल्कुल लक्ष्मी जी, किसी भी मामले में यहाँ पे डाइवोर्स में आप प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस, सायरा जी, जब हम बात करेंगे ना इसकी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, यहाँ पे जो जो ग्राउंड्स दे रखे हैं उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में अगर आप डाइवोर्स दे रहे हो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? करते हैं करिश्मा जी, 1 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो खुला में क्या है। खुला और मुबारक मतलब म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों ही कैसे कर रहे हैं? म्यूचुअल कंसेंट से। ध्यान रखना, खुला में बेसिकली खुल के बात होती है। कैसे बात होती है? खुल के बात करते हैं यहाँ पे। अब खुला में ये चीज देखो कि यहाँ पे हस्बैंड आता है कि वाइफ आती है, यहाँ पे हस्बैंड आ रहा है या वाइफ आ रही है। खुला में एक चीज है कि वाइफ खुल के हस्बैंड से बात करती है कि भाई डाइवोर्स लेना है, नहीं जम रहा है, तो वाइफ के पास ये पावर रहता है, वाइफ के पास ये राइट है दैट शी इज गोइंग टू ऑफर फॉर द डाइवोर्स एंड हस्बैंड इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट डाइवोर्स। जैसे मैरिज के वक्त ऑफर एक्सेप्टेंस करते थे, वैसे यहाँ पे वाइफ डाइवोर्स के लिए ऑफर करेगी एंड हस्बैंड इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, और जैसे ही डाइवोर्स का वहां पे उसने ऑफर एक्सेप्ट किया, आपका डाइवोर्स डन है। अंडरस्टूड? तो खुला में खुल के वाइफ बात करती है। क्लियर? मुबारक में हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं? आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि ओके फाइन, लेट्स गो फॉर द डाइवोर्स। वहां पे म्यूचुअल ऑफर और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस दोनों के साइड से एक ही टाइम पे होता है, वो हो जाता है मुबारक। अंडरस्टूड? यस, मुबारक में दोनों, किसी को भी कोई भी तरह की दिक्कत समस्या, आपके तलाक का कंसेप्ट समझने में, जहाँ पे वाइफ द्वारा डाइवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट द्वारा हो रहा है एंड हस्बैंड द्वारा हो रहा है। जब मैं बोलूँ तलाक दैट इज थियोरेटिकल पार्ट, और जब मैं बोलूँ डाइवोर्स दैट मीन्स डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। क्लियर? क्लियर है? तो अब हम चलेंगे मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की तरफ। ठीक है, खुला और मुबारक में डिफरेंस सुनिएगा आयुष जी, दोनों को मैं वापस से बताती हूँ। मृणाल जी, आयुष जी अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, सुनिए। खुला और मुबारक दोनों में म्यूचुअल कंसेंट से है, ठीक है। लेकिन खुला में होता दोनों में, दोनों आपसी सहमति होगी तभी जाओगे, लेकिन खुला में बेसिकली वाइफ पहले ऑफर करती है क्या चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, वो ऑफर कर रही है डाइवोर्स के लिए, तब हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रायोरिटी किसको मिलेगी, वाइफ को मिलेगी, क्योंकि वाइफ पहले आएगी इस केस में, खुला में खुल के अपने मन की बात हस्बैंड के सामने रखेगी। अंडरस्टूड। मुबारक में हस्बैंड भी आके वाइफ को पूछ सकता है या वाइफ भी आके पूछ सकती है, दोनों एक ही समय पे उस चीज को ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे के सामने और एक ही समय पे दोनों एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो मतलब दोनों सोच रहे हैं, दोनों समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, वो हुआ मुबारक। लेकिन खुला में बोला वाइफ ने अपनी इच्छा जाहिर की, अब हस्बैंड बैठ के सोच समझ के विचार करके उसको एक्सेप्ट करके जवाब देगा। अंडरस्टूड, क्लियर है। वक्फ के बेसिक जरूर कराऊंगी लक्ष्मी जी, लेकिन वक्फ एक्ट नहीं करा पाऊंगी क्योंकि वक्फ एक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। क्लियर है। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन खुला एंड मुबारक। खुला का मतलब वाइफ खुल के अपने हस्बैंड से इच्छा जाहिर करती है कि मुझे डाइवोर्स लेना है, बताओ एक्सेप्ट कर रहे हो इस ऑफर को या नहीं, ठीक है। क्लियर। हाँ जी, किसने पूछा था, मृणाल जी एंड आयुष जी। चलिए अब चलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पे। कहाँ चलने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राउंड्स रहेंगे और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टाइम पीरियड। क्या है हमारे पास, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ध्यान रहे हम डिस्कस कर रहे हैं इसका कौन से सेक्शन में, आपको ये सारे 9 ग्राउंड्स दे रखे हैं। याद रहे कि आपको ये 9 ग्राउंड्स याद रखने हैं, चाहे वो एब्सेंस हो गया है, मेंटेनेंस हो गया है, क्रुएलिटी हो गई है, इम्प्रिजनमेंट हो गया है, नॉट हर्ड हो गया है, ये सारा आपको टाइम पीरियड अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें कितना दे रखा है, सेक्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किसी को पेन के कलर में समस्या हो तो बता सकते हैं कि मैम ये वाला कलर जम नहीं रहा, ऐसा कुछ भी, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले आपको ग्राउंड दे रखा है, इफ हस्बैंड इज एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। ध्यान रहे ये ग्राउंड किसके पास अवेलेबल है, टू वाइफ, दे आर अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू वाइफ। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में वाइफ आएगी डाइवोर्स लेने के लिए, हस्बैंड को तो जरूरत ही नहीं है, हस्बैंड के पास ऑलरेडी बहुत ग्राउंड है। तो इस कोडिफाइड एक्ट के अंदर, ठीक है, विच इज मोर स्कोरिंग लिमिटेशन और मुस्लिम लॉ। सच में बोल रही हूँ अबीर जी, क्योंकि लिमिटेशन जब भी कर रहे हो तो इतनी सारी जो आपको एंट्रीज दे रखी है, कोई ट्रिक निकालना, आप ट्रिक निकालनी पड़ेगी आपको, वो सारे आपको जो जितने भी आपको एंट्रीज दे रखे हैं वो याद कैसे करने हैं। अगर वो ट्रिक निकाल ली तब तो लिमिटेशन बढ़िया है, अगर वो ट्रिक नहीं निकाल पाए तो फिर मुस्लिम लॉ बढ़िया है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। बाकी देखो आपको ना लिमिटेशन एक्ट में एक ट्रिक रहेगी, वो ट्रिक अगर आपने समझ ली है तो आप लिमिटेशन एक्ट को बहुत अच्छे समझ पाओगे, सारी एंट्रीज आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, कैसे सारी एंट्रीज याद रखनी है। उल्टा मामला चलना पड़ेगा वहां पे, आपको सीधा मामला याद नहीं करना है, उल्टे तरीके से वहां पे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकती है, वाइफ ले सकती है डाइवोर्स, अगर हस्बैंड एब्सेंट है। कितने साल के लिए, 4 इयर्स के लिए। एब्सेंट का मतलब क्या है, ही इज नॉट हर्ड, ठीक है। क्लियर। सेकेंड बोल रखा है, अगर वाइफ को मेंटेन नहीं किया, कोई भी आपने मेंटेनेंस वाइफ को नहीं दिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे 2 साल तक के लिए, यू हैव नॉट गिवन एनी मेंटेनेंस टू द वाइफ। क्लियर। थर्ड पॉइंट बोला है, अगर इम्प्रिजनमेंट हो गई हस्बैंड को, क्या हो गई, हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो गई 7 इयर्स और मोर के लिए। नेक्स्ट बोला कि अगर हस्बैंड इंसेन हो गया है या उसको लेप्रेसी हो गई है या कोई वेनरल डिजीज हो गया है, तो इस केस में अगर वो इंसेन है 2 साल तक के लिए, या लेप्रेसी या वेनरल डिजीज उसको शादी से है, ड्यूरिंग मैरिज से लेके अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, देन इन दैट केस दैट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एंड लास्ट पॉइंट जो आपके टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ये कहता है कि वो फेल हो चुका है टू परफॉर्म द मैरिटल ऑब्लिगेशन, फेल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। मैरिटल ऑब्लिगेशन बोलूँ या कॉन्जुगल राइट्स, 3 साल तक के लिए वो यहाँ पे ये सारे राइट्स परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो उस केस में 6th पॉइंट है, अगर उसने किसी भी प्रकार का क्रुएलिटी किया, क्या किया है, वाइफ के साथ क्रुएलिटी किया है। 7th है, ही कैन रेप्यूडिएट हिज मैरिज। कब मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकता है, जब उसकी शादी, वाइफ की शादी बिफोर 15 ईयर्स ऑफ एज पे हुई थी, बट अब बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज शी वांट्स टू रेप्यूडिएट हर मैरिज, शी वांट्स टू रेप्यूडिएट हर मैरिज, देन इन दैट केस शी कैन गो फॉर दिस। एक और ग्राउंड आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे इधर ही लिख रही हूँ मैं, इसको 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे। दैट इज व्हेन योर हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट। और 9th पॉइंट बोल रखा है, एनी अदर ग्राउंड जो कि आपका मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज करे, ये सारे ग्राउंड्स। ठीक है, क्लियर है लक्ष्मी जी? डेफिनेटली देखो, क्योंकि जो आपका लिमिटेशन एक्ट है वो सर डील करते हैं, तो सर आपको वो ट्रिक ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखो वो छोटी सी ट्रिक ये रहती है कि जनरली आपको सब जगह क्या दे रखा है, 12 इयर्स या 30 इयर्स। तो आप जनरल रूल बना लो 30 इयर्स या जनरल रूल बना लो 12 इयर्स, और उसमें से जो तो 1-2 एंट्री है ना, जो बोल रहा है 2 साल 3 साल, बस वो याद रखो। जो कम वाली चीज़ें हैं वो याद रखो, और जो ज़्यादा वाली चीज़ें उसको जनरल रूल में डाल दो। ठीक है, क्लियर है? अब आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट है, ये सब कुछ आपको टाइम पीरियड बता रही है, ये सारा टाइम पीरियड आपको 30 इयर्स बता रखा है, और लास्ट में 2 एंट्रीज आपको बोल रही है जो कि 2 इयर्स। तो 2 इयर्स की छटनी करो, 30 इयर्स को जनरल रूल याद रख लो, 2 इयर्स वाली छटनी कर लो। ठीक है, तो आपको छटनी करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा, स्लैब बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है ये चीज़? लेकिन हाँ, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट में किस किस प्रकार की सूट जारी है, कितने प्रकार की जारी है। ठीक है, एक्सप्लेन, तपस्या करके आना होगा, तपस्या करके आना होगा। नंदिता जी, जो हमने बोला था ना, पेनेंस ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर उसने जिहर किया तो। मैंने ये लैंग्वेज वहीं यूज की थी ना, मैंने ये लैंग्वेज वहीं यूज की थी। ठीक है, चंचल जी क्या कहना चाहते हैं? देखो कैसा है नंदिता जी, जब हस्बैंड ने जिहर किया, मतलब कंपेयर किया प्रोहिबिटेड डिक्री से, तो उस केस में डाइवोर्स हो जाएगा। बट इफ़ ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज मैरिज, कि नहीं अभी मैरिज को मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है, तो अगर उसको मैरिज कंटिन्यू करना है तो उसको पेनेंस करके आना पड़ेगा, मतलब तपस्या करके आनी पड़ेगी। तपस्या इन द सेंस खुद को प्योर करके आना पड़ेगा, जैसे हम लोग नहीं करते तपस्या, भगवान का नाम वगैरह जपते हैं, वैसे उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तपस्या करके आनी पड़ेगी, फिर मानेंगे दैट नाउ दिस हस्बैंड हैज गॉट प्योर, अब शादी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ नंदिता जी? किसी को डाउट इसमें, ये टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा, 4 इयर्स 2 इयर्स 7 इयर्स एंड 3 इयर्स वाला, इतना ही टाइम पीरियड है। 4 तरह के टाइम पीरियड है, 4 इयर्स है अगर हस्बैंड नॉट हर्ड हुआ है, मेंटेनेंस के लिए 2 इयर्स, इम्प्रिजनमेंट के लिए 7 इयर्स। ठीक है, चलें आगे, अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा सेशन बाकी है। क्लियर? चलिए, तो ये सब कुछ था आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट से रिलेटेड। एज ऑफ प्यूबर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज खैर उल बलग, का मतलब ये होता है एज ऑफ प्यूबर्टी, जब व्यक्ति 15 साल का हो जाता है तो माना जाता है ही इज ऑफ एज ऑफ प्यूबर्टी। अब चलेंगे हम मेंटेनेंस पे, कहाँ पे चलेंगे? मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस अभी तक कहाँ पढ़ के आए हम, क्योंकि हम हिंदू लॉ कर चुके हैं, सीआरपीसी आपको सर करवा चुके हैं, तो आपको पता है कि मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में मिलता है, सेक्शन नंबर 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में हमको मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और सेक्शन 18, 19 एंड 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मिलता है। ये सारी जगह है हमारे पास मेंटेनेंस लेने के लिए। नाउ द पॉइंट इज कि मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का क्या प्रावधान है, क्या सही में वहाँ पे मेंटेनेंस मिलता है या नहीं मिलता है? ऑलवेज रिमेंबर, मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस, जिसको हम कह रहे हैं भरण पोषण, क्या कह रहे हैं, भरण पोषण ये मिलता है ड्यूरिंग डाइवोर्स। कब मिलता है? ड्यूरिंग डाइवोर्स, जिसको कि मुस्लिम लॉ में बोला है खर्चा ए पायदान। क्या बोला है? खर्चा ए पायदान बोला गया है। वाइफ खुद को मेंटेन कर सके, सब्सिस्ट कर सके ड्यूरिंग मैरिज, उसके लिए भी मेंटेनेंस मिल सकता है एंड आफ्टर मैरिज भी मेंटेनेंस मिल सकता है। अब इसको हमें तीन अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तीन अलग अलग स्टेजेस में पढ़ेंगे किस तरीके से मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस इवॉल्व हुआ और कैसे एक नया कानून का जन्म हुआ। डाइवोर्स के वक्त मुस्लिम लॉ का जनरल रूल ये है कि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग इद्दत पीरियड ही यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मेंटेनेंस मिलने वाला है। एंड व्हाट इज इद्दत पीरियड? इद्दत पीरियड का मतलब होता है कि एक महिला डाइवोर्स मिलने के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑब्जर्व करती है टू मेक श्योर दैट वेदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट देन हु इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। क्लियर? अब सुनो, स्टेज वन में हम क्या पढ़ेंगे? मेंटेनेंस बिफोर शाह बानो। शाह बानो का केस कब का है? 1985 का केस है। क्लियर? देखो 1985 के केस से पहले, शाह बानो के इस केस से पहले ये माना जाता था कि एक मुस्लिम विमेन एंटाइटलमेंट रखेगी, मुस्लिम विमेन एंटाइटलमेंट रखेगी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ओनली टिल इद्दत पीरियड। क्लियर? ओनली टिल इद्दत पीरियड। इसी चीज को स्टेज टू में जब हम जाएं तो इसको चैलेंज किया गया शाह बानो के केस में 1985। तो मैं बोल सकती हूं आफ्टर शाह बानो अब हमें पढ़ना है, तो शाह बानो के केस में यह बोला गया कि जो मुस्लिम विमेन है वो आफ्टर इद्दत पीरियड भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटलमेंट रखती है अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी। क्या बोला गया? अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, आफ्टर इद्दत पीरियड ऑल्सो विमेन इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। बोल दिया मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसको, इद्दत पीरियड के बाद भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। और ये बोला सीआरपीसी 125 इज सेक्युलर इन नेचर, सेक्युलर इन नेचर है, यहाँ पे मुस्लिम विमेन बिल्कुल आ सकती है। ठीक है? So 125 applies to all, irrespective of which religion that person belongs to. शीतल जी दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, स्क्रीन सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जब शाह बानो का ये केस आया तो इस शाह बानो के केस से मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हुई। ये डिसीजन जो आया, मुस्लिम कम्युनिटी इससे नाराज हुई। So to nullify The effect of शाह बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1985, हाँ, वीडियो अवेलेबल रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, वीडियो अवेलेबल रहेगा, पहले के भी वीडियोस हैं यहाँ पे। ठीक है? अब सुनिए, यहाँ पे जब शाह बानो का केस आया, उसका जजमेंट आया, तो मुस्लिम कम्युनिटी गॉट अनहैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी कि हमारा जो पर्सनल लॉ है, ठीक है तेजेश कुमार जी, ठीक है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये लॉ पसंद नहीं आया। अब वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इस जजमेंट का हम कर दें इफेक्ट कम। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन। स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना किसी को? ठीक है, हाँ, तेजेश कुमार जी, मैंने आप ही को रिप्लाई किया था कि ये जो वीडियो है वो रहने वाला है, कहीं भी नहीं जाएगा। ओके, ठीक है मैम, मुस्लिम लॉ में भी मेंटेनेंस प्रोविजन है? हाँ, बिल्कुल है गौरव जी, बिल्कुल है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1987, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1987 का, सॉरी 86 का केस है। ठीक है, 86 का ये केस है। तो इस मामले में, शाह बानो के मामले के बाद ये आपका एक्ट इनैक्ट हुआ। क्या हुआ? ये एक्ट इनैक्ट हुआ और इसमें सेक्शन नंबर 3(1) में क्या बोला कि मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस मिलेगा ओनली टिल इद्दत पीरियड, ओनली टिल इद्दत पीरियड मुस्लिम विमेन को क्या मिलने वाला है, मेंटेनेंस मिलने वाला है। अंडरस्टूड। अब शाह बानो, अब आपको पता है जैसे जब हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 368 की बात करते हैं ना, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जब बात करते हैं, दैट इज योर पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, ये टसल हमेशा से चलती आई है, वैसे की वैसी टसल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुना दिया तो यहाँ पे आ गया पार्लियामेंट एक नया लॉ लेके कि नहीं, यहाँ पे टिल इद्दत पीरियड ही हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को रखने वाले हैं, ओनली टिल इद्दत पीरियड। ठीक, क्लियर है ये चीज। तब जाके उसके बाद ये जजमेंट वापस, ये जो आपका एक्ट है ये चैलेंज हुआ। ये कौन से केस में चैलेंज हुआ? एनीवन? हाँ जी, अंडरस्टूड। तो यहां पे जब ये एक्ट आ गया, इस एक्ट को आपके डैनियल लतीफी के केस में क्या किया गया, चैलेंज किया गया। वेरी गुड श्रेय जी, हिमानी जी। डैनियल लतीफी के केस में इसको चैलेंज किया गया और उसके बाद हालांकि देखो जब डैनियल लतीफी में इसको चैलेंज किया गया तो इस पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया, इस पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया, रादर इस सेक्शन 3(1) में जो इद्दत पीरियड था उसको ही रिमूव करने को बोल दिया, उसको ही क्या कर दिया, रिमूव करने को बोल दिया, ये बोलते हुए कि ये फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। तो जब इस इद्दत पीरियड वर्ड को ही रिमूव कर दिया तो नाउ दिस एक्ट बिकेम मोर फेवरेबल देन 125 CRPC, क्योंकि 125 CRPC में जाने के लिए इस एक्ट में और इन्होंने प्रतिबंध लगाया। पता है क्या प्रतिबंध लगाया इसमें? इसका एक सेक्शन 5 है जो कि ये कहता है कि अगर एक मुस्लिम विमेन 125 CRPC में जाके मेंटेनेंस मांगना चाहती है, प्रोवाइडेड हस्बैंड उसके लिए हाँ करे, हस्बैंड उसके लिए हाँ करे। एंड नाउ यू ओनली टेल मी द क्वेश्चन इज दैट व्हाई विल अ हस्बैंड एग्री टू बी गवर्न्ड बाय 125 CRPC? हस्बैंड खुद कभी हाँ नहीं बोलेगा कि चलो चलो 125 CRPC में चलते हैं। और 125 CRPC में जाने के लिए इस एक्ट ने बोला है कि हस्बैंड ने खुद भी सहमति देनी चाहिए कि ओके मेंटेनेंस आपको चाहिए, वाइफ जा रही है 125 CRPC में, मैं एग्री करता हूं कि हम दोनों 125 CRPC से गवर्न होंगे। कोई भी हस्बैंड इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 के केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड इद्दत पीरियड था वही रिमूव कर दिया, बोले कि नहीं इसको रिमूव कीजिए, आप इस वर्ड को ही रिमूव कीजिए। अब ये जो एक्ट है वो 125 CRPC से भी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें। और डैनियल लतीफी में एक बार वापस से बोला गया है दैट आफ्टर इद्दत पीरियड ऑल्सो विमेन इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, इद्दत पीरियड के बाद भी विमेन क्या होगी, आपके मेंटेनेंस के लिए एंटाइटलमेंट रखने वाली है। ठीक है, ओके, राइट। एज पर मुस्लिम लॉ इद्दत तक ही मेंटेनेंस मिलता है, बट CRPC में पर्सनल लॉ। हाँ जी, देखो CRPC में कोई आपको टाइम पीरियड नहीं बोल रखा है, CRPC को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुस्लिम आया है कि हिंदू आया है कि कौन आया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए मेंटेनेंस मेंटेनेंस है। दैट इज डाइवोर्स विमेन एक मेंटेनेंस मांग सकती है। क्लियर है ये चीज, ओके। बट उसके लिए जरूरी है कि आपका हस्बैंड रेडी हो कि हम 125 CRPC से गवर्न होंगे, ऐसा हस्बैंड कोई राजी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ये जो वर्ड है ये इसको स्ट्रक डाउन करो, इद्दत पीरियड को। तो नाउ दिस एक्ट इज मोर फेवरेबल देन 125 CRPC प्लस इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं घोषित किया गया, ये एक्ट आज भी है। अंडरस्टूड। तो 2 एक्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक एक्ट हमने कौन सा पढ़ा था? एक एक्ट हमने पढ़ा था आपका मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जहां पे तलाक के बारे में पढ़ के आए। इस एक्ट में किसके बारे में पढ़ के आए? मेंटेनेंस के बारे में पढ़ के आए। एक 2019 का ट्रिपल तलाक का एक्ट पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके। हस्बैंड देगा गौरव जी, हस्बैंड देगा ना, वो मेंटेनेंस जिससे मांग रही है वही देगा, हस्बैंड देगा यहाँ पे मेंटेनेंस 125 में। ठीक है गौरव जी, चलिए आगे चलेंगे। अब हम मेंटेनेंस का प्रोविजन हम डील कर चुके हैं। नाउ वी आर फटाफट से गोइंग टू डिस्कस विद योर हिबा। हिबा क्या होता है? दैट इज गिफ्ट। गिफ्ट कौन दे सकता है, किसको दे सकता है? ध्यान रहे जब भी हम यहाँ पे गिफ्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूवेबल भी हो सकती है प्रॉपर्टी और इमूवेबल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें पहले इसकी कंडीशंस डिस्कस करनी पड़ेगी कि क्या इसकी वैलिड कंडीशन है। तो पहला है कि ऑफर होना चाहिए, इस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके बाद डिक्लेरेशन होना चाहिए एंड थर्ड थिंग इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि किसी चीज का यहाँ पे गिफ्ट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? हाँ गौरव जी, तो यही तो बोल रहे हैं ना हम कि मुस्लिम लॉ में इद्दत पीरियड तक ही प्रोविजन है, लेकिन इस एक्ट के लिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है डैनियल लतीफी केस में कि आफ्टर इद्दत पीरियड भी मेंटेनेंस मिलना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अब हमें डिस्कस करना है, देखो ये तीन चीजें हैं, ऑफर होना चाहिए, उस गिफ्ट को एक्सेप्टेंस करना चाहिए, आपके डोनर ने क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस के बाद डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि ऐसा जो गिफ्ट है वो हो रहा है। Now you see, we need to see the capacity of donor. डोनर की कैपेसिटी पता होनी चाहिए ना हमें कि डोनर केपेबल है कि नहीं है। डोनर कैसा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। डोनर कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए एंड डोनर शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उसको एंटाइटलमेंट होना चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करने का, तब तो वो कर पाएगा। साथ ही साथ डोनर की यहाँ पे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आप उसको मजबूर करके गिफ्ट नहीं ले सकते हो। व्हेन वी कम टू कैपेसिटी ऑफ डोनी, डोनी कौन? जिसको आपने गिफ्ट दिया, उसमें कौन आएगा? ही कैन बी एनी पर्सन। ध्यान रहे वो मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, वो मेजर भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, वो साउंड माइंड भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। अंडरस्टूड? तो डोनी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हो सकता है। नाउ व्हेन वी कम टू सब्जेक्ट मैटर, किसके ऊपर आते हैं? सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर में क्या अनिवार्यता है? सब्जेक्ट मैटर में ये प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल भी हो सकती है, साथ ही साथ वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये पर्सन कौन होना चाहिए? एग्जिस्टेंस में होना अनिवार्य है। क्लियर? ये है आपके गिफ्ट के मामले में चीजें। अब गिफ्ट देखो दो तरीके के होते हैं, एक है हिबाबा इल इवाज, ठीक है, एक है आपका हिबा बिल इवाज और दूसरा है हिबाब शरत उल इवाज। इसका मतलब क्या हुआ? गिफ्ट आपके दो तरीके के हैं। जब मैं गिफ्ट की बात करूं, गिफ्ट दो तरीके के हैं, एक है हिबा बिल एवज, हम बोलते हैं ना इसके एवज में हमें ये चीज दे दो, दूसरा है हिबा बिल शरत उल एवज। सिंपल सा मतलब है एवज मतलब, एवज मतलब इन कंसिडरेशन ऑफ, कंसिडरेशन में आपको यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है। एंड शरत उल इवाज मतलब यहाँ पे मैम कोई कंडीशन लग रही है, वो कंडीशन अगर फुलफिल हुई, वो कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो उस केस में ही हम क्या कर सकते हैं, उस केस में ही हम उस गिफ्ट को वैलिड माने। देखो ये कंडीशन हो सकती है रिटर्न की भी कि मैम 4 साल के लिए मेरी गाड़ी जो है मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, प्रोवाइडेड 4 साल बाद आपने आप जो ये गाड़ी है मुझे वापस दोगे, वापस दोगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? यस, अरैयत एंड सदका भी है, बिल्कुल है। अब देखो अरैयत क्या होता है? अरैयत इज अ गिफ्ट ऑफ द राइट टू यूज द प्रोडक्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए ही आप अरैयत में प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। सदका में होता है कि रिलीजियस गिफ्ट, क्या होता है? एक होता है आपका अरैयत और एक होता है सदका। अरैयत ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। सदका होता है आपका रिलीजियस गिफ्ट, रिलीजियस गिफ्ट। शरत बिल एवाज में कंसिडरेशन होता है, मैं आपके लिए कुछ कार्य कर रही हूँ, आपके लिए वो कंसिडरेशन रहा, इसलिए आपने मुझे गिफ्ट दे दिया, है ना, ठीक है। मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, अच्छा खासा पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए मैंने आपको नोट्स वगैरह दे दिए, आप खुश हो गए, तो आपने क्या किया, अपनी कोई भी लैपटॉप फोन वगैरह था मुझे दे दिया, तो दैट बिकम्स अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बदले आपने मुझे कुछ गिफ्ट दिया। हिबा शरतुल इवाज में आपने कंडीशन पे दिया है कि इतने टाइम पीरियड के बाद मैम आपको ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हो गए हैं आपके दो टाइप के गिफ्ट्स। अब देखो, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता है, गिफ्ट को भी रिवोक किया जा सकता है, गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है अगर डोनर या डोनी डेड हो चुका है आपके एक्सेप्टेंस से पहले, तो यहाँ पे आपका गिफ्ट क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, ठीक है। यस, रिटर्न गिफ्ट वाला एंड सशर्त दान, ठीक है, राइट दीपक जी, वेरी गुड। चलिए अब देखो, वॉइड गिफ्ट कब होगा, वॉइड गिफ्ट कब होगा, वॉइड गिफ्ट तब होगा जब आपने कोई फ्यूचर गिफ्ट दिया है कि मैम आज से 10 साल बाद मैं आपको ना अपनी कार गिफ्ट करूंगा, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। या फिर कंटिंजेंट गिफ्ट दिया, कंटिंजेंट गिफ्ट में क्या हो जाएगा, ये कंटिंजेंट गिफ्ट ये कंडीशन वाला नहीं है, इसका मतलब है कि कोई इवेंट के हैपन होने पे आप बोल रहे हो कि मैम मैं ये गिफ्ट दूंगा, ठीक है, कोई कंटिंजेंसी पे डिपेंड कर रहा है, कोई इवेंट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर अगर हमारा गिफ्ट डिपेंडेंट है, ऐसा गिफ्ट नहीं दे सकते। मैम अगर राजस्थान में बाढ़ आई ना तो मैं अपनी ज़मीन आपको दूंगा, फिर आप पढ़ा तो पाओगे नहीं, तो एक काम करना, खेतीबाड़ी करना और अपना कमाना, ठीक है, क्लियर है। मैम अगर लॉकडाउन हुआ तो मैं अपना खेत दूंगा, फिर मैं अपनी खेती करना, ना, ऐसा कंटिंजेंसी अलाउड नहीं है, क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। अब गिफ्ट के बाद हम शायद डिस्कस करने वाले हैं आई गेस, अच्छा, मर्ज उल मौत के बारे में आप सबको पता है। मर्ज उल मौत क्या होता है, मर्ज उल मौत एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि जिस वक्त पर्सन इज अंडर एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कि मेरी डेथ हो सकती है, या फिर मैं कहूं तो दिस इज योर डेथ बेड गिफ्ट। उसको ऐसा लगता है कि भैया उसकी मृत्यु हो सकती है आज, तो जब उसको ऐसा एप्रीहेंशन है कि डेथ हो सकती है, तो उस डेथ के कंटेम्पलेशन में अगर उसने गिफ्ट किया तो मर्जुल मौत ये तभी वैलिड होगा, ये तभी वैलिड होगा जब डोनर की डेथ हुई हो, जब डोनर की डेथ हो जाए। मान लीजिए मर्जुल मौत किया, उसको लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इलनेस, सिवियर सिकनेस है उसको, अब उसको लग रहा है कि शायद वो मर जाएगा, लेकिन नहीं मरा, मान लो जी गया, तो वैलिड नहीं होगा, फिर वो तो वैलिड नहीं होगा, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ है, उस मामले में आपकी डेथ होनी चाहिए, तब तो वो आपका गिफ्ट वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। दीपक जी बोल रहे हैं मैम मौत आई और ये आई नहीं आ रही है अभी तो फिलहाल जीवित हैं। स्मित जी काफ़ी देर से बोल रहे हैं मैम पानी पी लो, तो पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा, मूसा क्या होता है, इनडिविजिबल प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा का मतलब है इनडिविजिबल, आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो देखो ऐसी प्रॉपर्टी को आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ये है आपका मूसा का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कोई इनडिविजिबल प्रॉपर्टी है जिसमें आपका राइट है, तो आप उसको गिफ्ट या वसीयत या कुछ भी जो है नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपका वो पार्ट वहां से सेपरेट नहीं हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा आपका छोटा सा कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। चलेंगे फटाफट वसीयत पे। शादी हो गई, डावर हो गया, तलाक हो गया, हमने गिफ्ट भी पढ़ लिया, अब मान लो कोई गिफ्ट के योग्य भी नहीं दिख रहा है तो वसीयत करके देख लेते, क्या पता प्रॉपर्टी बहुत है व्यक्ति के पास, तो उसका मन हुआ कि वो करेगा वसीयत। वसीयत हमारे हिंदू लॉ में क्या बोलते हैं, विल, विच इज गवर्न्ड बाय योर इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है। वसीयत में हमारा मुस्लिम पर्सन जो है वो क्या कंप्लीट प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकता है? क्या आपका एक पर्सन जो मुस्लिम पर्सन है वो कंप्लीट प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। वो कंप्लीट प्रॉपर्टी को कभी भी वसीयत नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है। यस और नो, यस और नो। वसीयत वो कभी भी कंप्लीट प्रॉपर्टी का नहीं कर सकता है। वेरी गुड दीपक जी, सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी को वो वसीयत कर सकता है। मुस्लिम लॉ का ये मानना है कि अगर आपके नेक्स्ट हेयर्स हैं, नेक्स्ट आपकी जनरेशन है, तो प्लीज डू नॉट डिबार दैट जनरेशन फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी राइट्स। आपकी वो जनरेशन है, आपका वो खून है, तो कहीं ना कहीं उनका राइट बनता है कि वो अगली जो जनरेशन है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ चीजें रखनी ही रखनी पड़ेगी। ऐसा मुस्लिम लॉ का एक अच्छा सा कंसेप्ट है ना। हिंदू लॉ में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बोलता है उल्टा कि अगर अडॉप्शन भी कर लिया तो आपके पेरेंट्स जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है आप उनको डिबार नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी को बाय विल डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जबकि ये बोलता है 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी के बाद आप क्या नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द कंडीशंस, कमिंग टू कंडीशंस, यहां बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ। देखो जब भी वसीयत की बात करते हैं वहां पे दो आपके पार्टीज होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कौन, टेस्टेटर, एक होता है आपका लेगेटी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर में बोल सकती हूँ, टेस्टेटर कौन होता है, एनी स्टूडेंट। दूसरा है कैपेसिटी ऑफ लेगेटी। तीसरा हम यहां डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर। क्लियर, क्या डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट मैटर। यस, उत्तराधिकार रोड पर नहीं। वेरी गुड दीपक जी। टेस्टेटर वो होता है जो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे विल बना रहा है। एम आई राइट इन सेइंग दिस, यस और नो, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट। हु कैन मेक अ विल। मैं यहाँ लिखती हूँ, सही लगता है आप लोगों को? मेरे को सच में ये जानना है दैट इफ आई राइट, Are you comfortable with me writing over here, or you want me to get typed and then let you people make you understand that thing? What I understand is, आप बता सकते हैं, who will make a will or a legacy, right? Good Shishir जी, Gitanjali जी, who is dying after making will, ठीक है, सही चल रहा है ये, writing is better, because what I believe is जो साइकोलॉजी वो जो मुझे समझ आती है ये होता है, इफ आई गेट एवरीथिंग टाइप्ड योर एक्साइटमेंट गेट्स ओवर। क्या रहता है स्टूडेंट के सामने जब चीजें लिखी हुई आती है, बिकॉज टुडे इफ आई एम ऑल्सो सीइंग अ लेक्चर, फॉर एग्जाम्पल क्या आई सी सम लेक्चर्स, ओके, वहां पे ऑलरेडी कोई चीज लिखी हुई है, तो मेरा माइंडसेट बेसिकली ऐसा हो जाता है कि अच्छा टीचर बोलता रहेगा, मैं पहले इसको पढ़ लेती हूँ। तो उस केस में जो एक्साइटमेंट टू नो मोर कि आगे अब क्या आने वाला है वो खत्म हो जाता है बेसिकली, एंड यू रीड इट एंड यू गेट टू सी, अच्छा चलो ठीक है समझ आई गया ना, अब क्या ही सुनना टीचर को, ठीक है, अंडरस्टूड। साथ ही साथ क्या रहता है, दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप लोग भी साथ साथ में बनाते रहो तो महसूस होगा कि भैया ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो आई बिलीव दैट थिंग इज वेरी मच बेटर। बाकी आपको लिंकिंग लॉस की वेबसाइट पे नोट्स कुछ देखने को मिल जाएंगे किस तरीके से चार्ट्स का नोट्स आपको बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो बुक्स हैं, प्रिंट आउट्स वगैरह, उन सब में तो फिर आपको ऐसा टाइप किया हुआ ही मिलेगा। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन रिगार्ड्स टू माई पर्सपेक्टिव कि मैं एज अ स्टूडेंट भी पढ़ती हूँ, तो मुझे एज अ स्टूडेंट क्या चीज़ ज़्यादा जमेगा, तो वो सस्पेशन जो है वो खत्म हो जाता है जब कुछ लिख के लाया जाता है और जब टीचर लिखता है। जब हम लोग भी स्कूल में होते थे अच्छा लगता था ना, जो टीचर लिख रहा है वहाँ बैठ के हमको सॉल्व करवा रहा है, वो दिन अच्छे होते थे, ठीक है, क्लियर है। और ये बोर्ड किस लिए लगाया, लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। बाकी क्वेश्चन तो टाइप आते ही हैं। जहाँ लग रहा है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका लिखने में या फिर कुछ एक्सप्लेन करने में, वहाँ ज़रूरी है कि फटाफट से टाइप करके ले आओ, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलो आगे चलेंगे। कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर क्या होनी चाहिए, तो भैया टेस्टेटर ने मेजर होना चाहिए, टेस्टेटर ने साउंड माइंड का होना चाहिए, टेस्टेटर ने ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेम जो हम गिफ्ट में पढ़ के आए थे, अंडरस्टूड। कैपेसिटी ऑफ लेगिटी सेम चीज, कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पे एक मुस्लिम व्यक्ति नॉन मुस्लिम को भी प्रॉपर्टी दे सकता है, माइनर को भी दे सकता है, मेजर को भी दे सकता है, इनफैक्ट अनबॉर्न पर्सन को भी दे सकता है, अनबॉर्न पर्सन को भी यहाँ पे अगर उसने वसीयत किया तो वो वैलिड है, प्रोवाइडेड कि अगर सुन्नी लॉ का मामला है और शिया लॉ का है तो अलग है। अनबॉर्न को अगर उसने क्या किया, वसीयत किया, तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग उस अनबॉर्न पर्सन ने 6 मंथ्स में बर्थ ले लेना चाहिए और शिया लॉ के अकॉर्डिंग उसने 10 मंथ्स में बर्थ ले लेना चाहिए। यहाँ से प्री का सवाल बन सकता है, ठीक है, यहाँ से प्री का सवाल बन सकता है, ठीक है। ज्योति जी, गीतांजलि जी, राइट, शायरा जी, हिमानी जी, फरद जी, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सुन्नी लॉ में एटलीस्ट 6 मंथ्स में अनबॉर्न पर्सन ने बर्थ में आ जाना चाहिए, शिया लॉ में विद इन 10 मंथ्स में उसने क्या हो जाना चाहिए, बर्थ में आ जाना चाहिए। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लास टाइम प्लीज स्पीक एवरी डे कनेक्ट। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रभाती नायक जी, मैं आपको बता दूं, मंडे यूट्यूब होता है मेरा। कब होता है? मंडे यूट्यूब होता है 10 AM। डेली बेसिस पे तो यूट्यूब नहीं होता है मेरा, ठीक है, कभी ऐसे हफ्ते में एक आध लगा तो हो सकता है, अदरवाइज आप मुझसे कनेक्ट कैसे होंगे? आपको एक ग्रुप मिलेगा, दैट इज लिंकिंग लॉज शिवानी सोलंकी करके ग्रुप है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां मैं आपको एडमिन दिख जाऊंगी, वहां से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी का लिंकिंग लॉज का ग्रुप चैनल है, सॉरी, लिंकिंग लॉज अनअकैडमी का क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जरूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी की कंप्लीट टीम के सारे नोटिफिकेशंस जो है इस ग्रुप पे आपको, आई मीन टू से नॉट ग्रुप, दिस इज चैनल, हमेशा मुंह से ग्रुप ही निकलता है क्योंकि ग्रुप ही ज्यादा बनते हैं, चैनल है ये, तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। तो वहां पे आपको सारी अपडेट्स, डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्लास हो रही है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे हो सकता है कम क्लासेस हो, लेकिन स्पेशल क्लासेस बहुत लगती हैं। इस वीक में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होने वाली है मेरी साइड से, मुस्लिम लॉ को लेके मैराथन्स होने वाली है अच्छी खासी। अभी 1 बजे लेने वाले हैं हम लोग 1 PM पे, पर लग रहा है 1 PM की जो क्लास है थोड़ी हो सकता है आगे निकलेगी, हो सकता है 1:30 बजे वो क्लास मैं कंडक्ट करूं। जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे अगली क्लास हम वहीं पर लेंगे, अंडरस्टूड, क्लियर है ये चीज़। अब अगला बताएंगे, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या लेना है, ठीक है। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। आप सभी लोग बता सकते हैं, माइनर लॉ के सेगमेंट में जो मेरी साइड से फॉल करेगा वो मैं डेफिनेटली ले लूंगी। कमेंट सेक्शन में आपको यही बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही, किस तरीके से आपको और चीज़ें चाहिए, उस तरीके से आपका एडुकेटर और पूरी अनअकैडमी टीम वर्क करेगी, ठीक है, क्लियर है। तो आप बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, जो सब्जेक्ट डिमांड में ज़्यादा रहता है फिर हम उस सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा वर्क करेंगे, अंडरस्टूड, क्लियर है। ओके, सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट मैटर कैसा हो सकता है? एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर आपका एग्जिस्टेंस में है ही नहीं उसका आप वसीयत बना ही नहीं सकते हो। ये सब्जेक्ट मैटर कॉर्पोरियल भी हो सकती है या इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। कॉर्पोरियल या इनकॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपकी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल किसी भी प्रकार की हो सकती है, अंडरस्टूड, और कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं दे रखा है आपके वसीयत बनाने का। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा राइटिंग में करो, इट कैन बी डन इन ओरल और रिटन फॉर्मेट ऑल्सो। कोई पर्टिकुलर आपको वसीयत का यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बता रखा है, कोई पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के बारे में नहीं बता रखा है, क्लियर। तो ये आपके वसीयत से रिलेटेड है। अब एक बात सुनिए, हमने बोला सिर्फ 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं हम, वसीयत बना सकते हैं, लेकिन जब आपके टेस्टेटर की डेथ हुई तो उस वक्त अगर उसके हेयर्स ने कंसेंट दिया, अगर उसके हेयर्स ने कंसेंट दिया, देन इन दैट केस होल ऑफ द प्रॉपर्टी को वसीयत किया जा सकता है। लेकिन अगर हेयर्स ने मना कर दिया है, मान लीजिए पिताजी की मृत्यु हुई, वो होल ऑफ द प्रॉपर्टी को क्या करके चले गए, वसीयत करके चले गए। अब जब उनकी डेथ हुई तब जब पता चला कि अच्छा पिताजी तो पूरी प्रॉपर्टी का वसीयत करके चले गए, तब हेयर्स बोल सकते हैं नहीं पूरी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ही जाएगी। और मान लीजिए हेयर्स ने बोल दिया अच्छा चलो ठीक है पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी जाने दो वसीयत में, तो जा सकती है, लेकिन ओनली ऑन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर आपके हेयर्स को कंसेंट देनी पड़ेगी, क्लियर है ये चीज। ओके, थैंक यू मृणाल जी। माई यंगर चाइल्ड ऑल्सो वॉचेज योर क्लास, क्या बात कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे। आपको पता है अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई, उनका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। बोलता है मैम वो आपकी क्लास देखता है। मैंने अच्छा, और बोलता है कि आपको मिर्ची मैम बुलाता है। मैं कमाल है, हाँ इतना प्यार से बोलते हैं। बोलते हैं कि मैम आपको मिर्ची मैम बुलाता है। मैंने हाँ वो अलग बात है कि हमको ये नाम स्कूल से ही मिल चुका था, पर स्टूडेंट भी बोल रहा है, मतलब स्टूडेंट का छोटा सा बच्चा है वो बोलता है। मैं चलो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे भी क्लास देखते हैं, देखना चाहिए, ठीक है। डीजेस एग्जाम दैट्स वाई टॉट का क्लास कंडक्ट, ठीक है कौशिक जी, टॉट के लिए मैं देखती हूँ, ठीक है क्लियर। बाकी देखो जो सब्जेक्ट सर ने दे दिए हैं वो हम सारे सब्जेक्ट्स टीम अकॉर्डिंगली उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीपीसी सीआरपीसी जितने भी आपके मेजर लॉज होते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ तनसुख सर डील करते हैं और वही आपको बहुत अच्छी तरीके से टिक्स ट्रिक्स टेक्निक्स और बता देंगे, ठीक है। चलिए वसीयत का हमने जो फंडा है यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। ध्यान रहे आपको वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये प्री में जबरदस्त सवाल आता है हर साल, ठीक है। वसीयत को रिवोक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वसीयत को रिवोक नहीं किया जा सकता है, वसीयत का रिवोकेशन हो सकता है। 2 तरीके से हो सकता है, एक है एक्सप्रेस वे, दूसरा है इम्प्लाइड वे। आपको पता है ना वसीयत आप कितनी बार भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्रेस वे में यू हैव टू टेयर आउट दी वसीयत, आपको उसको फाड़ना पड़ेगा, वसीयत को फाड़ दीजिए, यू हैव टू टीयर आउट दी पेपर। इम्प्लाइड में क्या होगा, इम्प्लाइड में मान लीजिए अगर मौखिक रूप से ही आपने वसीयत की है तो इम्प्लाइड रूप में आपको कोई ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जो कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट विद प्रायर विल। जो पहले विल बनाई थी उसके इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने संदीप जी को उसको क्या कर दिया, विल कर दिया। अब जब विल कर दिया मैंने उनको ओरल फॉर्मेट से, फिर मुझे लगा नहीं मैं तो संदीप जी को अपनी प्रॉपर्टी जो है वसीयत में नहीं दूंगी, तो मैंने उसके इनकंसिस्टेंट कोई एक्ट किया। मैंने क्या किया, मैंने दीपक जी को वो विल दे दी, दीपक जी के नाम पे वो विल बना दिए, या दीपक जी को बोला नहीं दीपक जी आप ज़्यादा अच्छे हो, आप ज़्यादा स्टूडियस हो, मुझे लग रहा है मेरी प्रॉपर्टी मैं आप ही को दूँ, आपके नाम पर वसीयत। तो वहां पे मैंने पहले वाली प्रॉपर्टी जो कि हमारे संदीप जी के नाम पे थी उसके इनकंसिस्टेंट कोई ऐड करके दीपक जी को वो प्रॉपर्टी दे दी है, तो उस केस में आपकी वो इम्प्लाइड रिवोकेशन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इम्प्लाइड रिवोकेशन हो जाएगी, ठीक है। चले आगे, तो यहाँ पे हमने वसीयत का मामला पूरा कर लिया है। अब हमारे सामने बचता है गार्डियनशिप, गार्डियनशिप बचेगा, हिजानत बचेगा, एंड देन एक फाइनल छोटा सा एक्ट हमारे पास रहेगा। जब हम बात करते हैं गार्डियनशिप की, अच्छा सक्सेशन भी है हमारे पास, यस यस सक्सेशन भी है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस संदीप जी होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से बेसिकली अपूर्व मैम डील करती हैं, और क्लासेस लगवाएंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस की, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके एक स्टेट जुडिशरी में आता है, इनफैक्ट यूजीसी नेट में भी आता है। और देखो बिहार का जब आएगा ना एग्जाम, बिहार में बहुत सारी चीज़ें आती है, कंपनी लॉ है और न जाने कितनी कितनी चीज़ें हैं। प्री में तो आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है, वहाँ पे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ सब कुछ पढ़ के जाना है। मेंस में यू हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है क्लियर है। हाँ आ गए हम गार्डियनशिप पे चंचल जी, ठीक है गार्डियनशिप में डिस्कस करते हैं। गार्डियनशिप में अगर आपको पता है तो हमने हिंदू लॉ के वक्त क्या पढ़ा था, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में गार्डियन वहाँ कौन, कितने प्रकार के, 3 गार्डियन, नेचुरल गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। सेम यहाँ पे है, ठीक है कैसा है, सेम यहाँ पे है। तीन प्रकार के यहाँ पे भी हमें गार्डियन दे रखे हैं। पहला गार्डियन जो हमारे पास यहाँ है दैट इज योर नेचुरल गार्डियन, दूसरा कौन है हमारे पास यहाँ, टेस्टामेंट्री गार्डियन, तीसरा है गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। जब मैं बात करूं कि गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट दैट मींस यहां पे काजी अपॉइंट करता है। काजी कौन होता है, जैसे हमारे हिंदूज में पंडित जी वगैरह होते हैं वैसे वहाँ पे काजी होते हैं, जो कि आपके मुस्लिम लॉ से भली भांति परिचित होते हैं, काफ़ी सारा उनको मुस्लिम लॉ का पूरा नॉलेज होता है। तो वहाँ पे काजी साहब जिसको एज अ गार्डियन अपॉइंट कर दे वो माना जाता है गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। नेचुरल गार्डियन में मुस्लिम लॉ में हमेशा फादर को सबसे पहले माना गया, किसको माना गया है, फादर को सबसे पहले माना गया है, उसके बाद ग्रैंड फादर को माना गया है, उसके बाद ग्रैंडफादर को माना गया है। मदर को मुस्लिम लॉ में गार्डियन नहीं माना गया है। हाँ जी हिंदू लॉ पूरा हो चुका है, हिंदू लॉ पूरा हो चुका है। हिंदू लॉ का ना मृणाली जी, मैं आपको बताऊं, हिंदू लॉ हमने लिया था 17 जनवरी को। 17 जनवरी को कंप्लीट हिंदू लॉ की क्लास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देखिएगा, कंप्लीट हिंदू लॉ वहाँ पे हो चुका है। तो उस चैनल, उस सेक्शन को जाके ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद टीपी एक्ट भी हो चुका है 21 मार्च को। अब ये मुस्लिम लॉ, देखो कुछ कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनकी स्टूडेंट्स को काफ़ी आवश्यकता है, जो कि एक ही स्ट्रोक में डिमांड करता है, तो फिर हम उसको एक ही स्ट्रोक में लेंगे। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो नेचुरल गार्डियन हमेशा फादर होता है, ग्रैंडफादर होता है। मुस्लिम लॉ में कभी भी मदर को उन्होंने गार्डियन माना ही नहीं। इनफैक्ट मदर को बोला कि हम मदर को कस्टडी देंगे, एक चाइल्ड की कस्टडी हमेशा मदर के पास रहेगी, और इसको बोला जाता है हिजानत। क्या बोला जाता है? हिजानत बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला फादर रहेगा, उसके बाद ग्रैंडफादर रहने वाला है। शिया और सुन्नी में सेम मामला है। टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है? टेस्टामेंट्री गार्डियन वो जो कि आपके फादर साहब टेस्टामेंट में लिख के चले जाएं, मृत्यु होने से पहले टेस्टामेंट्री तरीके से वहां पे किसी को गार्डियन को अपॉइंट करके चले जाए। और अगर इन्होंने अपॉइंट कर दिया कोई टेस्टामेंट्री गार्डियन, लेकिन अभी भी ग्रैंडफादर है ना, तो ये टेस्टामेंट्री गार्डियन, आप रुक जाइए, अभी आप गार्डियन नहीं बनोगे, अभी पहले ग्रैंडफादर एक्ट करेंगे, और ग्रैंडफादर के बाद ही आप क्या बन सकते हो, यहाँ पे उसका टेस्टामेंट्री गार्डियन बन सकते हो। ठीक है? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लीट नहीं हुआ खुशबू जी, रेगुलर बैच में चल रहा है, अभी आज ही शुरू किया है। आप यहाँ पे बोल रहे हो क्या डोमेस्टिक वायलेंस? यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आज से ही शुरू किया है। ठीक है? ओके, क्लियर है गीतांजलि जी। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे गार्डियन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एक बच्चा क्या है, माइनर है। अब वो माइनर है, उसके एजुकेशन से रिलेटेड, उसके वेलफेयर से रिलेटेड, उसके अपब्रिंगिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, यहाँ पे फादर साहब उसका डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, हिजानत किसके पास रहेगा, उसकी माताश्री के पास हमेशा उसका हिजानत रहने वाला है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे नेचुरल गार्डियन सबसे पहले फादर, उसके बाद ग्रैंडफादर। अगर फादर नहीं है तो अगर फादर कोई टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करके गए, वो तब तक नहीं बनेगा जब तक ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर के बाद ही ये टेस्टामेंट्री गार्डियन बनेगा, ये भी नहीं है। काजी साहब अपॉइंट करेंगे अब नया गार्डियन उस पर्सन के लिए। ठीक है? ओके, क्लियर है ये चीज? अंडरस्टूड? अब आएंगे हिजानत पे। ध्यान रखेंगे, यहां पर भी गार्डियन वही सारे एक्ट्स कर सकता है जो कि एक चाइल्ड के वेलफेयर के लिए जरूरी है। उसके अलावा कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकता है जो कि चाइल्ड के वेलफेयर के लिए आवश्यक नहीं था। देयर वाज नो लीगल नेसेसिटी। बिना जबरदस्ती के आप उसकी प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अभी मैंने बोला कि गार्डियनशिप उसके फादर के पास रहेगी, लेकिन कस्टडी किसके पास रहेगी, हिजानत किसके पास रहने वाला है, हिजानत रहने वाली है मदर के पास। हमेशा एक मदर के पास हिजानत रहेगा। क्या पूरी लाइफ टाइम तक मदर के पास रहेगी क्या उसकी ये कस्टडी? आंसर इज नो, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है? मैम ग्रीन कलर यूज कर लिया, अब आपने दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हिजानत का मतलब है अकीरा जी कस्टडी। मैं पर्सन हूं, ये मेरी पूरी बॉडी है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बॉडी की कस्टडी। ठीक है? मैं साक्षात किसके पास रहूं? ठीक है? उस छोटे बच्चे को संभालना है, तो उसके शरीर का जो प्रॉपर आप कह सकते हो पोजेशन, वो मदर के पास रहता है, वो होता है हिजानत। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी पर्सन को कस्टडी में ले लिया, मतलब उस पर्सन का फिजिकल पोजेशन आपने जेल में रखे है, उस पर्सन की कस्टडी आपने कहीं रखी, जैसे बोलते हैं पुलिस कस्टडी में हो आप, मतलब वो व्यक्ति वहां बंद है, समझ गए? वैसे के वैसे कस्टडी की जब हम बात करते हैं तो मतलब उसका साक्षात शरीर, वो पर्सन फिजिकली किसके पास रहेगा, मदर के पास रहेगा। समझ आया अकीरा जी? ठीक है? क्लियर है ये चीज? सिर्फ नो लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। ठीक है? नो, सिर्फ और सिर्फ मदर के पास रहेगी। मदर के अलावा क्या यहाँ पे रह सकती है? मदर के अलावा फादर के पास जा तो सकती है, लेकिन बीच में आती है एक लिस्ट ऑफ फीमेल्स, एक लिस्ट ऑफ फीमेल्स आती है। अगर ये फीमेल्स नहीं है तो फादर के पास जाएगी। सबसे पहले किसके पास जाएगी? मदर के पास। अगर मदर नहीं है तो यहाँ पे इन फीमेल्स के पास जाएगी। अगर ये फीमेल्स नहीं है तो ही फादर के पास यहाँ पे वो कस्टडी जाने वाली है। तो लेट्स कम टू द लिस्ट जो कि मेंशन करती है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है? ये रही आपकी वो लिस्ट। ये देखो मैं रीड आउट करके बताऊंगी, अच्छे से सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब सुनो, अदर फीमेल्स राइट आफ्टर दी मदर, हिजानत जो है माइनर चाइल्ड की वो किसके पास जाएगी? उस केस में मदर्स मदर हाउ हाई सो एवर, मदर्स मदर मतलब नानी जी के पास जाएगी, फादर्स मदर दादी जी के पास जाएगी। फुल सिस्टर, फुल सिस्टर उस चाइल्ड की कोई फुल सिस्टर है तो उसके पास जाएगी। यूटेराइन सिस्टर, अब यूटेराइन, फुल, हाफ ब्लड ये सब क्या होता है, ये हिंदू लॉ में हम पढ़ के आए थे। यूटेराइन का मतलब क्या होता है? यूटेराइन का मतलब सेम मदर है लेकिन डिफरेंट फादर है। यूट्रस सेम है मतलब जो दो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी मदर तो सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फादर से अगर वो पैदा हुए तो वो हो जाता है। रंजना जी क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? सबको क्लैरिटी है यहाँ पे? वेट अ मिनट गाइज, है ना, इसको ज़रा मूव कर लेते हैं। अब दिख रहा है? ठीक है, क्लियर है नाउ, इट इज क्लियर आई गेस। ठीक है, अभी क्लियर गीतांजलि जी? चलिए, तो यहाँ पे मदर्स मदर मतलब नानी, फादर्स मदर मतलब दादी, फुल सिस्टर, यूटेराइन सिस्टर, कॉन्सैंग्विनाइन सिस्टर, फुल सिस्टर्स डॉटर, ये जो फुल सिस्टर थी इसकी कोई डॉटर, यूटेराइन सिस्टर है इसकी कोई डॉटर, कॉन्सैंग्वाइन सिस्टर है इसकी कोई डॉटर, मैटर्नल आंट इन लाइक ऑर्डर एज द सिस्टर। मैटर्नल आंट मतलब मामी जी, पैटर्नल आंट चाची जी, ताई जी, अंडरस्टूड। तो यही होते ना जनरली हमारे बीच। अब मैटर्नल आंट में देखो यहाँ पे आपकी मासी भी आ जाएगी, बुआ भी आ जाएगी, तो सारे रिलेटिव्स आ गए ना। मम्मी नहीं है तो नानी, दादी, बहन, या फिर बहन के कोई बच्ची है तो उसके पास जाएगी। मासी है, बुआ है, मामी है, चाई जी है, चाचा सॉरी चाई जी है या फिर ताई जी है, अंडरस्टूड। तो ये सब आपके इस कैटेगरी में आ गए अगर मदर नहीं है तो। और अगर इनमें से भी कोई नहीं है देन इन दैट केस फादर के पास कस्टडी जाएगी, अदरवाइज नॉट। क्लियर? अब मान लीजिए अगर फादर भी नहीं है, अगर फादर भी नहीं है तो उस केस में क्या? बट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द फादर इन फॉलोइंग पर्संस को यहाँ पे कस्टडी मिलेगी। कौन होगा उसमें? नियरेस्ट पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो सबसे क्लोजेस्ट दादाजी हैं, खुद के दादाजी भी हो सकते हैं, पिताजी के चाचा जी, ताया जी, पिताजी के अगर चाचा जी और ताया जी तो वो भी तो अपने दादा दादी दादा ही हुए ना, अंडरस्टूड। फुल ब्रदर है, कॉन्सैंग्विनाइन ब्रदर है, फुल ब्रदर सन है, कॉन्सैंग्वाइन ब्रदर का कोई फादर है, फुल ब्रदर ऑफ द फादर। देखो यहाँ से आपको प्री में सवाल नहीं आता लेकिन ये पर्टिकुलर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मेल है जिनके पास कस्टडी जाएगी अगर फादर नहीं है तो। इतना लंबा कस्टडी जाता नहीं है, बीच में कोई ना कोई डेफिनेटली मिल जाता है जो उस बच्चे की कस्टडी संभाले। आपको पता है ये इतनी सारी लिस्ट क्यों दी है? क्योंकि वो बच्चा माइनर है, वो छोटा सा बच्चा है। मान लो फादर भी नहीं है, मदर भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, इन दैट केस वो छोटा बच्चा 2 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। उसका हिजानत, मान लीजिए गार्डियन कोई नहीं है, उसका एजुकेशन वगैरह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसकी कस्टडी तो सेफ हाथों में रहे। कोई छोटी बच्ची है 2 साल की, उसकी कस्टडी सेफ हैंड्स में तो रहे, फैमिली मेंबर्स में तो रहे, इसलिए ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर है ये चीज़? चलिए, अच्छा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, सन का हिजानत और डॉटर की हिजानत कब तक, टिल व्हाट टाइम पीरियड द कस्टडी शैल रिमेन विद द मदर, कितने टाइम पीरियड तक के लिए? ध्यान रहे जितने टाइम पीरियड तक के लिए मदर के पास कस्टडी रहेगी उतने ही टाइम पीरियड के लिए फादर के पास, या द लिस्ट ऑफ मेल जो बताई मैंने या द लिस्ट ऑफ फीमेल जो बताई मैंने उनके पास भी उतने ही टाइम पीरियड तक के लिए हिजानत रहेगी जितने टाइम पीरियड के लिए हमने यहाँ पे मदर को टाइम पीरियड दिया, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सन का हिजानत, सन की कस्टडी एक मदर के पास कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगी? हनफी स्कूल के अकॉर्डिंग 7 साल। ये प्री में सवाल आ चुका है, प्री में ये सवाल आ चुका है। हनफी स्कूल के अकॉर्डिंग एक सन का हिजानत 7 साल तक के लिए, तो फिर डॉटर का एज ऑफ प्यूबर्टी तक मतलब 15 ईयर्स तक। ठीक है, सन का हिजानत शिया स्कूल में टिल ही इज वीएंड। वीएंड का मतलब क्या होता है? जब तक वो दूध वूध पी लिया है, थोड़ा बहुत क्रॉलिंग वगैरह करना शुरू कर दिया, लगभग चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब जब तक वो दूध पी रहा है उस तक ही उसकी मदर के पास कस्टडी रहेगी हनफी स्कूल के शिया स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मलकी स्कूल के अकॉर्डिंग सन की हिजानत कब तक रहेगी? एज ऑफ प्यूबर्टी 15 इयर्स बोल दिया यहां पर भी। अब यहां पे डॉटर की हिजानत मलिकी, शफी और हनबली स्कूल तीनों में जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, और इतना अशारिया स्कूल में 7 इयर्स तक। ये देखो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सवाल आ चुका है, ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्या हैं, आपके यूटराइन ब्रदर्स हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सुभाष जी, सुभाष जी आई होप आपको पता है कि आप लॉ की क्लास में आए हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके। स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर स्मार्ट इनफ टू ब्लॉक एंड रिपोर्ट एनी ऑफ सच कमेंट्स। जिनको ये नहीं पता कि जब लॉ की क्लास में आते तो क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके, राधिका जी, शिशिर जी, अंशु जी, दीपक जी, ठीक है, क्लियर है। चलिए शुरू करेंगे। चलिए, तो हमने हिजानत को कंप्लीट किया है। अब हिजानत के बाद हमारे पास कुछ बचता है, तो वो हमारे पास रहेगा। देखो आई होप आपको मुस्लिम दरगाह और इन सब चीज़ों के बारे में पता है, वक्फ पे आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ओके, वक्फ के ऊपर आएंगे। अब वक्फ में आपको कुछ चीज़ें समझनी है। सब इजी है कौशिक जी, हिंदू लॉ भी इजी है, मुस्लिम लॉ भी इजी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हिंदू लॉ इजी लगता है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप जजेस बनोगे और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बने और अगर आपको फैमिली कोर्ट में जाने को मिला, मतलब फैमिली कोर्ट में आपको एज ए जज लगाया या कभी आपने प्रैक्टिस भी की या एज ए इंटर्नी भी गए, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा फैमिली लॉ में आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत तगड़ा इंटरप्रिटेशन होता है, बहुत ही तगड़ा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। इमोरल ट्रैफिकिंग का रैपिड रिवीजन सोचा है मैंने कि गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीपीएनडीटी इमोरल ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ आपका एक और है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड एक और पॉइंट है आपका दैट इज योर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इन चारों का मैंने सोचा है कि MCQ प्रैक्टिस सेशन करवाने वाले हैं, जिसकी स्पेशल क्लास मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखी है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ग्रुप पे जुड़े हुए रहो, ग्रुप पे जुड़े हुए रहोगे तो आपको सारा लिंक मिलेगा। ऐसे YouTube पे ही आप अगर स्टिक हो गए तो YouTube पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ। आपको ग्रुप पर ही सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ग्रुप पर ही आप आके मुझसे पूछ सकते हो कि मैम कौन सी क्लास कब लेने वाले हो, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है PCPNDT इमोरल ट्रैफिकिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के MCQ नहीं है। हाँ, मिल जाते हैं कोई वेबसाइट पे 5-10 5-10, वही 5-10 5-10 कराऊं क्या, वही 5-10 घुमाते हुए फिराते हुए कराऊं क्या? नहीं ना, कुछ नए क्वेश्चंस बना के लाने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन सारे चीज़ों को ऐसे तरीके से क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि एक क्वेश्चन जब डील करूँ तो कम से कम 4-5 चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए, ठीक है। क्लियर है? वसीम जी, ग्रुप का नाम है लिंकिंग लॉज शिवानी सोलंकी, टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारी क्लासेस का अपडेट मिल जाएगा। और आज 6 बजे शाम को 6 बजे वैसे भी हम MPCJ और GJS के लिए एक कैजुअल इंटरेक्शन रख ही रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? अरे भैया आप रिपोर्ट करो ना इसको, कौन है सुभाष भैया, क्या चाहते हो? शिशिर प्लीज लुक इनटू दिस थिंग ना, जिस दिन मेरा कॉलिंग आ गया उस दिन तुम लोगों को पता चल जाएगा, है ना। जिस दिन अनअकैडमी ने तुमको कॉलिंग करना शुरू कर दिया ना 1-to-1 ऐसी चीज़ों पर, तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ओके, हाँ जी, हरियाणा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल गौरी जी, ठीक है। प्रिलिमिनरी क्या हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिलिमिनरी प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे चलेंगे, जहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वक्फ के बारे में। वक्फ क्या होता है? मैं कहूँ तो एक रिलीजियस डेडिकेशन है। किस चीज का है? रिलीजियस डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? देखो जो तो स्पैमर्स आते हैं ना क्लास में, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है ना, अच्छे से पता है कि कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है ना। तो फिर अभी यहाँ तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, जिस दिन मिल गए रास्ते में उस दिन गालियाँ खा लोगे, अच्छे से खा लोगे, प्रूफ के साथ खा लोगे। तो बेहतर है कि थोड़ी मर्यादा बनाए रखो कि जब लॉ की क्लास में आए हो तो कहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपका वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं झलक जाती हैं, ठीक है। देख नहीं रहा है कोई, नहीं देख रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि पेरेंट्स ने कुछ अच्छे संस्कार दिए हैं हमें, ठीक है। तो जिस दिन उनको पता चलेगा उनका नाम मत डुबाओ, सिंपल सी चीज़ है, इतना समय कहूँगी, बाकी समझदार हो। चलो, रिलीजियस डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी परमानेंटली, ध्यान रखना, परमानेंट जो आप डेडिकेशन करते हो एक प्रॉपर्टी का रिलीजियस पर्पस के लिए, फॉर एनी सोशल पर्पस, फॉर एनी सोशल कॉज, वो हो जाता है आपका वक्फ करना। मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने अगर वक्फ में दे दी, तो चाहे वहाँ पे कोई मॉस्क बने, चाहे वहाँ पे कोई स्कूल बने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन के लिए काम आने वाली। किसके लिए काम आएगी? आपके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम आ सकती है। क्लियर है ये चीज़? ध्यान रहे, इसको परमानेंटली बोला गया है, मतलब अगर प्री में सवाल आ जाए कि वक्फ को क्या रिवोक कर सकते हैं, आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके, यू कैन रिपोर्ट इट, ठीक है। आपके पास ऑप्शन रहता है, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे आईडी लॉगिन नहीं कर रखी, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द रीजन आई कैन नॉट रिपोर्ट इट, ठीक है। क्लियर, यू कैन रिपोर्ट इट। अब यहाँ पे वक्फ में आप ये समझोगे कि जब प्रॉपर्टी की बात आएगी, पहले हमने क्या बोला, रिलीजियस डेडिकेशन, दूसरा हमने बोला परमानेंट, तीसरा हमने बोला रिवोक नहीं कर सकते, चौथा पॉइंट प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कितनी वक्फ में दे सकते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी वक्फ में दो, चलेगा, लेकिन एक बार दे दी है फिर उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। इतनी सी चीज आपको वक्फ पे याद रखनी है। बाकी इसका वक्फ का एक पूरा एक्ट है, उसको हम कभी अच्छे तरीके से ब्रीफ में यूट्यूब पे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब हम वक्फ की बात करते हैं तो एक पर्सन आता है, दैट इज मुतावली। कौन आता है? एक पर्सन आता है मुतावली, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी आपने वक्फ में दी ना, अब उसको संभालेगा कौन, अब उसको संभालेगा कौन, उसके लिए होता है हमारा एक मुतावली। मुतावली को सीधी सरल भाषा में बोलूं या जो प्री में सवाल पूछा गया है वो इस तरीके से कि मुतावली होता कौन है, ही इज द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन है? मैनेजर है प्रॉपर्टी का, जिसको कि ये जिम्मा दिया गया है कि प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, प्रॉपर्टी को किसी गलत हाथों में नहीं जाने देगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला है, उससे रिलेटेड जितने भी पावर हैं उसको एक्सरसाइज करेगा, जहां जरूरी है वहां डेट लेगा या देगा, लेकिन गलत चीज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करने वाला है। तो वक्फ में क्या कोई भी पर्सन मुतावली हो सकता है क्या? मुतावली का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वक़िफ़ कर सकता है। वक़िफ़ कौन होता है? जिसने प्रॉपर्टी वक्फ में दी वो वक़िफ़, वो यहाँ पे आपके मुतावली का अपॉइंटमेंट कर सकता है, या फिर करंट मुतावली कर सकता है, जो अभी एट प्रेजेंट मुतावली साहब है ना, वो आने वाले टाइम के लिए बता सकते हैं कि कौन यहाँ पे मुतावली रह सकता है, या फिर आपका कोर्ट भी मुतावली को अपॉइंट कर सकता है, और साथ ही साथ बाय कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन का क्या मतलब होता है? बाय द ओपिनियन ऑफ, बाय द एसोसिएशन ऑफ पीपल। मुस्लिम कम्युनिटी के 15-20 लोग मिले और उन्होंने क्या किया, एक पर्सन का नाम सिलेक्ट किया और बोला कि हम इस पर्सन को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे मुतावली बनाना चाहते हैं, इस डन बना सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। इसमें एक चीज़ और जाननी है कि इसकी कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए। ये व्यक्ति मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ही शुड बी अ मुस्लिम। क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम नहीं है तो उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? नहीं। थोड़ा उसको रिलीजन के बारे में कम पता होगा, मुतावली के बारे में, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब पावर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका मैनेजमेंट हो गया है, उसको सेल करने का पावर है क्या, उसको मॉर्गेज करने का है क्या, लीज करने का है, जो भी चीज़ें हैं वो सब इसको करना है। जब मैंने बात की कि वो प्रॉपर्टी को लीज कर सकता है क्या, आंसर इज यस, ही कैन लीज द प्रॉपर्टी। लेकिन अगर उसने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को लीज किया है 3 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकता है। और कोई अदर पर्पस के लिए किया है तो वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है सवाल आए लीज से रिलेटेड, लीज कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकता है मोटावली एग्रीकल्चर में? 3 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरे पर्पस में सिर्फ 1 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। डन, क्लियर है? दीज आर द थिंग्स जो आपको मुटावली के केस में याद रखनी है। क्लियर है? अब चलेंगे हम फटाफट से, जो कि आखिरी एक्ट हमारे पास बचेगा, जो आखिरी एक्ट है, और उसके बाद फटाफट से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अपना कौन सा कंसेप्ट, सक्सेशन का कंसेप्ट। आखिरी जो चीज़ हमारे पास आती है दैट इज 2019 में एक एक्ट आया। हमको पता है मुस्लिम लॉ में कोई भी नया केस आता है उसके बाद कुछ भी ऐसी घोषणा होती है, एक नया एक्ट आता है। जैसे आपको पता है, जैसे ही यहाँ पे आपका डिवोर्स से रिलेटेड एक्ट आया है ना, इद्दत पीरियड से रिलेटेड जो एक्ट आया, वो क्यों आया था? क्योंकि 1985 में हमारा शाह बानो का केस आया, तो 86 में उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बना दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर आया किसका, ट्रिपल तलाक का केस आया। कहाँ पे? शायरा बानो के केस में आया 2017 पे। तो अब यहाँ पे फिर से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, और इस बार कौन सा लॉ बनाया है, यहाँ पे बनाया है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज। वहां क्या पढ़ा था लास्ट में, ऑन डाइवोर्स पढ़ा था, यहां पढ़ रहे हैं मैरिज के बाद, मैरिज के वक्त विमेन का एक राइट प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 में, कौन से नंबर में, सेक्शन नंबर 3 में इन्होंने एक तलाक की बात की, और इस तलाक को इन्होंने वॉइड एंड इल्लीगल भी बनाया है। इल्लीगल मतलब, इल्लीगल बनाते ही मतलब यहाँ पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट दी है सेक्शन नंबर 4 में। इन्होंने बोला कोई भी ऐसा तलाक जो कि हमने डिफाइन किया है 2 क्लॉज C ऑफ द सेम एक्ट, वो तलाक अगर किसी ने भी बोला तो वो वॉइड होगा और इलीगल होगा, मतलब कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, और पतिदेव आपको पनिशमेंट में मिलेगी। तो 2C में कैसा तलाक बताया है, 2C में इन्होंने बोला अगर वो तलाक ए बिद्दत है, मतलब कि अगर वो ट्रिपल तलाक है, या फिर ऐसा कोई भी तलाक जो कि इररिवोकेबल इन नेचर का है, और भी देखो तलाक के नए फॉर्मेट्स बना सकते हैं, तो ऐसा कोई भी तलाक जो कि या तो ट्रिपल तलाक है, या फिर ऐसा कोई भी तलाक जो कि इररिवोकेबल है, जिसको आप तलाक को फिनिश नहीं कर सकते हो, देन इन दैट केस उसको हम इस तलाक के डेफिनेशन में डालेंगे जो 2C में। और 3 में क्या बोला, ऐसा कोई भी तलाक जो 2C में बोला गया वो वॉइड और इलीगल हो जाएगा। इलीगल है मतलब सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट दिया है। यहाँ पे पनिशमेंट कितना दे रखा है ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पनिशमेंट दे रखा है 3 years एंड फाइन। कितना दिया है, 3 years और फाइन दे रखा है, और आपको सेक्शन नंबर 7 में इसका नेचर बताया, नेचर कैसा रहेगा, कॉग्निजेबल रहेगा एंड कंपाउंडेबल रहेगा, शमनीय है। शमनीय मतलब वी नो ना कि कंपाउंड कर सकते हैं, सेक्शन 320 ऑफ CRPC के साथ इसको लिंक करेंगे। शमनीय अपराध क्या होते हैं, कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल इन नेचर। ये पूछा जा सकता है आपको प्री में सवाल, कि जो आपका ये एक्ट है इसके तहत कोई ऑफेंस अगर हुआ है। सबको आवाज, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो सब क्लियर? आई कैन नॉट सी द कमेंट सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट सिंस लॉन्ग। अच्छा, मेरे को सारे कमेंट ही ऊपर चले गए, ठीक है। आखिरी कमेंट किसका दिखा था मुझे, विकास जी का दिखा। MCQ फॉर द नॉन सब्सक्राइबर्स आल्सो, बिल्कुल नंदिता जी, जो मैं MCQs ले रही हूँ वो स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है, तो स्पेशल क्लास के लिए जरूरी है आप ग्रुप पे बने रहिए, लिंकिंग लॉ शिवानी सोलंकी ग्रुप पे बने रहोगे तब तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, कम्युनिटी मिल जाएगी, कब कहाँ कैसे क्लासेस हो रही है 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जाके बस एनरोल कर लेना क्लास को, सिर्फ जाके एनरोल का बटन दबा दोगे, आपको जैसे ही लाइव क्लास ऑन होगी आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस मैं हमेशा स्पेशल क्लास पे लेती हूँ, कभी प्लस पे नहीं लेती हूँ मैं, या तो यहाँ पे या फिर स्पेशल पे, ताकि सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। ठीक है, क्लियर? ओके देखो कमेंट्स काफ़ी नीचे चले गए, मैंने देखा नहीं था। येस यू कैन पार्टिसिपेट नंदिता जी, ठीक है सभी लोग, ओके फाइन चंचल जी। वक्फ सिर्फ मुस्लिम को कर सकते हैं या अदर रिलीजन को ऑल्सो? देखो वक्फ बोर्ड आपका मुस्लिम्स के लिए है तो फिर आप मुस्लिम्स में ही कीजिए फिलहाल तो वक्फ, ठीक है। इस पे मैं आऊँगी चंचल जी, एक दिन आपको इसका जवाब मैं दे दूँगी, ठीक है, क्लियर है। ऐप में कराऊँगी रंजना जी, MCQs में ऐप में कराने वाली हूँ, ठीक है। चंचल जी जवाब मिल गया आपको इसका। ग्रुप से कैसे जुड़े? रवि जी मैंने आपको ग्रुप का नाम बताया है, ग्रुप का नाम मैंने आपको बताया, और ग्रुप का नाम क्या है? लिंकिंग लॉज शिवानी सोलंकी, ठीक है। प्रीएम्पशन पे आते हैं, शूफा जो आप कह रहे हैं, ओके शूफा पे आ जाएंगे, शूफा भी डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है ये चीज़, ये आपको ध्यान रखना है। और सेक्शन 6 में आपको बोला कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, तो कस्टडी आपकी हमेशा और हमेशा किसके पास रहने वाली है? विमेन के पास रहने वाली है। कस्टडी के बारे में अगर आप सभी स्टूडेंट्स को यह ध्यान हो, सेक्शन नंबर आई थिंक शायद 26 था, हिंदू मैरिज एक्ट में हम पढ़ के आए हैं 26 ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे जब हम कस्टडी की बात करते हैं, विमेन के पास रहती है कस्टडी, नहीं वहां पे आपका कोर्ट डिसाइड करता है जस्ट एंड इक्विटेबल देख के कि किसके पास आपकी वहां पे कस्टडी रह सकती है। वैसे के वैसे यहाँ पे सेक्शन 6 में बोला कस्टडी अगर तलाक प्रोनाउंस कर दिया है विमेन के पास रहेगी, हालांकि वो तलाक का इफेक्ट तो वॉइड है, तलाक का इफेक्ट तो वॉइड है ना, कोई बात नहीं होने दो वॉइड, पतिदेव तो जेल गए ना, इलीगल है, पतिदेव अभी 3 साल जेल में रहेंगे, तब तक कस्टडी किसके पास? विमेन के पास रहेगी। अंडरस्टूड? लिंक समझ रहे हो आप यहाँ पे सारे सेक्शंस का, क्लियर है ये चीज। तो ये सारी चीजें हमारे पास थी। अब देखो प्रीएम्पशन का राइट क्या होता है, या मैं कहूँ तो शूफा का अधिकार क्या होता है। आपको पता है हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक प्रीएम्पशन का अधिकार पढ़ते हैं, शूफा है यहाँ पे, इसको बोला जा रहा है शूफा, दैट इज योर राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ये क्या होता है? इट मीन्स मेरी ये प्रॉपर्टी थी, मैं इसको बेचना चाह रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे पास में कौन है, एक मान लीजिए यहाँ पे विकास जी हैं, ठीक है, ये विकास जी का घर है, मैं इसको बेचना चाह रही हूँ, ठीक है। Now the point is कि मैं किसी थर्ड पर्सन को ये बेचना चाह रही हूँ, विकास जी का राइट रहेगा कि मैम मैं आपका पड़ोसी हूँ ना, मैं आपका नेबर हूँ ना, तो प्लीज गिव फर्स्ट राइट टू मी, राइट ऑफ दी ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी पहले प्लीज मैम मुझे जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा अगर इसको मैंने ये साइड वाला घर जो है, जिस साइड वाली जो लैंड पड़ी है, अगर वो मैं खरीद लूंगा मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला। तो दिस इज योर राइट ऑफ प्रीएम्पशन। देखो राइट ऑफ प्रीएम्पशन के लिए भी जरूरी है 3 स्टेजेस फॉलो करना, 3 तरह की डिमांड होगी, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड एंड थर्ड डिमांड। फर्स्ट डिमांड आपको डायरेक्टली उस पर्सन से करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? इमीडिएटली आपको उस पर्सन से करनी पड़ेगी जो कि प्रॉपर्टी बेच रहा है। दूसरी डिमांड आपको करनी पड़ेगी उस पर्सन से अलोंग विद इस थर्ड पार्टी के सामने, इस थर्ड पार्टी के सामने। और मान लीजिए अभी भी अगर ये नहीं दे रहा है तो थर्ड डिमांड आप कोर्ट से करेंगे सूट फाइल करके। तो देयर आर 3 डिमांड्स, 3 स्टेजेस जिससे कि आप शूफा का जो राइट है वो एनफोर्स कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके ओके, यूपी PCS (J) एंड APO, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम किसके ऊपर, फटाफट से सक्सेशन के ऊपर आते हैं, फिर हम अपनी स्पेशल क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास हो सकता है 5-10 मिनट लेट हो जाए, क्लास में कोई भी स्टूडेंट जाके इन्फॉर्म कर सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। विकास जी हो गए, शिशिर जी हो गए, या कोई भी स्टूडेंट हो गया वो इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये टेबल मैं बोलूँगी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं ये दे दूंगी आपको, लेकिन फिर भी मानो नहीं आई तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपकी पूरी वो लिस्ट है जो कि सुन्नी लॉ में इन सब लोगों को प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। दैट्स इट, दीज आर द हेयर्स। जैसे हम हिंदू एक्ट में क्या पढ़ के आए थे, हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ के आए थे ना, क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, वैसे के वैसे यहाँ पे आपको दे रखा है लिस्ट ऑफ शेयरर्स, दैट इज सुन्नी लॉ में। मेन में ये लोग आ गए, विमेन में ये लोग आ गए हैं, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 8 और यहाँ पे आपको 4, 12 सक्सेसर्स हैं यहाँ पे सुन्नी लॉ में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सक्सेशन कैसे होता है। प्री से अगर सवाल आया तो सिर्फ इस टेबल से आने वाला है, इस टेबल से नहीं आएगा। आई मीन टू से इस टेबल से नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां पे बेसिकली हमें सिर्फ आपके सबसे क्लोजेस्ट जो रिलेटिव है उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब हस्बैंड की बात आएगी, हस्बैंड नॉर्मली शेयर 1/4 लेने वाला, नॉर्मल कितना लेगा 1/4 लेगा, इतना ध्यान रखो। वाइफ कितना लेगी नॉर्मल 1/8 लेगी, डॉटर कितनी लेगी हाफ लेगी, फादर 1/6 एंड मदर भी 1/6। एक अगर पर्सन की डेथ हुई, चाहे वो हस्बैंड की डेथ हुई या वाइफ की डेथ हुई, तो उस केस में उस हस्बैंड या वाइफ का फादर या मदर 1/6 लेने वाला है, उस हस्बैंड की वाइफ 1/8 लेगी, उस वाइफ का हस्बैंड 1/4 लेगा और डॉटर हाफ लेगी। तो सन कितना लेगा एनीवन? तो फिर सन कितना लेगा एनीवन? हम सन को तो इंक्लूड ही नहीं किया यहाँ पे, सन को तो इंक्लूड ही नहीं किया। क्या सन आपका हेयर नहीं है क्या? यहाँ पे सन कितना लेगा कोई भी स्टूडेंट बता सकता है, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आप क्लास ओवर होने के बाद भी। ठीक है, हालांकि मैं अभी यहाँ बताऊंगी। हस्बैंड को बोला नॉर्मल शेयर 1/4 लेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ सन, वेरिएशन क्या बोल रहा है आपका 1/4 कब मिलेगा? जब कोई भी बच्चा है या बच्चे का बच्चा ऑलरेडी है तो। ठीक है, वेरी गुड दीपक जी, बेटी का डबल, वेरी गुड दीपक जी, बेटी का डबल लेगा। ओके, नाउ यू सी, अब यहां पे बोला है कि हस्बैंड को कितना 1/4 नॉर्मल में, जब चाइल्ड है और सन ऑफ चाइल्ड बच्चे भी हैं। लेकिन अगर चाइल्ड या सन एब्सेंट है, नहीं है, तो हस्बैंड का सीधा डबल हो जाएगा, हाफ मिल जाएगा। कितना मिलेगा? हाफ। दिस इज हाफ। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल, मैं बता रही हूं आपको, दिस इज योर हाफ। कब? जब सन या चाइल्ड नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो हस्बैंड को ज्यादा दो। अंडरस्टूड। वाइफ को नॉर्मल कितना मिल रहा है? 1/8। लेकिन वाइफ एक से ज्यादा हुई तो, इसलिए लिखा है 2 और मोर शेयरर्स। अगर एक से ज्यादा वाइफ हुई, 3 4 हुई तो 3 4 सब मिला के 1/8 लेंगी, सब मिला के 1/8 लेंगी। ऐसे कैसे? हमने हिंदू लॉ में भी पढ़ा था, इफ मोर देन वन वाइफ ऑल ऑफ देम विल टेक 1 शेयर टुगेदर, 1 शेयर टुगेदर। वहां पे परसेंटेज नहीं बताया, लेकिन 1 शेयर टुगेदर। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सारी वाइफ 1/8 लेगी मिलके। कब? जब चाइल्ड है या चाइल्ड ऑफ सन भी मौजूद है। और डेथ किसकी हुई? पतिदेव की, तो पतिदेव की प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। नाउ अब अगर ये एब्सेंट है, चाइल्ड और सन्स चाइल्ड एब्सेंट है, तो इसका भी सीधा डबल हो जाएगा और ये अब 1/4 लेगी। 1/8 का डबल कितना होता है? 1/4 होता है, तो यहाँ पे ये 1/4 लेगी। डॉटर जनरली जब कोई भी सन नहीं है, जब कोई भी सन नहीं है तब इतना लेगी। जब कोई भी सन नहीं है नॉर्मल वो 1/2 लेगी, हाफ लेगी, 1/2 लेगी, हाफ लेगी। और अगर एक से ज्यादा डॉटर है तो सारी मिला के 2/3 लेगी। कब लेगी? जब कोई सन नहीं। ये वाला टेबल अभी मत देखो, वेरिएशन मैं खुद एक्सप्लेन करूंगी आपको। डॉटर नॉर्मली कितना? एक बेटी ना, मैं अपने पापा की एक बेटी, तो मैं हाफ लूंगी। अगर हम 2 4 बेटियां हैं तो हम सारी मिलके 2/3 प्रॉपर्टी लेंगे, बाकी 1/3 अब आप देख लो किसको देना है। ठीक है, अंडरस्टूड। वो भी कब? जब हमारा कोई भाई नहीं है, जब कोई सन नहीं है। लेकिन अगर भैया आ गए तो, अगर भैया है विद सन रेजिड्यूरी, विद सन रेजिड्यूरी का मतलब क्या है? जो भाई जो बहन को मिलेगा, जो कुछ भी बचेगा वाइफ वगैरह सबको एलिमिनेट करने के बाद, जो कुछ भी बहन को मिलेगा उसका डबल यहाँ पे सन को मिलेगा। जितना कुछ बचेगा उतना बहन को मिलेगा, और जो बहन को मिल रहा है उसका डबल सन को मिलेगा। रेजिड्यूरी मतलब क्या होता है? जितना भी बचा, जितना भी बचा है वो डॉटर को मिलेगा, और डॉटर को जितना भी मिल रहा है उसका डबल किसको मिलेगा? सन को मिलेगा। ओके शायरा जी, आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। कौन से टेलीग्राम ग्रुप पे? लिंकिंग लॉ शिवानी सोलंकी पे। ये पूरा टेबल जो है मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, फादर कितना लेगा? नॉर्मल 1/5। कब? जब चाइल्ड है या सन है चाइल्ड का। मदर भी कितना? 1/6। जब चाइल्ड है या सन का चाइल्ड है या ब्रदर और सिस्टर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर किसके? अपने बेटे के ब्रदर और सिस्टर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर उसके भाई बहन भी तो है ना, तो उनको भी तो शेयर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का 1/6 1/6। अब यहाँ पे अगर चाइल्ड है या सन ऑफ चाइल्ड मौजूद है तो बच्चे का जो भी हिस्सा एंड में जो बच गया ना रेजिड्यूरी, वो आपके फादर को मिल जाएगा। मदर के केस में अगर यहाँ पे सन ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड एब्सेंट है तो 1/3 सीधा हाफ। देखो तीन कैटेगरीज में सीधा डबल होता जा रहा है, आपके हस्बैंड के केस में, वाइफ के केस में और मदर के केस में। अगर चाइल्ड या चाइल्ड का सन नहीं है तो सीधा जो उनका नॉर्मल शेयर है उसका यहाँ पे डबल हुआ जा रहा है। समझ आया ये चीज? समझ आया? मैं आपको बताती हूँ मिनी जी आपको याद कैसे रखना है। सुनो, आपको याद ऐसे रखना है, वाइफ का स्टैंडर्ड 1/8 याद रखो, वाइफ का स्टैंडर्ड 1/8, चाहे आपका नॉर्मल शेयर है या फिर कितना है 2 या मोर है 1/8 है। फादर और मदर को जनरली 1/6 ही मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब डॉटर को जनरली हाफ मिलेगा क्योंकि ज्यादा क्लोज है ना, बेटी बेटियां ज्यादा क्लोज होती है तो उनको हाफ दे रहे हैं, लेकिन एक साथ आप 2/3 का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको याद रहेगा। जब इन दोनों को 1/6 मिल रहा है, वाइफ को 1/8 मिल रहा है और हस्बैंड को 1/4 मिल रहा है, कब? जब कोई चाइल्ड है और कोई सन का चाइल्ड है तो। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो इन केसेस में 1, 2 एंड 3 इन तीनों केसेस में सीधा के सीधा डबल हो जाता है, दैट इज 1/3, 1/4 एंड हाफ हो जाता है, ठीक है। वैसे टेबल को अच्छे से गौर फरमाओगे तो आपको याद रह जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर है? तो ये आपका सक्सेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंडमदर, सन्स, डॉटर, इन सबका ये शेयर है 1/6, 1/6, हाफ हाफ, 1/6, 1/6, हाफ हाफ, ठीक है, क्लियर है? तो हाफ कहाँ कहाँ मिल रहा है? एकदम क्लोज वालों को हाफ मिल रहा है, दैट इज फुल सिस्टर, कॉन्सैंग्विनाइन सिस्टर, फिर आपकी कौन हो गई है सन्स, सन्स डॉटर एंड सन्स डॉटर, सबको हाफ 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 मिल रहा है। जहां जहां आपको डॉटर और सिस्टर दिख रही है, अगर वो एक से ज्यादा है सीधा 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3 हो जाता है। और ये रूल कब अप्लाई होगा? 1/6 वाला, जब ये कैटेगरी नहीं है तब ये अप्लाई हो जाता है। ये टेबल आप जरूर अपने पास रखें, लेकिन आपको जो याद रखनी है प्री के एंगल से वो ये याद रखनी है, क्योंकि अगर आपका सक्सेशन से आया सवाल तो यहीं से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। यूके में सवाल आया था और इसी चार्ट से आया था, ओके, क्लियर है ये चीज। और किसी को कोई भी दुख दुविधा दिक्कत समस्या इश्यू प्रॉब्लम है तो फटाफट से बता सकते हैं। मैं सेशन को समाप्त करूंगी अभी, अगले 2, 4, 5 मिनट में आपको सारी सूचनाएं दे के। 1 PM हो चुकी है, हम अगले 5 मिनट में इस सेशन को बिगिन कर देंगे। ये कहाँ है? स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे। लिंक कहाँ मिलेगा? शिवानी सोलंकी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। क्या नाम से सर्च करोगे? लिंकिंग लॉज शिवानी सोलंकी, ये जब ग्रुप सर्च करोगे आपको वहां पे इस क्लास का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप लिंकिंग लॉज जो अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करोगे, वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड नाउ टुडे 6 PM, today 6 PM we are going to conduct this a casual interaction session, जहाँ पे MPCJ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और GJS में जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, जिनको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, शंका है, कोई भी चीज़ पूछनी है, फील फ्री, एकदम मस्ती मस्ती से आ जाना। जिनको आज कुछ बात भी करनी है कोई भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे APO का कुछ भी है, GJS है, MPCJ है, आगे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, मैम क्या कैसे कहाँ क्या 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 चीज़ें पढ़ा रहे हो, आप आ सकते हो शाम को 6 बजे। सिर्फ बातें होंगी, आज पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम है स्टूडेंट्स के 2 दिन बाद, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है, थोड़ा डर सा महसूस हो रहा है, तो मन हल्का कर लीजिएगा। 13 अप्रैल को ऑलरेडी ये बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि रेगुलर बैच है, 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, तो सही टाइम है कि आप इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि एकदम क्रक्स से वापस स्टार्ट हो रहा है। जब आप बीच में कोई बैच को ज्वाइन करते हो, जैसे स्कूल में बीच में ज्वाइन करते थे ना अगस्त सेप्टेम्बर में, तो फिर हम क्या करते थे, अपने दोस्तों से कॉपी मांगते थे, यार दे देना मैम ने पहले क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क कराया। आप रिकॉर्डेड देखोगे, रिकॉर्डेड में वो मज़ा नहीं आता है, बैकलॉग बहुत सारा हो जाएगा आपके पास, आपका एग्जाम आएगा तब तक। 4 मई दैट इज DJS मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, कभी ये होने वाला है 4 मई को, अंडरस्टूड। तो जो स्टूडेंट्स DJS मेंस में खुद को देख सकते हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके पास प्लस है 24, 18, 12 एंड 6 मंथ्स का, और ये आइकॉनिक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आइकॉनिक के लिए जरूर जाना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग से मेंटरशिप मिलती है, और मेंस में मेंटरशिप की बहुत आवश्यकता है, जो कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन देता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करता है, आपके लिए अवेलेबल रहता है, आपके डाउट सॉल्व करता है। तो ये आपका आइकॉनिक का प्राइस स्लैब है, प्रोवाइडेड कि अगर आप कोड यूज करते हो शिवानी 10 या फिर कोड लिंकिंग यूज करोगे, आपको सीधा सीधा 10% ऑफ इन प्राइस स्लैब्स पे मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। फ्री मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री चल रहे हैं भैया। अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, जीके, जीएस के रोज डेली बेसिस पे फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, तो जरूर अटेम्प्ट करें। आइकॉनिक का बेनिफिट पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी प्लानर है। आपको इसमें प्लस का भी बेनिफिट मिलेगा, और प्लस में क्या है, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। स्पेशल क्लास का बेनिफिट आप सबको पता है, आज 2 स्पेशल क्लास है। अभी 1:15 पे हम स्पेशल क्लास शुरू जस्ट करने वाले हैं, और दूसरी स्पेशल क्लास आज शाम को 6 बजे। मैम 1 बजे क्या लेने वाले हो? 1 बजे मुस्लिम लॉ का धनाधन एमसीक्यू होगा। ये सिर्फ आज ही एमसीक्यू नहीं हो रहा है, 8 मई को और होने वाला है। संडे को 2 एमसीक्यू होंगे, 2 क्लासेस होंगी, बैक टू बैक होंगी, 2 घंटे चलेंगी, आपके अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे चलेंगी। और कितने होंगे? 111 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका लिंक मैं लिंकिंग लॉ शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाली हूं, और साथ में यहाँ पे इसके बेनिफिट्स आपको पता है। लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, पोल है लर्नर्स के लिए, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, कोई भी आपको क्लास अनअकैडमी पे हुआ क्वेश्चंस ले रही हूँ, इमीडिएटली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। आपको मुझसे मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी डिवाइस से अनअकैडमी आपको एक्सेस कर सकते हो। एंड इन केस इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट इन दिस सेशन बाय यूजिंग द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन क्लेम द रिवॉर्ड दैट इज गिवन। एंड अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। और आपको कौन कौन सा सेशन जो है मेरी साइड से चाहिए, और कौन कौन सा सेशन है जो आपको मेरी साइड से चाहिए, जो कि माइनर लॉ के सेगमेंट में फॉल करता है, यू कैन लेट मी नो। आई वुड लव टू वर्क ऑन योर सजेशंस एंड योर एडवाइसेस। और कोई दुख दुविधा, दिक्कत, दर्द, समस्या, इशू, प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना अगले सेशन में चलेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ये रैपिड रिवीजन बैच आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है, क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पर्सनली भी बता सकते हो, अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए, तो आज का सेशन फिर हम ओवर करेंगे यहाँ पे। मिलते हैं 1:15 बजे लगभग, आपका टाइम हो चुका है, 1:12 हो चुकी है। सो वी विल मीट एट 1:15, 2-3 मिनट में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, पढ़ाई अच्छे से करनी, और आज जितना भी पढ़ाया है आई एम डैम श्योर कि मुस्लिम लॉ में यहाँ से सवाल जरूर आ सकते हैं, स्पेशली आपके गुजरात जुडिशरी में जो अभी हो रहा है, क्योंकि यूके जुडिशरी में भी हुआ ही था। यूके का हालांकि बैच अपन ने लॉन्च नहीं किया था, लेकिन हरियाणा के वक्त जरूर पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। तो देखो सवाल तो आते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मेरी क्लास देखो, बस देखो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे कंटेंट पर फोकस करो। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जब आप पढ़ रहे हो तो कैसे कंटेंट पर फोकस करो, इट इज़ वेरी नेसेसरी। आपने अभी यहाँ कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट समझने के बाद जो जरूरी अगला इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है वो रहता है एमसीक्यूज। आपने सीआरपीसी, सीपीसी कोई कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन अब उस कंसेप्ट को समझने के बाद व्हेन यू अप्लाई इट टू क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वही दिक्कतों का सामना आपको होगा एग्जाम में। तो बेहतर है जितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो करो, बिकॉज एट द एंड वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपका डिसाइड करेंगे एग्जाम, जो कि आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। ओके ठीक है, सो दैट वाज ऑल इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।